तो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गुंडे मूवी के बारे में। अगर आप भी दोस्तों गुंडे मूवी को हिंदी भाषा में देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि कैसे क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गुंडे मूवी को लेकर कि कैसे क्या आप इस मूवी को देख सकते हैं, जानेंगे कुछ रिव्यू इस मूवी को लेकर। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें गुंडे मूवी के बारे में तो साल 2014 की काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर मूवी है, जो कि दोस्तों आपके लिए देखने को मिली थी। काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी नाम किए थे इस मूवी ने, काफ़ी ठीक ठाक से चल गई थी उस टाइम पर। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो ये जो मूवी है रिलीज़ हुई थी 14 फरवरी 2000 को, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को डायरेक्ट किया अली अब्बास जफर ने, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था एसराज फिल्म द्वारा, यानी कि इस मूवी को एसराज फिल्म द्वारा जो बैनर तले बनाया गया है। और उसके साथ साथ इस मूवी के अगर बजट के लेकर बात कर लें तो लगभग बजट 51 करोड़ के आसपास तक का था उस टाइम पर। और इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है आज के टाइम तक का, जो मतलब उसी टाइम पर 130 से 131 करोड़ तक का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है हो रखा है इस मूवी का, तो काफ़ी ठीक ठाक से मूवी चल गई थी। ऐसे में रेटिंग को लेकर बात करें तो 2.7 out of 10 की IMDb को कुछ रेटिंग है इस मूवी को मिली है। रेटिंग के मामले में बहुत ही पीछे है ये मूवी। अगर बात कर लें कुछ 63% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया यानी पसंद किया है। और ऐसे में ये मूवी की कहानी है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। मूवी की कास्ट की अगर बात करें तो मैन लीड एक्टर्स में आपको रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान, सौरभ शुक्ला, दीपराज राणा, ऐसे बहुत से जो करेक्टर्स हैं देखने को मिलेंगे आपको इस मूवी के अंदर, जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों रणवीर और यहाँ पर अर्जुन कपूर ने एक साथ परफॉर्मेंस करने वाले हैं, एक दोस्त के रूप में निभाने वाले हैं इस मूवी के अंदर, वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि बात कर लें इस मूवी के बारे में तो गाइज आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कोई ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो मूवी है अनऑफिशियली कई तरीके से अवेलेबल है, बाकी ऑफिशियली तरीके से आप इसको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ताज्जुब ये होता है कि यसराज जैसे बैनर के द्वारा बनी फिल्म, जो कि हमारे डायरेक्टर साहब है अली अब्बास ने काफ़ी फिल्में दी हैं, जैसे कि दोस्तों अगर वर्षों में फिल्मों का जमाया जाए तो जैसे काफ़ी चालू मसालों के परोसकर ऐसी फिल्म जो बनाई है जो कि काफ़ी शौकीनों और टाइम पास के लिए थिएटर में काफ़ी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों यसराज बैनर के सुप्रीमो आदित्य चोपड़ा ने पहली फिल्म जो कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पूरी करने के बाद शोले जैसी भव्य फिल्में बनाने की ख्वाहिश जताई थी। लंबे अरसे के बाद आदित्य बेशक शोले नहीं बना पाए, लेकिन उनके पास जब इस फिल्म के इस कहानीकार और डायरेक्टर ने दो वीरू और जय टाइप के दोस्तों से मिलती जुलती कहानी सुनाई तो आदित्य ने झट से उन्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, ग्रीन सिग्नल दिया। अब इससे जब इन्होंने गुंडे बनकर तैयार की, जिस मूवी का नाम गुंडे रखा, तो इन दोनों को किरदार को चंद पहलू, ट्रेन डकैती, सिक्का उछालना आदि के अलावा इनमें एक दोस्त वाला की इमेज कहीं ना कहीं एग्री यंगमैन की इमेज में प्रभावित लगती है। वहीं दोस्तों अच्छी शुरुआत के बाद कहानी को आगे खिसकाने के लिए डायरेक्टर ने हमारे कैमरे डांसर नरिता सेन की लंबी मुलाकातें और इंटरवल के बाद काफ़ी अचानक से बरसों पहले रिलीज हुई मूवी जो कि कोयला और काला पत्थर की झलक भी नजर आती है इस मूवी के अंदर। ताज्जुब है दोस्तों, वैलेंटाइंस डे के दिन बॉलीवुड की ओर से किसी लव स्टोरी ने पर्दे पर दस्तक नहीं दी, गुंडे जरूर इस दिन मूवी रिलीज हो गई थी। और कहानी के 70 के दशक में दोस्तों जब लंबे गृह युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर नए नए देश के बांग्लादेश का जन्म होने के साथ इस फिल्म की कहानी शुरू होती है। इसी दौरान यहाँ कहीं वाला जो कि हमारे अर्जुन कपूर है और यहाँ पर विक्रम जो कि रणवीर सिंह है का जन्म हुआ है। इन दोनों ने दोस्तों इस गृह युद्ध के दौरान वहाँ हुए खून खराबे और हिंसा के तांडव को बहुत नज़दीक से देखा है। 12 से 13 साल की उम्र में दोनों कोलकाता आते हैं और कोयले की चोरी के काम में जुड़ जाते हैं, ठीक है, ये मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। हालात इन दोनों के दोस्तों अनाथों की दोस्ती की ऐसी डोर बांधते हैं जहां इनकी दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि एक जान तो दो जिस्म। बाला कुछ ऐसा गुस्सेल है जो कि अक्सर छोटी सी बात पर भी अपना आपा खो बैठता है। कोलकाता में आने के बाद इन्हें एहसास होता है कि इस शहर में अपना वजूद बनाने के लिए उन्हें हर काम एकजुट होना पड़ेगा। बाला और विक्रम, विक्रम का बड़ा है, विक्रम कोई भी काम बिना सोचे समझे हाथ में नहीं लेता है। यही वजह है कि विक्रम गैर कानूनी धंधे में बारीकियों को बाखूबी जानता है। विक्रम की एक और खासियत है दोस्तों, जिस वह अपना समझता है उसके लिए कुछ भी करने का हरदम तैयार रहता है। बेशक बाला गुस्सैल है लेकिन दोस्तों बेहद वफादार है। बाला लात गुस्सों को
मासा कुछ जानता ज़्यादा ही जानता है। कोलकाता में आए हुए इन्हें दोस्तों कई साल हो चुके हैं। इस बीच दोनों इस शहर के सबसे बड़े और नामी गुंडे बन चुके हैं। इस बीच एंट्री होती है कैफे कैमरा डांसर की और उसके बाद नाइट क्लब की ओपनिंग पर विक्रम और बाला पहली बार नंदिता को देखते हैं और उसकी खूबसूरती पर मर मिटते हैं। नंदिता की जो खूबसूरती का जादू बाला और विक्रम पर कुछ ज़्यादा ही चलता है और दोनों उसकी आंखों की ओर खींचे चले जाते हैं। नंदिता जो कि आने के बाद बाला और विक्रम की रूखी जिंदगी में रंगों की बाहर से आ जाती है। हर काम एक साथ बांटकर करने वाले बाला और विक्रम के बाहर नंदिता एक साथ मर मिटते हैं। हालात उस वक्त बदलते हैं जब नंदिता 7 दिन बाद इन दोनों में से किसी एक के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करती है। इस बीच SP सत्यजीत सरकार जो कि हमारे इरफान खान की एंट्री होती है इस मूवी के अंदर, जो हर गलत को सही करना जानते हैं, कानून तोड़ने वाले को कानून सबक सिखाना और सरकार के अच्छी तरह जानता है, बड़े से बड़े गुंडों को उससे अक्सर कानून पाठ पढ़ाया है। सरकार का दोस्तों दिमाग बहुत तेज चलता है, इन दिनों के जेल के सिकंजों के बीच पहुंचाने के लिए एक प्लान बनाता है। सरकार की शतरंजी चाल में उसके पास कई मोहरे हैं, विक्रम और बाला बेहद गरीब हैं। तो इस पूरी जानकारी के लिए आपको मूवी की तरफ जाना पड़ेगा और यही कुछ स्टोरी देखने को मिलेगी, क्या कैसे होता है, क्या कैसे दोस्ती में टकराव आता है जब यहाँ पर लव स्टोरी किसी एक की साइड हो जाती है। तो वो सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। एक्टिंग्स को लेकर बात करें दोस्तों, विक्रम के जो किरदार में रणवीर सिंह ने काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले किया है। बेशक दोस्तों रणवीर का लुक और कुछ सीन्स उनकी डायलॉग्स डिलीवरी के थोड़ा बहुत पीछे कर सकते हैं, जो कि रामलीला की याद दिलाते हैं थोड़ी बहुत। बाकी दोस्तों आपको बता दूँ, हर वक्त अलग अपनी दुनिया में रहने वाले गुस्सेल जो कि बाला, जो कि हमारे अर्जुन कपूर, अपनी ओर से काफ़ी अच्छा खासा बेहतरीन काम करते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी थोड़ी बहुत कमज़ोर नज़र आ सकती है इस मूवी के अंदर। प्रियंका इन दोनों के सामने जब भी नजर आई तो एक स्कूल टीचर के स्टाइल में इन्हें ज्ञान देती नजर आती है। बेशक नंदिता के रोल में दोस्तों प्रियंका फिट है, लेकिन रणबीर और अर्जुन के सामने कुछ ज़्यादा सीनियर नजर आती हैं। SP सरकार के रोल में इरफान खान ने प्रभावित किया है, लेकिन उनका किरदार कुछ ऐसे कमजोर ढंग से लिखा गया है कि इरफान जैसा मांझा हुआ कलाकार भी तरह जान नहीं डाल पाया। सौरभ शुक्ला अपने किरदार में खूब जमे हैं, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अली अब्बास जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले ही काफ़ी अच्छा खासा काम शुरू करना चाहते थे। इंटरवल से पहले जो कहानी है थोड़ी अखरता है, लेकिन इंटरवल के बाद काफ़ी क्लाइमैक्स बढ़ जाता है, काफ़ी मूवी है थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है। बाला और विक्रम की दोस्ती में दरार को अब्बास ने काफ़ी ढंग से पेश किया, काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखा है। आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए दोस्तों, आपको इसमें 70 और 80 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर बिकाऊ लगभग सभी मसाले मौजूद हैं, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सब एक मूवी की कह लें पुरानी मूवीज़ की सब कुछ मिक्सर एक टाइप से गुंडे मूवी में दिखाने की कोशिश की और काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। हालांकि अगर बात कर लें, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिशियली रूप से आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, तो Amazon प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर बात करें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में, तो गाइस इसका पहले ही बहुत ज़्यादा पहले ही प्रीमियर हो चुका है, जो कि हमें मैक्स टेलीविजन पर आए दिन ये मूवी देखने को मिलती रहती है और सोनीमा वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है। तो इस टाइप से ये जो मूवी है काफ़ी जगह से हो जाती है, इसी टाइप की कुछ स्टोरी रहेगी इस मूवी के अंदर। आई होप आपको जानकारी मिल चुकी है क्या कैसे इस मूवी की स्टोरी रहने वाली है। तो इस टाइप से आप इस मूवी को देख सकते हैं और उस टाइप से काफ़ी बेहद आपको मूवी पसंद आने वाली है। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा क्यों एक्साइटेड हैं एंड आप किस वजह से देखना चाहते हैं, और यही कुछ स्टोरी इस मूवी की रहने वाली है जो कि आपको काफ़ी पसंद आ सकती है। तो वैसे मैं आपकी क्या राय इस मूवी के बारे में आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आने वाले दिनों में हम आपके लिए वैसे बहुत सारी अपडेट्स लाते रहते हैं, कुछ अपकमिंग अपडेट्स के साथ मिलेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में तो क्या चल दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। गाइज आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गुंडे मूवी के बारे में। अगर आप भी दोस्तों गुंडे मूवी को हिंदी भाषा में देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि कैसे क्या, आप इस मूवी को YouTube पर देख सकते हैं। सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गुंडे मूवी को लेकर कि कैसे क्या आप इस मूवी को देख सकते हैं, जानेंगे कुछ रिव्यू इस मूवी को लेकर। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें गुंडे मूवी के बारे में, तो साल 2014 की काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर मूवी है, जो कि दोस्तों आपके लिए देखने को मिली थी। काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी नाम किए थे इस मूवी ने, काफ़ी ठीक ठाक से चल गई थी उस टाइम पर। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो ये जो मूवी है रिलीज़ हुई थी 14 फरवरी 2000 को, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को डायरेक्ट किया अली अब्बास जफर ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था एसराज फिल्म द्वारा, यानी कि इस मूवी को एसराज फिल्म द्वारा जो बैनर तले बनाया गया है। और उसके साथ साथ इस मूवी के अगर बजट के लेकर बात कर लें, तो लगभग बजट 51 करोड़ के आसपास तक का था उस टाइम पर। और इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है आज के टाइम तक का, जो मतलब उसी टाइम पर 130 से 131 करोड़ तक का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है हो रखा है इस मूवी का, तो काफ़ी ठीक ठाक से मूवी चल गई थी। ऐसे में रेटिंग को लेकर बात करें,
तो 2.7 आउट ऑफ 10 की IMDb को कुछ रेटिंग है इस मूवी को मिली है। रेटिंग के मामले में बहुत ही पीछे है ये मूवी। अगर बात करें कुछ 63% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया यानी पसंद किया है, और ऐसे में ये मूवी की कहानी है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। मूवी की कास्ट की अगर बात करें तो मैन लीड एक्टर्स में आपको रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान, सौरभ शुक्ला, दीपराज राणा, ऐसे बहुत से जो करेक्टर्स हैं देखने को मिलेंगे आपको इस मूवी के अंदर, जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों रणबीर और यहाँ पर अर्जुन कपूर ने एक साथ परफॉर्मेंस करने वाले हैं, एक दोस्त के रूप में निभाने वाले हैं इस मूवी के अंदर, वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि बात कर लें इस मूवी के बारे में तो गाइज आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कोई ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो मूवी है अनऑफिशियली कई तरीके से अवेलेबल है, बाकी ऑफिशियली तरीके से आप इसको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ताज्जुब ये होता है कि यशराज जैसे बैनर के द्वारा बनी फिल्म, जो कि हमारे डायरेक्टर साहब है अली अब्बास ने काफ़ी फिल्में दी हैं, जैसे कि दोस्तों अगर वर्षों में फिल्मों का जमाया जाए तो जैसे काफ़ी चालों मसालों के परोसकर ऐसी फिल्म जो बनाई है जो कि काफ़ी शौकीनों और टाइम पास के लिए थिएटर में काफ़ी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों यशराज बैनर के सुप्रीमो आदित्य चोपड़ा ने पहली फिल्म जो कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पूरी करने के बाद शोले जैसी भव्य फिल्में बनाने की ख्वाहिश जताई थी। लंबे अरसे के बाद आदित्य बेशक शोले नहीं बना पाए, लेकिन उनके पास जब इस फिल्म के इस कहानीकार और डायरेक्टर ने दो वीरू और जय टाइप के दोस्तों से मिलती जुलती कहानी सुनाई तो आदित्य ने झट से उन्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, ग्रीन सिग्नल दिया। अब इससे जब इन्होंने गुंडे बनकर तैयार की, इस मूवी का नाम गुंडे रखा, तो इन दोनों को किरदार को चंद पहलू, ट्रेन डकैती, सिक्का उछालना आदि के अलावा इनमें एक दोस्त वाला की इमेज कहीं ना कहीं एग्री यंगमैन की इमेज में प्रभावित लगती है। वहीं दोस्तों अच्छी शुरुआत के बाद कहानी को आगे खिसकाने के लिए डायरेक्टर ने हमारे कैबरे डांसर नजीता से इनकी लंबी मुलाकातें और इंटरवल के बाद काफ़ी अचानक से बरसों पहले रिलीज हुई मूवी जो कि कोयला और काला पत्थर की झलक भी नजर आती है इस मूवी के अंदर। ताज्जुब है दोस्तों वैलेंटाइंस डे के दिन बॉलीवुड की ओर से किसी लव स्टोरी ने पर्दे पर दस्तक नहीं दी, गुंडे जरूर इस दिन मूवी रिलीज हो गई थी। और कहानी के 70 के दशक में दोस्तों जब लंबे गृह युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर नए नए देश के बांग्लादेश का जन्म होने के साथ इस फिल्म की कहानी शुरू होती है। इसी दौरान यहाँ कहीं वाला जो कि हमारे अर्जुन कपूर है और यहाँ पर विक्रम जो कि रणवीर सिंह है का जन्म हुआ है। इन दोनों ने दोस्तों इस गृह युद्ध के दौरान वहाँ हुए खून खराबे और हिंसा के तांडव को बहुत नजदीक से देखा है। 12 से 13 साल की उम्र में दोनों कोलकाता आते हैं और कोयले की चोरी के काम में जुड़ जाते हैं, ठीक है, ये मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। हालात इन दोनों के दोस्तों अनाथों की दोस्ती की ऐसी डोर बांधते हैं जहां इनकी दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि एक जान तो दो जिस्म। बाला कुछ ऐसा गुस्सेल है जो कि अक्सर छोटी सी बात पर भी अपना आपा खो बैठता है। कोलकाता में आने के बाद इन्हें एहसास होता है कि इस शहर में अपना वजूद बनाने के लिए उन्हें हर काम एकजुट होना पड़ेगा। बाला और विक्रम, विक्रम का बड़ा है, विक्रम कोई भी काम बिना सोचे समझे हाथ में नहीं लेता है। यही वजह है कि विक्रम गैर कानूनी धंधे में बारीकियों को बाखूबी जानता है। विक्रम की एक और खासियत है दोस्तों, जिस वह अपना समझता है उसके लिए कुछ भी करने का हरदम तैयार रहता है। बेशक बाला गुस्सैल है लेकिन दोस्तों बेहद वफादार है। बाला लात घूसों को मासा कुछ जानता है, ज़्यादा ही जानता है। कोलकाता में आए हुए इन्हें दोस्तों कई साल हो चुके हैं। इस बीच दोनों इस शहर के सबसे बड़े और नामी गुंडे बन चुके हैं। इस बीच एंट्री होती है कैमरा डांसर की और उसके बाद नाइट क्लब की ओपनिंग पर विक्रम और बाला पहली बार नंदिता को देखते हैं और उसकी खूबसूरती पर मर मिटते हैं। नंदिता की जो खूबसूरती का जादू बाला और विक्रम पर कुछ ज़्यादा ही चलता है और दोनों उसकी आंखों की ओर खींचे चले जाते हैं। नंदिता जो कि आने के बाद बाला और विक्रम की रूखी जिंदगी में रंगों की बाहर सी आ जाती है। हर काम एक साथ बांट कर करने वाले बाला और विक्रम के बाहर नंदिता एक साथ मर मिटते हैं। हालात तो उस वक्त बदलते हैं जब नंदिता 7 दिन बाद इन दोनों में से किसी एक के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करती है। इस बीच SP सत्यजीत सरकार जो कि हमारे इरफान खान की एंट्री होती है इस मूवी के अंदर, जो हर गलत को सही करना जानते हैं, कानून तोड़ने वाले को कानून सबक सिखाना और सरकार के अच्छी तरह जानता है, बड़े से बड़े गुंडों को उससे अक्सर कानून पाठ पढ़ाया है। सरकार का दोस्तों दिमाग बहुत तेज चलता है, इन दोनों के जेल के सिकंजों के बीच पहुंचाने के लिए एक प्लान बनाता है। सरकार की शतरंजी चाल में उसके पास कई मोहरे हैं, विक्रम और बाला बेहद गरीब हैं। तो इस पूरी जानकारी के लिए आपको मूवी की तरफ जाना पड़ेगा और यही कुछ स्टोरी देखने को मिलेगी, क्या कैसे होता है, क्या कैसे दोस्ती में टकराव आता है जब यहाँ पर लव स्टोरी किसी एक की साइड हो जाती है, तो वो सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। एक्टिंग
एक्टर्स को लेकर बात करें दोस्तों, विक्रम के जो किरदार में रणवीर सिंह ने काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले किया है। बेशक दोस्तों रणवीर का लुक और कुछ सीन्स उनकी डायलॉग्स डिलीवरी के थोड़ा बहुत पीछे कर सकते हैं, जो कि रामलीला की याद दिलाते हैं थोड़ी बहुत। बाकी दोस्तों आपको मैं बता दूं, हर वक्त अलग अपनी दुनिया में रहने वाले गुस्सेल जो कि बाला, जो कि हमारे अर्जुन कपूर, अपनी ओर से काफ़ी अच्छा ऐसा बेहतरीन काम करते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी थोड़ी बहुत कमज़ोर नज़र आ सकती है इस मूवी के अंदर। प्रियंका इन दोनों के सामने जब भी नज़र आई तो एक स्कूल टीचर के स्टाइल में इन्हें ज्ञान देती नज़र आती है। बेशक नैनीता के रोल में दोस्तों प्रियंका फिट है, लेकिन रणबीर और अर्जुन के सामने कुछ ज़्यादा सीनियर नज़र आती हैं। एसपी सरकार के रोल में इरफान खान ने प्रभावित किया है, लेकिन उनका किरदार कुछ ऐसे कमज़ोर ढंग से लिखा गया है कि इरफान जैसा मांझा हुआ कलाकार भी तरह जान नहीं डाल पाया। सौरभ शुक्ला अपने किरदार में खूब जमे हैं, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अली अब्बास जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले ही काफ़ी अच्छा खासा काम शुरू करना चाहते थे। इंटरवल से पहले जो कहानी है थोड़ी अकड़ता है, लेकिन इंटरवल के बाद काफ़ी क्लाइमैक्स बढ़ जाता है, काफ़ी मूवी है थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है। बाला और विक्रम की दोस्ती में दरार को अब्बास ने काफ़ी ढंग से पेश किया, काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखा है। आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए दोस्तों? आपको इसमें 70 और 80 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर बिकाऊ लगभग सभी मसाले मौजूद हैं, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सब एक मूवी की कह लें, पुरानी मूवीज़ की सब कुछ मिक्सर एक टाइप से गुंडे मूवी में दिखाने की कोशिश की, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। हालाँकि अगर बात कर, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिशियली रूप से आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर बात करें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में, तो गाइस इसका पहले ही बहुत ज़्यादा पहले ही प्रीमियर हो चुका है, जो कि हमें मैक्स टेलीविजन पर आए दिन ये मूवी देखने को मिलती रहती है, और सोनी बा वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है। तो इस टाइप से जो मूवी है काफ़ी जगह से हो जाती है, इसी टाइप की कुछ स्टोरी रहेगी इस मूवी के अंदर। आई होप आपको जानकारी मिल चुकी है क्या कैसे इस मूवी की स्टोरी रहने वाली है। तो इस टाइप से आप इस मूवी को देख सकते हैं, और उस टाइप से काफ़ी बेहद आपको मूवी पसंद आने वाली है। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा क्यों एक्साइटेड हैं, एंड आप किस वजह से देखना चाहते हैं, और यही कुछ स्टोरी इस मूवी की रहने वाली है जो कि आपको काफ़ी पसंद आ सकती है। तो वैसे मैं आपको क्या रहा है इस मूवी के बारे में आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आने वाले दिनों में हम आपके लिए वैसे बहुत सारी अपडेट्स लाते रहते हैं, कुछ अपकमिंग अपडेट्स के साथ मिलेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में तो क्या चल दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? गाइज आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गुंडे मूवी के बारे में। अगर आप भी दोस्तों गुंडे मूवी को हिंदी भाषा में देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि कैसे क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गुंडे मूवी को लेकर कि कैसे क्या आप इस मूवी को देख सकते हैं, जानेंगे कुछ रिव्यू इस मूवी को लेकर। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें गुंडे मूवी के बारे में, तो साल 2014 की काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर मूवी है, जो कि दोस्तों आपके लिए देखने को मिली थी। काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी नाम किए थे इस मूवी ने, काफ़ी ठीक ठाक सी चल गई थी उस टाइम पर। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो ये जो मूवी है रिलीज़ हुई थी 14 फरवरी 2000 को, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को डायरेक्ट किया अली अब्बास जफर ने, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था एसराज फिल्म द्वारा, यानी कि इस मूवी को एसराज फिल्म द्वारा जो बैनर तले बनाया गया है। और उसके साथ साथ इस मूवी के अगर बजट के लेकर बात कर लें, तो लगभग बजट 51 करोड़ के आसपास तक का था उस टाइम पर, और इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है आज के टाइम तक का, जो मतलब उसी टाइम पर 130 से 131 करोड़ तक का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है हो रखा है इस मूवी का, तो काफ़ी ठीक ठाक से मूवी चल गई थी। ऐसे में रेटिंग को लेकर बात करें, तो 2.7 out of 10 की IMDb को कुछ रेटिंग है इस मूवी को मिली है। रेटिंग के मामले में बहुत ही पीछे है ये मूवी। अगर बात करें कुछ 63% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया, यानी पसंद किया है, और ऐसे में ये मूवी की कहानी है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं, तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। मूवी की कास्ट की अगर बात करें, तो मैन लीड एक्टर्स में आपको रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान, सौरभ शुक्ला, दीपराज राणा, ऐसे बहुत से जो करेक्टर्स हैं देखने को मिलेंगे आपको इस मूवी के अंदर, जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों रणवीर और यहाँ पर अर्जुन कपूर ने एक साथ परफॉर्मेंस करने वाले हैं, एक दोस्त के रूप में निभाने वाले हैं इस मूवी के अंदर, वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि बात करें इस मूवी के बारे में, तो गाइज आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कोई ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो मूवी है अनऑफिशियली कई तरीके से अवेलेबल है, बाकी ऑफिशियली तरीके से आप इसको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी।
दोस्तों यहाँ पर ताज्जुब यह होता है कि यशराज जैसे बैनर के द्वारा बनी फिल्म जो कि हमारे डायरेक्टर साहब है अली अब्बास ने काफ़ी फिल्में दी हैं, जैसे कि दोस्तों अगर वर्षों में फिल्मों का जमाया जाए तो जैसे काफ़ी चालों मसालों के परोसकर ऐसी फिल्म जो बनाई है जो कि काफ़ी शौकीनों और टाइम पास के लिए थिएटर में काफ़ी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों यशराज बैनर के सुप्रीमो आदित्य चोपड़ा ने पहली फिल्म जो कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पूरी करने के बाद शोले जैसी भव्य फिल्में बनाने की ख्वाहिश जताई थी। लंबे अरसे के बाद आदित्य बेशक शोले नहीं बना पाए, लेकिन उनके पास जब इस फिल्म के इस कहानीकार और डायरेक्टर ने दो वीरू और जय टाइप के दोस्तों से मिलती जुलती कहानी सुनाई तो आदित्य ने झट से उन्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, ग्रीन सिग्नल दिया। अब इससे जब इन्होंने गुंडे बनकर तैयार की, इस मूवी का नाम गुंडे रखा, तो इन दोनों को किरदार को चंद पहलू, ट्रेन डकैती, सिक्का उछालना आदि के अलावा इनमें एक दोस्त वाला की इमेज कहीं ना कहीं एग्री एगमैन की इमेज में प्रभावित लगती है। वहीं दोस्तों अच्छी शुरुआत के बाद कहानी को आगे खिसकाने के लिए डायरेक्टर ने हमारे कैवे डांसर नजीता से इनकी लंबी मुलाकातें और इंटरवल के बाद काफ़ी अचानक से बरसों पहले रिलीज हुई मूवी जो कि कोयला और काला पत्थर की झलक भी नजर आती है इस मूवी के अंदर। ताज्जुब है दोस्तों वैलेंटाइंस डे के दिन बॉलीवुड की ओर से किसी लव स्टोरी ने पर्दे पर दस्तक नहीं दी, गुंडे जरूर इस दिन मूवी रिलीज हो गई थी। और कहानी के 70 के दशक में दोस्तों जब लंबे गृह युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर नए नए देश के बांग्लादेश का जन्म होने के साथ इस फिल्म की कहानी शुरू होती है। इसी दौरान यहाँ कहीं वाला जो कि हमारे अर्जुन कपूर है और यहाँ पर विक्रम जो कि रणवीर सिंह है का जन्म हुआ है। इन दोनों ने दोस्तों इस गृह युद्ध के दौरान वहाँ हुए खून खराबे और हिंसा के तांडव को बहुत नजदीक से देखा है। 12 से 13 साल की उम्र में दोनों कोलकाता आते हैं और कोयले की चोरी के काम में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। हालात इन दोनों के दोस्तों अनाथों की दोस्ती की ऐसी डोर बांधते हैं जहां इनकी दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि एक जान तो दो जिस्म। बाला कुछ ऐसा गुस्सेल है जो कि अक्सर छोटी सी बात पर भी अपना आपा खो बैठता है। कोलकाता में आने के बाद इन्हें एहसास होता है कि इस शहर में अपना वजूद बनाने के लिए उन्हें हर काम एकजुट होना पड़ेगा। बाला और विक्रम, विक्रम का बड़ा है, विक्रम कोई भी काम बिना सोचे समझे हाथ में नहीं लेता है। यही वजह है कि विक्रम गैर कानूनी धंधे में बारीकियों को बाखूबी जानता है। विक्रम की एक और खासियत है दोस्तों, जिस वह अपना समझता है उसके लिए कुछ भी करने का हरदम तैयार रहता है। बेशक बाला गुस्सैल है लेकिन दोस्तों बेहद वफादार है। बाला लात घूसों को मासा कुछ जानता है, ज़्यादा ही जानता है। कोलकाता में आए हुए इन्हें दोस्तों कई साल हो चुके हैं। इस बीच दोनों इस शहर के सबसे बड़े और नामी गुंडे बन चुके हैं। इस बीच एंट्री होती है कैमरा डांसर की और उसके बाद नाइट क्लब की ओपनिंग पर विक्रम और बाला पहली बार नंदिता को देखते हैं और उसकी खूबसूरती पर मर मिटते हैं। नंदिता की जो खूबसूरती का जादू बाला और विक्रम पर कुछ ज़्यादा ही चलता है और दोनों उसकी आंखों की ओर खींचे चले जाते हैं। नंदिता जो कि आने के बाद बाला और विक्रम की रूखी जिंदगी में रंगों की बाहर सी आ जाती है। हर काम एक साथ बांट कर करने वाले बाला और विक्रम के बाहर नंदिता एक साथ मर मिटते हैं। हालात उस वक्त बदलते हैं जब नंदिता 7 दिन बाद इन दोनों में से किसी एक के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करती है। इस बीच SP सत्यजीत सरकार जो कि हमारे इरफान खान की एंट्री होती है इस मूवी के अंदर, जो हर गलत को सही करना जानते हैं, कानून तोड़ने वाले को कानून सबक सिखाना और सरकार के अच्छी तरह जानता है, बड़े से बड़े गुंडों को उससे अक्सर कानून पाठ पढ़ाया है। सरकार का दोस्तों दिमाग बहुत तेज चलता है, इन दोनों के जेल के सिकंजों के बीच पहुंचाने के लिए एक प्लान बनाता है। सरकार की शतरंजी चाल में उसके पास कई मोहरे हैं, विक्रम और बाला बेहद गरीब हैं। तो इस पूरी जानकारी के लिए आपको मूवी की तरफ जाना पड़ेगा और यही कुछ स्टोरी देखने को मिलेगी, क्या कैसे होता है, क्या कैसे दोस्ती में टकराव आता है जब यहाँ पर लव स्टोरी किसी एक की साइड हो जाती है, तो वो सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। एक्टिंग को लेकर बात करें दोस्तों, विक्रम के जो किरदार में रणवीर सिंह ने काफी अच्छे खासा रोल प्ले किया है। बेशक दोस्तों रणवीर का लुक और कुछ सीन्स उनकी डायलॉग्स डिलीवरी के थोड़ा बहुत पीछे कर सकते हैं जो कि रामलीला की याद दिलाते हैं थोड़ी बहुत। बाकी दोस्तों आपको मैं बता दूं, हर वक्त अलग अपनी दुनिया में रहने वाले गुस्सेल जो कि बाला जो कि हमारे अर्जुन कपूर अपनी ओर से काफ़ी अच्छा ऐसा बेहतरीन काम करते हैं, उनकी डायलॉग डिलीवरी थोड़ी बहुत कमज़ोर नज़र आ सकती है इस मूवी के अंदर। प्रियंका इन दोनों के सामने जब भी नजर आई तो एक स्कूल टीचर के स्टाइल में इन्हें ज्ञान देती नजर आती है। बेशक नंदिता के रोल में दोस्तों प्रियंका फिट है लेकिन रणबीर और अर्जुन के सामने कुछ ज़्यादा सीनियर नज़र आती हैं। SP सरकार के रोल में इरफान खान ने प्रभावित किया है लेकिन उनका किरदार कुछ ऐसे कमज़ोर ढंग से लिखा गया है कि इरफान जैसा मांझा हुआ कलाकार भी तरह जान नहीं डाल पाया। सौरभ शुक्ला अपने किरदार में खूब जमे हैं, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अली अब्बास जो कि हमारे डायरेक्टर हैं इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले ही काफ़ी अच्छा खासा काम शुरू करना चाहते थे, इंटरवल से
पहले जो कहानी है थोड़ी अकड़ता है, लेकिन इंटरवल के बाद काफ़ी क्लाइमैक्स बढ़ जाता है। काफ़ी मूवी है, थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है। बाला और विक्रम की दोस्ती में दरार को अब्बास ने काफ़ी ढंग से पेश किया, काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखा है। आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए दोस्तों? आपको इसमें 70 और 80 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर बिकाऊ लगभग सभी मसाले मौजूद हैं, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सब एक मूवी की कह लें, पुरानी मूवीज़ की सब कुछ मिक्सर एक टाइप से गुंडे मूवी में दिखाने की कोशिश की और काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। हालांकि अगर बात कर लें, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिशियली रूप से आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर बात कर लें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में, तो गाइस इसका पहले ही बहुत ज़्यादा पहले ही प्रीमियर हो चुका है, जो कि हमें मैक्स टेलीविजन पर आए दिन ये मूवी देखने को मिलती रहती है और सोनी वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है। तो इस टाइप से जो मूवी है काफ़ी जगह से हो जाती है, इसी टाइप की कुछ स्टोरी रहेगी इस मूवी के अंदर। आई होप आपको जानकारी मिल चुकी होगी क्या कैसे इस मूवी की स्टोरी रहने वाली है। तो इस टाइप से आप इस मूवी को देख सकते हैं और इस टाइप से काफ़ी बेहद आपको मूवी पसंद आने वाली है। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा क्यों एक्साइटेड है एंड आप किस वजह से देखना चाहते हैं, और यही कुछ स्टोरी इस मूवी की रहने वाली है जो कि आपको काफ़ी पसंद आ सकती है। तो वैसे मैं आपकी क्या राय इस मूवी के बारे में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आने वाले दिनों में हम आपके लिए वैसे बहुत सारी अपडेट्स लाते रहते हैं, कुछ अपकमिंग अपडेट्स के साथ मिलेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में तो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? गाइज आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गुंडे मूवी के बारे में। अगर आप भी दोस्तों गुंडे मूवी को हिंदी भाषा में देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि कैसे क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गुंडे मूवी को लेकर कि कैसे क्या आप इस मूवी को देख सकते हैं, जानेंगे कुछ रिव्यू इस मूवी को लेकर। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें गुंडे मूवी के बारे में, तो साल 2014 की काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर मूवी है, जो कि दोस्तों आपके लिए देखने को मिली थी। काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी नाम किए थे इस मूवी ने, काफ़ी ठीक ठाक से चल गई थी उस टाइम पर। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो ये जो मूवी है रिलीज़ हुई थी 14 फरवरी 2000 कुछ को, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को डायरेक्ट किया अली अब्बास जफर ने, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था एसराज फिल्म द्वारा, यानी कि इस मूवी को एसराज फिल्म द्वारा जो बैनर तले बनाया गया है। और उसके साथ साथ इस मूवी के अगर बजट के लेकर बात कर लें, तो लगभग बजट 51 करोड़ के आसपास तक का था उस टाइम पर। और इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है आज के टाइम तक का, जो मतलब उसी टाइम पर 130 से 131 करोड़ तक का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है हो रखा है इस मूवी का, तो काफ़ी ठीक ठाक से मूवी चल गई थी। ऐसे में रेटिंग को लेकर बात करें, तो 2.7 out of 10 की IMDb को कुछ रेटिंग है इस मूवी को मिली है। रेटिंग के मामले में बहुत ही पीछे है ये मूवी। अगर बात कर लें कुछ 63% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया यानी पसंद किया है। और ऐसे में ये मूवी की कहानी है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं, तो आप बेसिक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। मूवी की कास्ट की अगर बात करें, तो मैन लीड एक्टर्स में आपको रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान, सौरभ शुक्ला, दीपराज राणा, ऐसे बहुत से जो करेक्टर्स हैं देखने को मिलेंगे आपको इस मूवी के अंदर, जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों रणवीर और यहाँ पर अर्जुन कपूर ने एक साथ परफॉर्मेंस करने वाले हैं, एक दोस्त के रूप में निभाने वाले हैं इस मूवी के अंदर, वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो गाइज आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कोई ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो मूवी है अनऑफिशियली कई तरीके से अवेलेबल है, बाकी ऑफिशियली तरीके से आप इसको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ताज्जुब ये होता है कि यशराज जैसे बैनर के द्वारा बनी फिल्म, जो कि हमारे डायरेक्टर साहब हैं अली अब्बास ने काफ़ी फिल्में दी हैं, जैसे कि दोस्तों अगर वर्षों में फिल्मों का जमाया जाए, तो जैसे काफ़ी चालू मसालों के परोसकर ऐसी फिल्म जो बनाई है, जो कि काफ़ी शौकीनों और टाइम पास के लिए थिएटर में काफ़ी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों यशराज बैनर के सुप्रीमो आदित्य चोपड़ा ने पहली फिल्म जो कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पूरी करने के बाद शोले जैसी भव्य फिल्में बनाने की ख्वाहिश जताई थी। लंबे अरसे के बाद आदित्य बेशक शोले नहीं बना पाए, लेकिन उनके पास जब इस फिल्म के इस कहानीकार और डायरेक्टर ने दो वीरू और जय टाइप के दोस्तों से मिलती जुलती कहानी सुनाई, तो आदित्य ने झट से उन्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, ग्रीन सिग्नल दिया। अब इससे जब इन्होंने गुंडे बनकर तैयार की, जिस मूवी का नाम गुंडे रखा, तो इन दोनों को किरदार को चंद पहलू
ट्रेन डकैती, सिक्का उछालना आदि के अलावा इनमें एक दोस्त वाला की इमेज कहीं ना कहीं एग्री एगमैन की इमेज में प्रभावित लगती है। वहीं दोस्तों अच्छी शुरुआत के बाद कहानी को आगे खिसकाने के लिए डायरेक्टर ने हमारे कैवरे डांसर नजिता से इनकी लंबी मुलाकात है और इंटरवल के बाद काफ़ी अचानक से बरसों पहले रिलीज हुई मूवी जो कि कोयला और काला पत्थर की झलक भी नजर आती है इस मूवी के अंदर। ताज्जुब है दोस्तों वैलेंटाइंस डे के दिन बॉलीवुड की ओर से किसी लव स्टोरी ने पर्दे पर दस्तक नहीं दी। गुंडे जरूर इस दिन मूवी रिलीज हो गई थी और कहानी के 70 के दशक में दोस्तों जब लंबे गृह युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर नए नए देश के बांग्लादेश का जन्म होने के साथ इस फिल्म की कहानी शुरू होती है। इसी दौरान यहाँ कहीं वाला जो कि हमारे अर्जुन कपूर है और यहाँ पर विक्रम जो कि रणवीर सिंह है का जन्म हुआ है। इन दोनों ने दोस्तों इस गृह युद्ध के दौरान वहाँ हुए खून खराबे और हिंसा के तांडव को बहुत नज़दीक से देखा है। 12 से 13 साल की उम्र में दोनों कोलकाता आते हैं और कोयले की चोरी के काम में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। हालात इन दोनों के दोस्तों अनाथों की दोस्ती की ऐसी डोर बांधते हैं जहाँ इनकी दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि एक जान तो दो जिस्म। बाला कुछ ऐसा गुस्सेल है जो कि अक्सर छोटी सी बात पर भी अपना आपा खो बैठता है। कोलकाता में आने के बाद इन्हें एहसास होता है कि इस शहर में अपना वजूद बनाने के लिए उन्हें हर काम एकजुट होना पड़ेगा। बाला और विक्रम, विक्रम का बड़ा है, विक्रम कोई भी काम बिना सोचे समझे हाथ में नहीं लेता है। यही वजह है कि विक्रम गैर कानूनी धंधे में बारीकियों को बाखूबी जानता है। विक्रम की एक और खासियत है दोस्तों, जिस वह अपना समझता है उसके लिए कुछ भी करने का हरदम तैयार रहता है। बेशक बाला गुस्सैल है लेकिन दोस्तों बेहद वफादार है। बाला लात घूसों को मासा कुछ जानता है, ज़्यादा ही जानता है। कोलकाता में आए हुए इन्हें दोस्तों कई साल हो चुके हैं। इस बीच दोनों इस शहर के सबसे बड़े और नामी गुंडे बन चुके हैं। इस बीच एंट्री होती है कैफे कैमरा डांसर की और उसके बाद नाइट क्लब की ओपनिंग पर विक्रम और बाला पहली बार नंदिता को देखते हैं और उसकी खूबसूरती पर मर मिटते हैं। नंदिता की जो खूबसूरती का जादू बाला और विक्रम पर कुछ ज़्यादा ही चलता है और दोनों उसकी आंखों की ओर खींचे चले जाते हैं। नंदिता जो कि आने के बाद बाला और विक्रम की रूखी जिंदगी में रंगों की बाहर सी आ जाती है। हर काम एक साथ बांटकर करने वाले बाला और विक्रम के बाहर नंदिता एक साथ मर मिटते हैं। हालात उस वक्त बदलते हैं जब नंदिता 7 दिन बाद इन दोनों में से किसी एक के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करती है। इस बीच SP सत्यजीत सरकार जो कि हमारे इरफान खान की एंट्री होती है इस मूवी के अंदर, जो हर गलत को सही करना जानते हैं, कानून तोड़ने वाले को कानून सबक सिखाना और सरकार के अच्छी तरह जानते हैं। बड़े से बड़े गुंडों को उससे अक्सर कानून पाठ पढ़ाया है। सरकार का दोस्तों दिमाग बहुत तेज चलता है। इन दोनों के जेल के सिकंजों के बीच पहुंचाने के लिए एक प्लान बनाता है। सरकार की शतरंजी चाल में उसके पास कई मोहरे हैं। विक्रम और बाला बेहद गरीब हैं तो इस पूरी जानकारी के लिए आपको मूवी की तरफ जाना पड़ेगा और यही कुछ स्टोरी देखने को मिलेगी। क्या कैसे होता है, क्या कैसे दोस्ती में टकराव आता है जब यहाँ पर लव स्टोरी किसी एक की साइड हो जाती है, तो वो सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। एक्टिंग को लेकर बात करें तो दोस्तों विक्रम के जो किरदार में रणवीर सिंह ने काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले किया है। बेशक दोस्तों रणवीर का लुक और कुछ सीन्स उनके डायलॉग्स डिलीवरी के थोड़ा बहुत पीछे कर सकते हैं जो कि रामलीला की याद दिलाते हैं थोड़ी बहुत। बाकी दोस्तों आपको लो बता दूं, हर वक्त अलग अपनी दुनिया में रहने वाले गुस्सेल जो कि बाला जो कि हमारे अर्जुन कपूर अपनी ओर से काफ़ी अच्छा ऐसा बेहतरीन काम करते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी थोड़ी बहुत कमज़ोर नज़र आ सकती है इस मूवी के अंदर। प्रियंका इन दोनों के सामने जब भी नजर आई तो एक स्कूल टीचर के स्टाइल में इन्हें ज्ञान देती नज़र आती है। बेशक नैनीता के रोल में दोस्तों प्रियंका फिट है लेकिन रणवीर और अर्जुन के सामने कुछ ज़्यादा सीनियर नज़र आती हैं। SP सरकार के रोल में इरफान खान ने प्रभावित किया लेकिन उनका किरदार कुछ ऐसे कमज़ोर ढंग से लिखा गया कि इरफान जैसा मांझा हुआ कलाकार भी तरह जान नहीं डाल पाया। सौरभ शुक्ला अपने किरदार में खूब जमे हैं, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अली अब्बास जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले ही काफ़ी अच्छा खासा काम शुरू करना चाहते थे। इंटरवल से पहले जो कहानी है थोड़ी अकड़ता है लेकिन इंटरवल के बाद काफ़ी क्लाइमैक्स बढ़ जाता है, काफ़ी मूवी है थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है। बाला और विक्रम की दोस्ती में दरार को अब्बास ने काफ़ी ढंग से पेश किया, काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखा है। आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए दोस्तों, आपको इसमें 70 और 80 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर बिकाऊ लगभग सभी मसाले मौजूद हैं, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सब एक मूवी की कह लें पुरानी मूवीज़ की सब कुछ मिक्सर एक टाइप से गुंडे मूवी में दिखाने की कोशिश की और काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। हालाँकि अगर बात कर लें जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिशियली रूप से आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है अवेलेबल है वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर बात करें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में तो गाइस इसका पहले ही बहुत ज़्यादा पहले ही प्रीमियर हो चुका है जो कि हमें मैक्स टेलीविजन पर आए दिन ये मूवी देखने को मिलती रहती है और सोनीमा वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है। तो इस टाइप से जो मूवी है काफ़ी जगह से हो जाती है, इसी टाइप की कुछ स्टोरी रहेगी इस मूवी के अंदर। आई होप आपको जानकारी मिल चुकी है क्या कैसे इस मूवी की स्टोरी रहने वाली है। तो इस टाइप से आप इस मूवी को देख सकते हैं।
सकते हैं और उस टाइप से काफ़ी बेहद आपको मूवी पसंद आने वाली है। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा क्यों एक्साइटेड है एंड आप किस वजह से देखना चाहते हैं, और यही कुछ स्टोरी इस मूवी की रहने वाली है जो कि आपको काफ़ी पसंद आ सकती है। तो वैसे मैं आपकी क्या राय इस मूवी के बारे में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आने वाले दिनों में हम आपके लिए वैसे बहुत सारी अपडेट्स लाते रहते हैं, कुछ अपकमिंग अपडेट्स के साथ मिलेंगे फिलहाल के इस वीडियो में। तो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गुंडे मूवी के बारे में। अगर आप भी दोस्तों गुंडे मूवी को हिंदी भाषा में देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि कैसे क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गुंडे मूवी को लेकर कि कैसे क्या आप इस मूवी को देख सकते हैं, जानेंगे कुछ रिव्यू इस मूवी को लेकर। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें गुंडे मूवी के बारे में तो साल 2014 की काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर मूवी है जो कि दोस्तों आपके लिए देखने को मिली थी। काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी नाम किए थे इस मूवी ने, काफ़ी ठीक ठाक सी चल गई थी उस टाइम पर। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो ये जो मूवी है रिलीज़ हुई थी 14 फरवरी 2000 को, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को डायरेक्ट किया अली अब्बास जफर ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था एसराज फिल्म द्वारा, यानी कि इस मूवी को एसराज फिल्म द्वारा जो बैनर तले बनाया गया है। और उसके साथ साथ इस मूवी के अगर बजट के लेकर बात कर लें तो लगभग बजट 51 करोड़ के आसपास तक का था उस टाइम पर, और इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है आज के टाइम तक का, जो मतलब उसी टाइम पर 130 से 131 करोड़ तक का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है हो रखा है इस मूवी का, तो काफ़ी ठीक ठाक से मूवी चल गई थी। ऐसे में रेटिंग को लेकर बात करें तो 2.7 out of 10 की IMDb को कुछ रेटिंग है इस मूवी को मिली है। रेटिंग के मामले में बहुत ही पीछे है ये मूवी। अगर बात कर लें कुछ 63% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया यानी पसंद किया है, और ऐसे में ये मूवी की कहानी है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। मूवी की कास्ट की अगर बात करें तो मैन लीड एक्टर्स में आपको रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान, सौरभ शुक्ला, दीपराज राणा, ऐसे बहुत से जो करेक्टर्स हैं देखने को मिलेंगे आपको इस मूवी के अंदर, जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों रणवीर और यहाँ पर अर्जुन कपूर ने एक साथ परफॉर्मेंस करने वाले हैं, एक दोस्त के रूप में निभाने वाले हैं इस मूवी के अंदर, वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि बात करें इस मूवी के बारे में तो गाइज आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कोई ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो मूवी है अनऑफिशियली कई तरीके से अवेलेबल है, बाकी ऑफिशियली तरीके से आप इसको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, तो इस टाइप से आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ताज्जुब ये होता है कि यशराज जैसे बैनर के द्वारा बनी फिल्म, जो कि हमारे डायरेक्टर साहब है अली अब्बास ने काफ़ी फिल्में दी हैं, जैसे कि दोस्तों अगर वर्षों में फिल्मों का जमाया जाए तो जैसे काफ़ी चालू मसालों के परोसकर ऐसी फिल्म जो बनाई है जो कि काफ़ी शौकीनों और टाइम पास के लिए थिएटर में काफ़ी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों यशराज बैनर के सुप्रीमो आदित्य चोपड़ा ने पहली फिल्म जो कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पूरी करने के बाद शोले जैसी भव्य फिल्में बनाने की ख्वाहिश जताई थी। लंबे अरसे के बाद आदित्य बेशक शोले नहीं बना पाए, लेकिन उनके पास जब इस फिल्म के इस कहानीकार और डायरेक्टर ने दो वीरू और जय टाइप के दोस्तों से मिलती जुलती कहानी सुनाई तो आदित्य ने झट से उन्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, ग्रीन सिग्नल दिया। अब इससे जब इन्होंने गुंडे बनकर तैयार की, जिस मूवी का नाम गुंडे रखा, तो इन दोनों को किरदार को चंद पहलू, ट्रेन डकैती, सिक्का उछालना आदि के अलावा इनमें एक दोस्त वाला की इमेज कहीं ना कहीं एग्री एगमैन की इमेज में प्रभावित लगती है। वहीं दोस्तों अच्छी शुरुआत के बाद कहानी को आगे खिसकाने के लिए डायरेक्टर ने हमारे कैवे डांसर नजीता से इनकी लंबी मुलाकातें और इंटरवल के बाद काफ़ी अचानक से बरसों पहले रिलीज हुई मूवी जो कि कोयला और काला पत्थर की झलक भी नजर आती है इस मूवी के अंदर। ताज्जुब है दोस्तों वैलेंटाइंस डे के दिन बॉलीवुड की ओर से किसी लव स्टोरी ने पर्दे पर दस्तक नहीं दी, गुंडे जरूर इस दिन मूवी रिलीज हो गई थी। और कहानी के 70 के दशक में दोस्तों जब लंबे गृह युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर नए नए देश के बांग्लादेश का जन्म होने के साथ इस फिल्म की कहानी शुरू होती है। इसी दौरान यहाँ कहीं वाला जो कि हमारे अर्जुन कपूर है और यहाँ पर विक्रम जो कि रणवीर सिंह है का जन्म हुआ है। इन दोनों ने दोस्तों इस गृह युद्ध के दौरान वहाँ हुए खून खराबे और हिंसा के तांडव को बहुत नज़दीक से देखा है। 12 से 13 साल की उम्र में दोनों कोलकाता आते हैं और कोयले की चोरी के काम में जुड़ जाते हैं, ठीक है, ये मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। हालात इन दोनों के दोस्तों अनाथों की दोस्ती की ऐसी डोर बांधते हैं जहां इनकी दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि एक जान तो दो जिस्म वाला कुछ ऐसा गुस्सेल है जो कि अक्सर छोटी सी बात पर भी अपना आपा खो बैठता है। कोलकाता में आने के बाद इन्हें एहसास होता है कि इस शहर में
अपना वजूद बनाने के लिए उन्हें हर काम एकजुट होना पड़ेगा। बाला और विक्रम, विक्रम का बड़ा है, विक्रम कोई भी काम बिना सोचे समझे हाथ में नहीं लेता है। यही वजह है कि विक्रम गैर कानूनी धंधे में बारीकियों को बाखूबी जानता है। विक्रम की एक और खासियत है दोस्तों, जिस वह अपना समझता है उसके लिए कुछ भी करने का हरदम तैयार रहता है। बेशक बाला गुस्सैल है लेकिन दोस्तों बेहद वफादार है। बाला लात घूसों को मासा कुछ जानता है, ज़्यादा ही जानता है। कोलकाता में आए हुए इन्हें दोस्तों कई साल हो चुके हैं। इस बीच दोनों इस शहर के सबसे बड़े और नामी गुंडे बन चुके हैं। इस बीच एंट्री होती है कैफे कैमरा डांसर की और उसके बाद नाइट क्लब की ओपनिंग पर विक्रम और बाला पहली बार नंदिता को देखते हैं और उसकी खूबसूरती पर मर मिटते हैं। नंदिता की जो खूबसूरती का जादू बाला और विक्रम पर कुछ ज़्यादा ही चलता है और दोनों उसकी आंखों की ओर खींचे चले जाते हैं। नंदिता जो कि आने के बाद बाला और विक्रम की रूखी जिंदगी में रंगों की बाहर सी आ जाती है। हर काम एक साथ बांट कर करने वाले बाला और विक्रम के बाहर नंदिता एक साथ मर मिटते हैं। हालात उस वक्त बदलते हैं जब नंदिता 7 दिन बाद इन दोनों में से किसी एक के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करती है। इस बीच SP सत्यजीत सरकार जो कि हमारे इरफान खान की एंट्री होती है इस मूवी के अंदर, जो हर गलत को सही करना जानते हैं, कानून तोड़ने वाले को कानून सबक सिखाना और सरकार के अच्छी तरह जानता है, बड़े से बड़े गुंडों को उससे अक्सर कानून पाठ पढ़ाया है। सरकार का दोस्तों दिमाग बहुत तेज चलता है, इन दोनों के जेल के सिकंजों के बीच पहुंचाने के लिए एक प्लान बनाता है। सरकार की शतरंजी चाल में उसके पास कई मोहरे हैं, विक्रम और बाला बेहद गरीब हैं। तो इस पूरी जानकारी के लिए आपको मूवी की तरफ जाना पड़ेगा और यही कुछ स्टोरी देखने को मिलेगी, क्या कैसे होता है, क्या कैसे दोस्ती में टकराव आता है जब यहाँ पर लव स्टोरी किसी एक की साइड हो जाती है। तो वो सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। एक्टिंग्स को लेकर बात करें दोस्तों, विक्रम के जो किरदार में रणवीर सिंह ने काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले किया है। बेशक दोस्तों रणवीर का लुक और कुछ सीन्स उनके डायलॉग्स डिलीवरी के थोड़ा बहुत पीछे कर सकते हैं, जो कि रामलीला की याद दिलाते हैं थोड़ी बहुत। बाकी दोस्तों आपको बता दूँ, हर वक्त अलग अपनी दुनिया में रहने वाले गुस्सैल जो कि बाला, जो कि हमारे अर्जुन कपूर, अपनी ओर से काफ़ी अच्छा खासा बेहतरीन काम करते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी थोड़ी बहुत कमज़ोर नज़र आ सकती है इस मूवी के अंदर। प्रियंका इन दोनों के सामने जब भी नजर आई तो एक स्कूल टीचर के स्टाइल में इन्हें ज्ञान देती नजर आती है। बेशक नंदिता के रोल में दोस्तों प्रियंका फिट है लेकिन रणबीर और अर्जुन के सामने कुछ ज़्यादा सीनियर नजर आती है। SP सरकार के रोल में इरफान खान ने प्रभावित किया है लेकिन उनका किरदार कुछ ऐसे कमजोर ढंग से लिखा गया है कि इरफान जैसा मांझा हुआ कलाकार भी तरह जान नहीं डाल पाया। सौरभ शुक्ला अपने किरदार में खूब जमे हैं, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अली अब्बास जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले ही काफ़ी अच्छा खासा काम शुरू करना चाहते थे। इंटरवल से पहले जो कहानी है थोड़ी अकड़ता है लेकिन इंटरवल के बाद काफ़ी क्लाइमैक्स बढ़ जाता है, काफ़ी मूवी है थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है। बाला और विक्रम की दोस्ती में दरार को अब्बास ने काफ़ी ढंग से पेश किया, काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखा है। आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए दोस्तों, आपको इसमें 70 और 80 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर बिकाऊ लगभग सभी मसाले मौजूद हैं, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सब एक मूवी की कह लें पुरानी मूवीज़ की सब कुछ मिक्सर एक टाइप से गुंडे मूवी में दिखाने की कोशिश की और काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। हालाँकि अगर बात कर लें, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिशियली रूप से आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, तो Amazon प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर बात करें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में तो गाइस इसका पहले ही बहुत ज़्यादा पहले ही प्रीमियर हो चुका है, जो कि हमें मैक्स टेलीविजन पर आए दिन ये मूवी देखने को मिलती रहती है और सोनीमा वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है। तो इस टाइप से जो मूवी है काफ़ी जगह से हो जाती है, इसी टाइप की कुछ स्टोरी रहेगी इस मूवी के अंदर। आई होप आपको जानकारी मिल चुकी है क्या कैसे इस मूवी की स्टोरी रहने वाली है। तो इस टाइप से आप इस मूवी को देख सकते हैं और उस टाइप से काफ़ी बेहद आपको मूवी पसंद आने वाली है। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा क्यों एक्साइटेड हैं एंड आप किस वजह से देखना चाहते हैं और यही कुछ स्टोरी इस मूवी की रहने वाली है जो कि आपको काफ़ी पसंद आ सकती है। तो वैसे मैं आपकी क्या राय इस मूवी के बारे में आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आने वाले दिनों में हम आपके लिए वैसे बहुत सारी अपडेट्स लाते रहते हैं, कुछ अपकमिंग अपडेट्स के साथ मिलेंगे। फिलहाल क्या इस वीडियो में तो क्या हाल चल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइज आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गुंडे मूवी के बारे में। अगर आप भी दोस्तों गुंडे मूवी को हिंदी भाषा में देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि कैसे क्या आप इस मूवी को YouTube पर देख सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गुंडे मूवी को लेकर कि कैसे क्या आप इस मूवी को देख सकते हैं, जानेंगे कुछ रिव्यू इस मूवी को लेकर। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें गुंडे मूवी के बारे में तो साल 2014 की काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर मूवी है जो कि दोस्तों आपके लिए देखने को मिली थी। काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी नाम किए थे इस मूवी ने, काफ़ी ठीक ठाक से चल गई थी उस टाइम पर। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो ये जो मूवी है रिलीज़ हुई थी 14 फरवरी 2000 कुछ को
एंड उसके साथ साथ इस मूवी को डायरेक्ट किया अली अब्बास जफर ने, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था एसराज फिल्म द्वारा, यानी कि इस मूवी को एसराज फिल्म द्वारा जो बैनर तले बनाया गया है। और उसके साथ साथ इस मूवी के अगर बजट के लेकर बात कर लें तो लगभग बजट 51 करोड़ के आसपास तक का था उस टाइम पे। और इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है आज के टाइम तक का, जो मतलब उसी टाइम पे 130 से 31 करोड़ तक का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है हो रखा है इस मूवी का, तो काफ़ी ठीक ठाक से मूवी चल गई थी। ऐसे में रेटिंग को लेकर बात करें तो 2.7 out of 10 की IMDb को कुछ रेटिंग है इस मूवी को मिली है। रेटिंग के मामले में बहुत ही पीछे है ये मूवी। अगर बात कर लें कुछ 63% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया यानी पसंद किया है। और ऐसे में ये मूवी की कहानी है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। मूवी की कास्ट की अगर बात करें तो मैन लीड एक्टर्स में आपको रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान, सौरभ शुक्ला, दीपराज राणा, ऐसे बहुत से जो करेक्टर्स हैं देखने को मिलेंगे आपको इस मूवी के अंदर, जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों रणबीर और यहाँ पर अर्जुन कपूर ने एक साथ परफॉर्मेंस करने वाले हैं, एक दोस्त के रूप में निभाने वाले हैं इस मूवी के अंदर, वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि बात कर लें इस मूवी के बारे में तो गाइज आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कोई ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो मूवी है अनऑफिशियली कई तरीके से अवेलेबल है, बाकी ऑफिशियली तरीके से आप इसको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, तो इस टाइप से आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ताज्जुब ये होता है कि यसराज जैसे बैनर के द्वारा बनी फिल्म, जो कि हमारे डायरेक्टर साहब है अली अब्बास ने काफ़ी फिल्में दी हैं, जैसे कि दोस्तों अगर वर्षों में फिल्मों का जमाया जाए तो जैसे काफ़ी चालू मसालों के परोसकर ऐसी फिल्म जो बनाई है जो कि काफ़ी शौकीनों और टाइम पास के लिए थिएटर में काफ़ी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों यसराज बैनर के सुप्रीमो आदित्य चोपड़ा ने पहली फिल्म जो कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पूरी करने के बाद शोले जैसी भव्य फिल्में बनाने की ख्वाहिश जताई थी। लंबे अरसे के बाद आदित्य बेशक शोले नहीं बना पाए, लेकिन उनके पास जब इस फिल्म के इस कहानीकार और डायरेक्टर ने दो वीरू और जय टाइप के दोस्तों से मिलती जुलती कहानी सुनाई तो आदित्य ने झट से उन्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, ग्रीन सिग्नल दिया। अब इससे जब इन्होंने गुंडे बनकर तैयार की, इस मूवी का नाम गुंडे रखा, तो इन दोनों को किरदार को चंद पहलू, ट्रेन डकैती, सिक्का उछालना आदि के अलावा इनमें एक दोस्त वाला की इमेज कहीं ना कहीं एग्री एगमैन की इमेज में प्रभावित लगती है। वहीं दोस्तों अच्छी शुरुआत के बाद कहानी को आगे खिसकाने के लिए डायरेक्टर ने हमारे कैमरे डांसर नरिता से इनकी लंबी मुलाकातें और इंटरवल के बाद काफ़ी अचानक से बरसों पहले रिलीज हुई मूवी जो कि कोयला और काला पत्थर की झलक भी नजर आती है इस मूवी के अंदर। ताज्जुब है दोस्तों वैलेंटाइंस डे के दिन बॉलीवुड की ओर से किसी लव स्टोरी ने पर्दे पर दस्तक नहीं दी, गुंडे जरूर इस दिन मूवी रिलीज हो गई थी। और कहानी के 70 के दशक में दोस्तों जब लंबे गृह युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर नए नए देश के बांग्लादेश का जन्म होने के साथ इस फिल्म की कहानी शुरू होती है। इसी दौरान यहाँ कहीं वाला जो कि हमारे अर्जुन कपूर है और यहाँ पर विक्रम जो कि रणवीर सिंह है का जन्म हुआ है। इन दोनों ने दोस्तों इस गृह युद्ध के दौरान वहाँ हुए खून खराबे और हिंसा के तांडव को बहुत नज़दीक से देखा है। 12 से 13 साल की उम्र में दोनों कोलकाता आते हैं और कोयले की चोरी के काम में जुड़ जाते हैं, ठीक है, ये मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। हालात इन दोनों के दोस्तों अनाथों की दोस्ती की ऐसी डोर बांधते हैं जहां इनकी दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि एक जान तो दो जिस्म। बाला कुछ ऐसा गुस्सेल है जो कि अक्सर छोटी सी बात पर भी अपना आपा खो बैठता है। कोलकाता में आने के बाद इन्हें एहसास होता है कि इस शहर में अपना वजूद बनाने के लिए उन्हें हर काम एकजुट होना पड़ेगा। बाला और विक्रम, विक्रम का बड़ा है, विक्रम कोई भी काम बिना सोचे समझे हाथ में नहीं लेता है। यही वजह है कि विक्रम गैर कानूनी धंधे में बारीकियों को बाखूबी जानता है। विक्रम की एक और खासियत है दोस्तों, जिस वह अपना समझता है उसके लिए कुछ भी करने का हरदम तैयार रहता है। बेशक बाला गुस्सैल है लेकिन दोस्तों बेहद वफादार है। बाला लात घूसों को मासा कुछ जानता है, ज़्यादा ही जानता है। कोलकाता में आए हुए इन्हें दोस्तों कई साल हो चुके हैं। इस बीच दोनों इस शहर के सबसे बड़े और नामी गुंडे बन चुके हैं। इस बीच एंट्री होती है कैमरा डांसर की और उसके बाद नाइट क्लब की ओपनिंग पर विक्रम और बाला पहली बार नंदिता को देखते हैं और उसकी खूबसूरती पर मर मिटते हैं। नंदिता की जो खूबसूरती का जादू बाला और विक्रम पर कुछ ज़्यादा ही चलता है और दोनों उसकी आंखों की ओर खींचे चले जाते हैं। नंदिता जो कि आने के बाद बाला और विक्रम की रूखी जिंदगी में रंगों की बाहर सी आ जाती है। हर काम एक साथ बांट कर करने वाले बाला और विक्रम के बाहर नंदिता एक साथ मर मिटते हैं। हालात उस वक्त बदलते हैं जब नंदिता 7 दिन बाद इन दोनों में से किसी एक के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करती है। इस बीच SP सत्यजीत सरकार जो कि हमारे इरफान खान की एंट्री होती है इस मूवी के अंदर, जो हर गलत को सही करना जानते हैं,
कानून तोड़ने वाले को कानून सबक सिखाना और सरकार के अच्छी तरह जानता है। बड़े से बड़े गुंडों को उससे अक्सर कानून पाठ पढ़ाया है। सरकार का दोस्तों दिमाग बहुत तेज चलता है। इन दोनों के जेल के सिकंजों के बीच पहुंचाने के लिए एक प्लान बनाता है। सरकार की शतरंजी चाल में उसके पास कई मोहरे हैं। विक्रम और बाला बेहद गरीब हैं। तो इस पूरी जानकारी के लिए आपको मूवी की तरफ जाना पड़ेगा और यही कुछ स्टोरी देखने को मिलेगी। क्या कैसे होता है, क्या कैसे दोस्ती में टकराव आता है जब यहाँ पर लव स्टोरी किसी एक की साइड हो जाती है। तो वो सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। एक्टिंग्स को लेकर बात करें दोस्तों, विक्रम के जो किरदार में रणवीर सिंह ने काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले किया है। बेशक दोस्तों रणवीर का लुक और कुछ सीन्स उनकी डायलॉग्स डिलीवरी के थोड़ा बहुत पीछे कर सकते हैं, जो कि रामलीला की याद दिलाते हैं थोड़ी बहुत। बाकी दोस्तों आपको लोग बता दूँ, हर वक्त अलग अपनी दुनिया में रहने वाले गुस्सेल जो कि बाला, जो कि हमारे अर्जुन कपूर, अपनी ओर से काफ़ी अच्छा खासा बेहतरीन काम करते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी थोड़ी बहुत कमज़ोर नज़र आ सकती है इस मूवी के अंदर। प्रियंका इन दोनों के सामने जब भी नजर आई तो एक स्कूल टीचर के स्टाइल में इन्हें ज्ञान देती नजर आती है। बेशक नैनीता के रोल में दोस्तों प्रियंका फिट है, लेकिन रणबीर और अर्जुन के सामने कुछ ज़्यादा सीनियर नजर आती हैं। एसपी सरकार के रोल में इरफान खान ने प्रभावित किया है, लेकिन उनका किरदार कुछ ऐसे कमजोर ढंग से लिखा गया है कि इरफान जैसा मांझा हुआ कलाकार भी तरह जान नहीं डाल पाया। सौरभ शुक्ला अपने किरदार में खूब जमे हैं, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अली अब्बास जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले ही काफ़ी अच्छा खासा काम शुरू करना चाहते थे। इंटरवल से पहले जो कहानी है थोड़ी अखरता है, लेकिन इंटरवल के बाद काफ़ी क्लाइमैक्स बढ़ जाता है। काफ़ी मूवी है, थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है। बाला और विक्रम की दोस्ती में दरार को अब्बास ने काफ़ी ढंग से पेश किया, काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखा है। आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए दोस्तों, आपको इसमें 70 और 80 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर बिकाऊ लगभग सभी मसाले मौजूद हैं, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सब एक मूवी की कह लें पुरानी मूवीज़ की सब कुछ मिक्सर एक टाइप से गुंडे मूवी में दिखाने की कोशिश की और काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। हालाँकि अगर बात कर लें, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिशियली रूप से आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर बात करें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में, तो गाइस इसका पहले ही बहुत ज़्यादा पहले ही प्रीमियर हो चुका है, जो कि हमें मैक्स टेलीविजन पर आए दिन ये मूवी देखने को मिलती रहती है और सोनी बा वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है। तो इस टाइप से जो मूवी है काफ़ी जगह से हो जाती है, इसी टाइप की कुछ स्टोरी रहेगी इस मूवी के अंदर। आई होप आपको जानकारी मिल चुकी है क्या कैसे इस मूवी की स्टोरी रहने वाली है। तो इस टाइप से आप इस मूवी को देख सकते हैं और उस टाइप से काफ़ी बेहद आपको मूवी पसंद आने वाली है। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा क्यों एक्साइटेड हैं एंड आप किस वजह से देखना चाहते हैं, और यही कुछ स्टोरी इस मूवी की रहने वाली है जो कि आपको काफ़ी पसंद आ सकती है। तो वैसे मैं आपकी क्या राय इस मूवी के बारे में आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आने वाले दिनों में हम आपके लिए वैसे बहुत सारी अपडेट्स लाते रहते हैं, कुछ अपकमिंग अपडेट्स के साथ मिलेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में तो क्या चल दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। गाइज आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गुंडे मूवी के बारे में। अगर आप भी दोस्तों गुंडे मूवी को हिंदी भाषा में देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि कैसे क्या, आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं। सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गुंडे मूवी को लेकर कि कैसे क्या आप इस मूवी को देख सकते हैं, जानेंगे कुछ रिव्यू इस मूवी को लेकर। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें गुंडे मूवी के बारे में, तो साल 2014 की काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर मूवी है जो कि दोस्तों आपके लिए देखने को मिली थी। काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी नाम किए थे इस मूवी ने, काफ़ी ठीक ठाक से चल गई थी उस टाइम पर। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो ये जो मूवी है रिलीज़ हुई थी 14 फरवरी 2000 को, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को डायरेक्ट किया अली अब्बास जफर ने, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था एसराज फिल्म द्वारा, यानी कि इस मूवी को एसराज फिल्म द्वारा जो बैनर तले बनाया गया है। और उसके साथ साथ इस मूवी के अगर बजट के लेकर बात कर लें, तो लगभग बजट 51 करोड़ के आसपास तक का था उस टाइम पर, और इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है आज के टाइम तक का, जो मतलब उसी टाइम पर 130 से 131 करोड़ तक का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है हो रखा है इस मूवी का, तो काफ़ी ठीक ठाक से मूवी चल गई थी। ऐसे में रेटिंग को लेकर बात करें तो 2.7 out of 10 की IMDb को कुछ रेटिंग है इस मूवी को मिली है। रेटिंग के मामले में बहुत ही पीछे है ये मूवी। अगर बात करें कुछ 63% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया यानी पसंद किया है, और ऐसे में ये मूवी की कहानी है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। मूवी की कास्ट की अगर बात करें, तो मैन लीड एक्टर्स में आपको रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान, सौरभ शुक्ला, दीपराज राणा, ऐसे बहुत से जो करेक्टर्स हैं देखने को मिलेंगे आपको इस मूवी के अंदर, जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों रणवीर और यहाँ पर अर्जुन कपूर ने एक साथ परफॉर्मेंस करने वाले हैं, एक दोस्त के रूप में निभाने वाले हैं इस मूवी के अंदर, वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं।
हालांकि बात कर लें इस मूवी के बारे में तो गाइज आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कोई ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो मूवी है अनऑफिशियली कई तरीके से अवेलेबल है, बाकी ऑफिशियली तरीके से आप इसको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ताज्जुब ये होता है कि यशराज जैसे बैनर के द्वारा बनी फिल्म, जो कि हमारे डायरेक्टर साहब है अली अब्बास ने काफ़ी फिल्में दी हैं, जैसे कि दोस्तों अगर वर्षों में फिल्मों का जमाया जाए तो जैसे काफ़ी चालों मसालों के परोसकर ऐसी फिल्म जो बनाई है जो कि काफ़ी शौकीनों और टाइम पास के लिए थिएटर में काफ़ी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों यशराज बैनर के सुप्रीमो आदित्य चोपड़ा ने पहली फिल्म जो कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पूरी करने के बाद शोले जैसी भव्य फिल्में बनाने की ख्वाहिश जताई थी। लंबे अरसे के बाद आदित्य बेशक शोले नहीं बना पाए, लेकिन उनके पास जब इस फिल्म के इस कहानीकार और डायरेक्टर ने दो वीरू और जय टाइप के दोस्तों से मिलती जुलती कहानी सुनाई तो आदित्य ने झट से उन्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, ग्रीन सिग्नल दिया। अब इससे जब इन्होंने गुंडे बनकर तैयार की, इस मूवी का नाम गुंडे रखा, तो इन दोनों को किरदार को चंद पहलू, ट्रेन डकैती, सिक्का उछालना आदि के अलावा इनमें एक दोस्त वाला की इमेज कहीं ना कहीं एग्री एगमैन की इमेज में प्रभावित लगती है। वहीं दोस्तों अच्छी शुरुआत के बाद कहानी को आगे खिसकाने के लिए डायरेक्टर ने हमारे कैमरे डांसर नजीता से इनकी लंबी मुलाकातें और इंटरवल के बाद काफ़ी अचानक से बरसों पहले रिलीज हुई मूवी जो कि कोयला और काला पत्थर की झलक भी नजर आती है इस मूवी के अंदर। ताज्जुब है दोस्तों वैलेंटाइंस डे के दिन बॉलीवुड की ओर से किसी लव स्टोरी ने पर्दे पर दस्तक नहीं दी, गुंडे जरूर इस दिन मूवी रिलीज हो गई थी। और कहानी के 70 के दशक में दोस्तों जब लंबे गृह युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर नए नए देश के बांग्लादेश का जन्म होने के साथ इस फिल्म की कहानी शुरू होती है। इसी दौरान यहाँ कहीं वाला जो कि हमारे अर्जुन कपूर है और यहाँ पर विक्रम जो कि रणवीर सिंह है का जन्म हुआ है। इन दोनों ने दोस्तों इस गृह युद्ध के दौरान वहाँ हुए खून खराबे और हिंसा के तांडव को बहुत नजदीक से देखा है। 12 से 13 साल की उम्र में दोनों कोलकाता आते हैं और कोयले की चोरी के काम में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। हालात इन दोनों के दोस्तों अनाथों की दोस्ती की ऐसी डोर बांधते हैं जहां इनकी दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि एक जान तो दो जिस्म। बाला कुछ ऐसा गुस्सेल है जो कि अक्सर छोटी सी बात पर भी अपना आपा खो बैठता है। कोलकाता में आने के बाद इन्हें एहसास होता है कि इस शहर में अपना वजूद बनाने के लिए उन्हें हर काम एकजुट होना पड़ेगा। बाला और विक्रम, विक्रम का बड़ा है, विक्रम कोई भी काम बिना सोचे समझे हाथ में नहीं लेता है। यही वजह है कि विक्रम गैर कानूनी धंधे में बारीकियों को बाखूबी जानता है। विक्रम की एक और खासियत है दोस्तों, जिस वह अपना समझता है उसके लिए कुछ भी करने का हरदम तैयार रहता है। बेशक बाला गुस्सैल है लेकिन दोस्तों बेहद वफादार है। बाला लात घूसों को मासा कुछ जानता है, ज़्यादा ही जानता है। कोलकाता में आए हुए इन्हें दोस्तों कई साल हो चुके हैं। इस बीच दोनों इस शहर के सबसे बड़े और नामी गुंडे बन चुके हैं। इस बीच एंट्री होती है कैमरा डांसर की और उसके बाद नाइट क्लब की ओपनिंग पर विक्रम और बाला पहली बार नंदिता को देखते हैं और उसकी खूबसूरती पर मर मिटते हैं। नंदिता की जो खूबसूरती का जादू बाला और विक्रम पर कुछ ज़्यादा ही चलता है और दोनों उसकी आंखों की ओर खींचे चले जाते हैं। नंदिता जो कि आने के बाद बाला और विक्रम की रूखी जिंदगी में रंगों की बाहर सी आ जाती है। हर काम एक साथ बांट कर करने वाले बाला और विक्रम के बाहर नंदिता एक साथ मर मिटते हैं। हालात तो उस वक्त बदलते हैं जब नंदिता 7 दिन बाद इन दोनों में से किसी एक के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करती है। इस बीच SP सत्यजीत सरकार जो कि हमारे इरफान खान की एंट्री होती है इस मूवी के अंदर, जो हर गलत को सही करना जानते हैं, कानून तोड़ने वाले को कानून सबक सिखाना और सरकार के अच्छी तरह जानता है, बड़े से बड़े गुंडों को उससे अक्सर कानून पाठ पढ़ाया है। सरकार का दोस्तों दिमाग बहुत तेज चलता है, इन दोनों के जेल के सिकंजों के बीच पहुंचाने के लिए एक प्लान बनाता है। सरकार की शतरंजी चाल में उसके पास कई मोहरे हैं, विक्रम और बाला बेहद गरीब हैं। तो इस पूरी जानकारी के लिए आपको मूवी की तरफ जाना पड़ेगा और यही कुछ स्टोरी देखने को मिलेगी, क्या कैसे होता है, क्या कैसे दोस्ती में टकराव आता है जब यहाँ पर लव स्टोरी किसी एक की साइड हो जाती है। तो वो सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। एक्टिंग को लेकर बात करें दोस्तों, विक्रम के जो किरदार में रणवीर सिंह ने काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले किया है। बेशक दोस्तों रणवीर का लुक और कुछ सीन्स उनकी डायलॉग्स डिलीवरी के थोड़ा बहुत पीछे कर सकते हैं जो कि रामलीला की याद दिलाते हैं थोड़ी बहुत। बाकी दोस्तों आपको बता दूं, हर वक्त अलग अपनी दुनिया में रहने वाले गुस्सेल जो कि बाला, जो कि हमारे अर्जुन कपूर, अपनी ओर से काफ़ी अच्छा खासा बेहतरीन काम करते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी थोड़ी बहुत कमज़ोर नज़र आ सकती है इस मूवी के अंदर। प्रियंका इन दोनों के सामने जब भी नजर आई तो एक स्कूल टीचर के स्टाइल में इन्हें ज्ञान देती नजर आती है। बेशक नंदिता के रोल में दोस्तों प्रियंका फिट है लेकिन रणबीर और अर्जुन के सामने कुछ ज़्यादा सीनियर नजर आती हैं। SP सरकार के रोल में इरफान खान ने प्रभावित किया है लेकिन उनका किरदार कुछ ऐसे कमजोर ढंग से लिखा गया कि इरफान जैसा मांझा हुआ कलाकार भी तरह जान नहीं डाल पाया। सौरभ शुक्ला अपने किरदार में खूब जमे हैं, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अली अब्बास जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले ही काफ़ी अच्छा खासा काम शुरू करना चाहते थे।
इंटरवल से पहले जो कहानी है थोड़ी अकड़ता है, लेकिन इंटरवल के बाद काफ़ी क्लाइमैक्स बढ़ जाता है, काफ़ी मूवी है थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है। बाला और विक्रम की दोस्ती में दरार को अब्बास ने काफ़ी ढंग से पेश किया, काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखा है। आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए दोस्तों, आपको इसमें 70 और 80 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर बिकाऊ लगभग सभी मसाले मौजूद हैं, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सब एक मूवी की कह लें पुरानी मूवीज़ की सब कुछ मिक्सर एक टाइप से गुंडे मूवी में दिखाने की कोशिश की और काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। हालांकि अगर बात कर लें, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिशियली रूप से आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर बात करें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में, तो गाइस इसका पहले ही बहुत ज़्यादा पहले ही प्रीमियर हो चुका है, जो कि हमें मैक्स टेलीविजन पर आए दिन ये मूवी देखने को मिलती रहती है और सोनीमा वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है। तो इस टाइप से जो मूवी है काफ़ी जगह से हो जाती है, इसी टाइप की कुछ स्टोरी रहेगी इस मूवी के अंदर। आई होप आपको जानकारी मिल चुकी होगी क्या कैसे इस मूवी की स्टोरी रहने वाली है। तो इस टाइप से आप इस मूवी को देख सकते हैं और इस टाइप से काफ़ी बेहद आपको मूवी पसंद आने वाली है। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा क्यों एक्साइटेड है एंड आप किस वजह से देखना चाहते हैं, और यही कुछ स्टोरी इस मूवी की रहने वाली है जो कि आपको काफ़ी पसंद आ सकती है। तो वैसे मैं आपको क्या रहा है इस मूवी के बारे में आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आने वाले दिनों में हम आपके लिए वैसे बहुत सारी अपडेट्स लाते रहते हैं, कुछ अपकमिंग अपडेट्स के साथ मिलेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में तो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गुंडे मूवी के बारे में। अगर आप भी दोस्तों गुंडे मूवी को हिंदी भाषा में देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि कैसे क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गुंडे मूवी को लेकर कि कैसे क्या आप इस मूवी को देख सकते हैं, जानेंगे कुछ रिव्यू इस मूवी को लेकर। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें गुंडे मूवी के बारे में, तो साल 2014 की काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर मूवी है, जो कि दोस्तों आपके लिए देखने को मिली थी। काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी नाम किए थे इस मूवी ने, काफ़ी ठीक ठाक सी चल गई थी उस टाइम पर। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो ये जो मूवी है रिलीज़ हुई थी 14 फरवरी 2000 को, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को डायरेक्ट किया अली अब्बास जफर ने, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था एसराज फिल्म द्वारा, यानी कि इस मूवी को एसराज फिल्म द्वारा जो बैनर तले बनाया गया है। और उसके साथ साथ इस मूवी के अगर बजट के लेकर बात कर लें, तो लगभग बजट 51 करोड़ के आसपास तक का था उस टाइम पर, और इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है आज के टाइम तक का, जो मतलब उसी टाइम पर 130 से 131 करोड़ तक का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है हो रखा है इस मूवी का, तो काफ़ी ठीक ठाक से मूवी चल गई थी। ऐसे में रेटिंग को लेकर बात करें, तो 2.7 out of 10 की IMDb को कुछ रेटिंग है इस मूवी को मिली है। रेटिंग के मामले में बहुत ही पीछे है ये मूवी। अगर बात कर लें कुछ 63% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया यानी पसंद किया है, और ऐसे में ये मूवी की कहानी है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं, तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। मूवी की कास्ट की अगर बात करें, तो मैन लीड एक्टर्स में आपको रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान, सौरभ शुक्ला, दीपराज राणा, ऐसे बहुत से जो करेक्टर्स हैं देखने को मिलेंगे आपको इस मूवी के अंदर, जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों रणवीर और यहाँ पर अर्जुन कपूर ने एक साथ परफॉर्मेंस करने वाले हैं, एक दोस्त के रूप में निभाने वाले हैं इस मूवी के अंदर, वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो गाइज आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कोई ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो मूवी है अनऑफिशियली कई तरीके से अवेलेबल है, बाकी ऑफिशियली तरीके से आप इसको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ताज्जुब ये होता है कि यसराज जैसे बैनर के द्वारा बनी फिल्म, जो कि हमारे डायरेक्टर साहब हैं अली अब्बास ने काफ़ी फिल्में दी हैं, जैसे कि दोस्तों अगर वर्षों में फिल्मों का जमाया जाए, तो जैसे काफ़ी चालों मसालों के परोसकर ऐसी फिल्म जो बनाई है, जो कि काफ़ी शौकीनों और टाइम पास के लिए थिएटर में काफ़ी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों यसराज बैनर के सुप्रीमो आदित्य चोपड़ा ने पहली फिल्म जो कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पूरी करने के बाद शोले जैसी भव्य फिल्में बनाने की ख्वाहिश जताई थी। लंबे अरसे के बाद आदित्य बेशक शोले नहीं बना पाए, लेकिन उनके पास जब इस फिल्म के इस कहानीकार और डायरेक्टर ने दो वीरू और जय टाइप के दोस्तों से मिलती जुलती कहानी सुनाई, तो आदित्य ने झट से उन्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, ग्रीन सिग्नल दिया। अब इससे जब इन्होंने गुंडे बनकर तैयार की, इस मूवी का नाम गुंडे रखा, तो इन दोनों को किरदार को चंद पहलू
ट्रेन डकैती, सिक्का उछालना आदि के अलावा इनमें एक दोस्त वाला की इमेज कहीं ना कहीं एग्री एगमैन की इमेज में प्रभावित लगती है। वहीं दोस्तों अच्छी शुरुआत के बाद कहानी को आगे खिसकाने के लिए डायरेक्टर ने हमारे कैवरे डांसर नजीता से इनकी लंबी मुलाकात और इंटरवल के बाद काफ़ी अचानक से बरसों पहले रिलीज हुई मूवी जो कि कोयला और काला पत्थर की झलक भी नजर आती है इस मूवी के अंदर। ताज्जुब है दोस्तों वैलेंटाइंस डे के दिन बॉलीवुड की ओर से किसी लव स्टोरी ने पर्दे पर दस्तक नहीं दी। गुंडे जरूर इस दिन मूवी रिलीज हो गई थी और कहानी के 70 के दशक में दोस्तों जब लंबे गृह युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर नए नए देश के बांग्लादेश का जन्म होने के साथ इस फिल्म की कहानी शुरू होती है। इसी दौरान यहाँ कहीं वाला जो कि हमारे अर्जुन कपूर है और यहाँ पर विक्रम जो कि रणवीर सिंह है का जन्म हुआ है। इन दोनों ने दोस्तों इस गृह युद्ध के दौरान वहाँ हुए खून खराबे और हिंसा के तांडव को बहुत नजदीक से देखा है। 12 से 13 साल की उम्र में दोनों कोलकाता आते हैं और कोयले की चोरी के काम में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। हालात इन दोनों के दोस्तों अनाथों की दोस्ती की ऐसी डोर बांधते हैं जहाँ इनकी दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि एक जान तो दो जिस्म। बाला कुछ ऐसा गुस्सेल है जो कि अक्सर छोटी सी बात पर भी अपना आपा खो बैठता है। कोलकाता में आने के बाद इन्हें एहसास होता है कि इस शहर में अपना वजूद बनाने के लिए उन्हें हर काम एकजुट होना पड़ेगा। बाला और विक्रम, विक्रम का बड़ा है, विक्रम कोई भी काम बिना सोचे समझे हाथ में नहीं लेता है। यही वजह है कि विक्रम गैर कानूनी धंधे में बारीकियों को बाखूबी जानता है। विक्रम की एक और खासियत है दोस्तों, जिस वह अपना समझता है उसके लिए कुछ भी करने का हरदम तैयार रहता है। बेशक बाला गुस्सैल है लेकिन दोस्तों बेहद वफादार है। बाला लात घूसों को मासा कुछ जानता है, ज़्यादा ही जानता है। कोलकाता में आए हुए इन्हें दोस्तों कई साल हो चुके हैं। इस बीच दोनों इस शहर के सबसे बड़े और नामी गुंडे बन चुके हैं। इस बीच एंट्री होती है कैफे कैमरा डांसर की और उसके बाद नाइट क्लब की ओपनिंग पर विक्रम और बाला पहली बार नंदिता को देखते हैं और उसकी खूबसूरती पर मर मिटते हैं। नंदिता की जो खूबसूरती का जादू बाला और विक्रम पर कुछ ज़्यादा ही चलता है और दोनों उसकी आंखों की ओर खींचे चले जाते हैं। नंदिता जो कि आने के बाद बाला और विक्रम की रूखी जिंदगी में रंगों की बाहर सी आ जाती है। हर काम एक साथ बांटकर करने वाले बाला और विक्रम के बाहर नंदिता एक साथ मर मिटते हैं। हालात उस वक्त बदलते हैं जब नंदिता 7 दिन बाद इन दोनों में से किसी एक के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करती है। इस बीच SP सत्यजीत सरकार जो कि हमारे इरफान खान की एंट्री होती है इस मूवी के अंदर, जो हर गलत को सही करना जानते हैं, कानून तोड़ने वाले को कानून सबक सिखाना और सरकार के अच्छी तरह जानते हैं। बड़े से बड़े गुंडों को उससे अक्सर कानून पाठ पढ़ाया है। सरकार का दोस्तों दिमाग बहुत तेज चलता है। इन दोनों के जेल के सिकंजों के बीच पहुंचाने के लिए एक प्लान बनाता है। सरकार की शतरंजी चाल में उसके पास कई मोहरे हैं। विक्रम और बाला बेहद गरीब हैं तो इस पूरी जानकारी के लिए आपको मूवी की तरफ जाना पड़ेगा और यही कुछ स्टोरी देखने को मिलेगी। क्या कैसे होता है, क्या कैसे दोस्ती में टकराव आता है जब यहाँ पर लव स्टोरी किसी एक की साइड हो जाती है, तो वो सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। एक्टिंग्स को लेकर बात करें तो दोस्तों विक्रम के जो किरदार में रणवीर सिंह ने काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले किया है। बेशक दोस्तों रणवीर का लुक और कुछ सीन्स उनकी डायलॉग्स डिलीवरी के थोड़ा बहुत पीछे कर सकते हैं जो कि रामलीला की याद दिलाते हैं थोड़ी बहुत। बाकी दोस्तों आपको लोग बता दूँ हर वक्त अलग अपनी दुनिया में रहने वाले गुस्सेल जो कि बाला जो कि हमारे अर्जुन कपूर अपनी ओर से काफ़ी अच्छा ऐसा बेहतरीन काम करते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी थोड़ी बहुत कमज़ोर नज़र आ सकती है इस मूवी के अंदर। प्रियंका इन दोनों के सामने जब भी नजर आई तो एक स्कूल टीचर के स्टाइल में इन्हें ज्ञान देती नजर आती है। बेशक नंदिता के रोल में दोस्तों प्रियंका फिट है लेकिन रणबीर और अर्जुन के सामने कुछ ज़्यादा सीनियर नजर आती हैं। SP सरकार के रोल में इरफान खान ने प्रभावित किया लेकिन उनका किरदार कुछ ऐसे कमजोर ढंग से लिखा गया कि इरफान जैसा मांझा हुआ कलाकार भी तरह जान नहीं डाल पाया। सौरभ शुक्ला अपने किरदार में खूब जमे हैं, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अली अब्बास जो कि हमारे डायरेक्टर हैं इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले ही काफ़ी अच्छा खासा काम शुरू करना चाहते थे। इंटरवल से पहले जो कहानी है थोड़ी अखरता है लेकिन इंटरवल के बाद काफ़ी क्लाइमैक्स बढ़ जाता है, काफ़ी मूवी है थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है। बाला और विक्रम की दोस्ती में दरार को अब्बास ने काफ़ी ढंग से पेश किया, काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखा है। आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए दोस्तों, आपको इसमें 70 और 80 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर बिकाऊ लगभग सभी मसाले मौजूद हैं, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सब एक मूवी की कह लें पुरानी मूवीज़ की सब कुछ मिक्सर एक टाइप से गुंडे मूवी में दिखाने की कोशिश की और काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। हालाँकि अगर बात कर लें जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिशियली रूप से आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं तो Amazon प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है अवेलेबल है वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर बात करें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में तो गाइस इसका पहले ही बहुत ज़्यादा पहले ही प्रीमियर हो चुका है जो कि हमें मैक्स टेलीविजन पर आए दिन ये मूवी देखने को मिलती रहती है और सोनीमा वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है। तो इस टाइप से जो मूवी है काफ़ी जगह से हो जाती है, इसी टाइप की कुछ स्टोरी रहेगी इस मूवी के अंदर। आई होप आपको जानकारी मिल चुकी है क्या कैसे इस मूवी की स्टोरी रहने वाली है। तो इस टाइप से आप इस मूवी को देख सकते हैं और उस टाइप से काफ़ी
बेहद आपको मूवी पसंद आने वाली है। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा क्यों एक्साइटेड हैं एंड आप किस वजह से देखना चाहते हैं, और यही कुछ स्टोरी इस मूवी की रहने वाली है जो कि आपको काफ़ी पसंद आ सकती है। तो वैसे मैं आपकी क्या राय इस मूवी के बारे में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आने वाले दिनों में हम आपके लिए वैसे बहुत सारी अपडेट्स लाते रहते हैं, कुछ अपकमिंग अपडेट्स के साथ मिलेंगे। फिलहाल क्या इस वीडियो में तो क्या हाल चल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइज आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गुंडे मूवी के बारे में। अगर आप भी दोस्तों गुंडे मूवी को हिंदी भाषा में देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि कैसे क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गुंडे मूवी को लेकर कि कैसे क्या आप इस मूवी को देख सकते हैं, जानेंगे कुछ रिव्यू इस मूवी को लेकर। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें गुंडे मूवी के बारे में तो साल 2014 की काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर मूवी है जो कि दोस्तों आपके लिए देखने को मिली थी। काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी नाम किए थे इस मूवी ने, काफ़ी ठीक ठाक सी चल गई थी उस टाइम पर। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो ये जो मूवी है रिलीज़ हुई थी 14 फरवरी 2000 को, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को डायरेक्ट किया अली अब्बास जफर ने, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था एसराज फिल्म द्वारा, यानी कि इस मूवी को एसराज फिल्म द्वारा जो बैनर तले बनाया गया है। और उसके साथ साथ इस मूवी के अगर बजट के लेकर बात कर लें तो लगभग बजट 51 करोड़ के आसपास तक का था उस टाइम पर, और इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है आज के टाइम तक का, जो मतलब उसी टाइम पर 130 से 131 करोड़ तक का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है हो रखा है इस मूवी का, तो काफ़ी ठीक ठाक से मूवी चल गई थी। ऐसे में रेटिंग को लेकर बात करें तो 2.7 out of 10 की IMDb को कुछ रेटिंग है इस मूवी को मिली है। रेटिंग के मामले में बहुत ही पीछे है ये मूवी। अगर बात कर लें कुछ 63% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया यानी पसंद किया है, और ऐसे में ये मूवी की कहानी है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। मूवी की कास्ट की अगर बात करें तो मैन लीड एक्टर्स में आपको रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान, सौरभ शुक्ला, दीपराज राणा, ऐसे बहुत से जो करेक्टर्स हैं देखने को मिलेंगे आपको इस मूवी के अंदर, जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों रणवीर और यहाँ पर अर्जुन कपूर ने एक साथ परफॉर्मेंस करने वाले हैं, एक दोस्त के रूप में निभाने वाले हैं इस मूवी के अंदर, वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि बात करें इस मूवी के बारे में तो गाइज आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कोई ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो मूवी है अनऑफिशियली कई तरीके से अवेलेबल है, बाकी ऑफिशियली तरीके से आप इसको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, तो इस टाइप से आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ताज्जुब ये होता है कि यशराज जैसे बैनर के द्वारा बनी फिल्म, जो कि हमारे डायरेक्टर साहब है अली अब्बास ने काफ़ी फिल्में दी हैं, जैसे कि दोस्तों अगर वर्षों में फिल्मों का जमाया जाए तो जैसे काफ़ी चालू मसालों के परोसकर ऐसी फिल्म जो बनाई है जो कि काफ़ी शौकीनों और टाइम पास के लिए थिएटर में काफ़ी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों यशराज बैनर के सुप्रीमो आदित्य चोपड़ा ने पहली फिल्म जो कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पूरी करने के बाद शोले जैसी भव्य फिल्में बनाने की ख्वाहिश जताई थी। लंबे अरसे के बाद आदित्य बेशक शोले नहीं बना पाए, लेकिन उनके पास जब इस फिल्म के इस कहानीकार और डायरेक्टर ने दो वीरू और जय टाइप के दोस्तों से मिलती जुलती कहानी सुनाई तो आदित्य ने झट से उन्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, ग्रीन सिग्नल दिया। अब इससे जब इन्होंने गुंडे बनकर तैयार की, इस मूवी का नाम गुंडे रखा, तो इन दोनों को किरदार को चंद पहलू, ट्रेन डकैती, सिक्का उछालना आदि के अलावा इनमें एक दोस्त वाला की इमेज कहीं ना कहीं एग्री एगमैन की इमेज में प्रभावित लगती है। वहीं दोस्तों अच्छी शुरुआत के बाद कहानी को आगे खिसकाने के लिए डायरेक्टर ने हमारे कैवे डांसर नजीता से इनकी लंबी मुलाकातें और इंटरवल के बाद काफ़ी अचानक से बरसों पहले रिलीज हुई मूवी जो कि कोयला और काला पत्थर की झलक भी नजर आती है इस मूवी के अंदर। ताज्जुब है दोस्तों, वैलेंटाइंस डे के दिन बॉलीवुड की ओर से किसी लव स्टोरी ने पर्दे पर दस्तक नहीं दी, गुंडे जरूर इस दिन मूवी रिलीज हो गई थी। और कहानी के 70 के दशक में दोस्तों जब लंबे गृह युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर नए नए देश के बांग्लादेश का जन्म होने के साथ इस फिल्म की कहानी शुरू होती है। इसी दौरान यहाँ कहीं वाला जो कि हमारे अर्जुन कपूर है और यहाँ पर विक्रम जो कि रणवीर सिंह है का जन्म हुआ है। इन दोनों ने दोस्तों इस गृह युद्ध के दौरान वहाँ हुए खून खराबे और हिंसा के तांडव को बहुत नज़दीक से देखा है। 12 से 13 साल की उम्र में दोनों कोलकाता आते हैं और कोयले की चोरी के काम में जुड़ जाते हैं, ठीक है, ये मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। हालात इन दोनों के दोस्तों अनाथों की दोस्ती की ऐसी डोर बांधते हैं जहां इनकी दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि एक जान तो दो जिस्म। बाला कुछ ऐसा गुस्सेल है जो कि अक्सर छोटी सी बात पर भी अपना आपा खो बैठता है। कोलकाता में आने के बाद इन्हें एहसास होता है कि इस शहर में
अपना वजूद बनाने के लिए उन्हें हर काम एकजुट होना पड़ेगा। बाला और विक्रम, विक्रम का बड़ा है, विक्रम कोई भी काम बिना सोचे समझे हाथ में नहीं लेता है। यही वजह है कि विक्रम गैर कानूनी धंधे में बारीकियों को बाखूबी जानता है। विक्रम की एक और खासियत है दोस्तों, जिस वह अपना समझता है उसके लिए कुछ भी करने का हरदम तैयार रहता है। बेशक बाला गुस्सैल है लेकिन दोस्तों बेहद वफादार है। बाला लात घूसों को मासा कुछ जानता ज़्यादा ही जानता है। कोलकाता में आए हुए इन्हें दोस्तों कई साल हो चुके हैं। इस बीच दोनों इस शहर के सबसे बड़े और नामी गुंडे बन चुके हैं। इस बीच एंट्री होती है कैफे कैमरा डांसर की और उसके बाद नाइट क्लब की ओपनिंग पर विक्रम और बाला पहली बार नंदिता को देखते हैं और उसकी खूबसूरती पर मर मिटते हैं। नंदिता की जो खूबसूरती का जादू बाला और विक्रम पर कुछ ज़्यादा ही चलता है और दोनों उसकी आंखों की ओर खींचे चले जाते हैं। नंदिता जो कि आने के बाद बाला और विक्रम की रूखी जिंदगी में रंगों की बाहर सी आ जाती है। हर काम एक साथ बांटकर करने वाले बाला और विक्रम के बाहर नंदिता एक साथ मर मिटते हैं। हालात उस वक्त बदलते हैं जब नंदिता 7 दिन बाद इन दोनों में से किसी एक के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करती है। इस बीच SP सत्यजीत सरकार जो कि हमारे इरफान खान की एंट्री होती है इस मूवी के अंदर, जो हर गलत को सही करना जानते हैं, कानून तोड़ने वाले को कानून सबक सिखाना और सरकार के अच्छी तरह जानते हैं, बड़े से बड़े गुंडों को उससे अक्सर कानून पाठ पढ़ाया है। सरकार का दोस्तों दिमाग बहुत तेज चलता है, इन दोनों के जेल के सिकंजों के बीच पहुंचाने के लिए एक प्लान बनाता है। सरकार की शतरंजी चाल में उसके पास कई मोहरे हैं, विक्रम और बाला बेहद गरीब हैं। तो इस पूरी जानकारी के लिए आपको मूवी की तरफ जाना पड़ेगा और यही कुछ स्टोरी देखने को मिलेगी, क्या कैसे होता है, क्या कैसे दोस्ती में टकराव आता है जब यहाँ पर लव स्टोरी किसी एक की साइड हो जाती है। तो वो सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। एक्टिंग्स को लेकर बात करें दोस्तों, विक्रम के जो किरदार में रणवीर सिंह ने काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले किया है। बेशक दोस्तों रणवीर का लुक और कुछ सीन्स उनकी डायलॉग्स डिलीवरी के थोड़ा बहुत पीछे कर सकते हैं, जो कि रामलीला की याद दिलाते हैं थोड़ी बहुत। बाकी दोस्तों आपको बता दूं, हर वक्त अलग अपनी दुनिया में रहने वाले गुस्सैल जो कि बाला, जो कि हमारे अर्जुन कपूर, अपनी ओर से काफ़ी अच्छा ऐसा बेहतरीन काम करते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी थोड़ी बहुत कमज़ोर नज़र आ सकती है इस मूवी के अंदर। प्रियंका इन दोनों के सामने जब भी नजर आई तो एक स्कूल टीचर के स्टाइल में इन्हें ज्ञान देती नजर आती है। बेशक नंदिता के रोल में दोस्तों प्रियंका फिट है लेकिन रणवीर और अर्जुन के सामने कुछ ज़्यादा सीनियर नजर आती हैं। SP सरकार के रोल में इरफान खान ने प्रभावित किया है लेकिन उनका किरदार कुछ ऐसे कमजोर ढंग से लिखा गया है कि इरफान जैसा मांझा हुआ कलाकार भी तरह जान नहीं डाल पाया। सौरभ शुक्ला अपने किरदार में खूब जमे हैं, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अली अब्बास जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले ही काफ़ी अच्छा खासा काम शुरू करना चाहते थे। इंटरवल से पहले जो कहानी है थोड़ी अकड़ता है लेकिन इंटरवल के बाद काफ़ी क्लाइमैक्स बढ़ जाता है, काफ़ी मूवी है थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है। बाला और विक्रम की दोस्ती में दरार को अब्बास ने काफ़ी ढंग से पेश किया, काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखा है। आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए दोस्तों, आपको इसमें 70 और 80 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर बिकाऊ लगभग सभी मसाले मौजूद हैं, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सब एक मूवी की कह लें पुरानी मूवीज़ की सब कुछ मिक्सर एक टाइप से गुंडे मूवी में दिखाने की कोशिश की और काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। हालाँकि अगर बात कर लें, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिशियली रूप से आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, तो Amazon प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर बात करें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में तो गाइस इसका पहले ही बहुत ज़्यादा पहले ही प्रीमियर हो चुका है, जो कि हमें मैक्स टेलीविजन पर आए दिन ये मूवी देखने को मिलती रहती है और सोनी बाबा वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है। तो इस टाइप से जो मूवी है काफ़ी जगह से हो जाती है, इसी टाइप की कुछ स्टोरी रहेगी इस मूवी के अंदर। आई होप आपको जानकारी मिल चुकी है क्या कैसे इस मूवी की स्टोरी रहने वाली है। तो इस टाइप से आप इस मूवी को देख सकते हैं और इस टाइप से काफ़ी बेहद आपको मूवी पसंद आने वाली है। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा क्यों एक्साइटेड हैं एंड आप किस वजह से देखना चाहते हैं, और यही कुछ स्टोरी इस मूवी की रहने वाली है जो कि आपको काफ़ी पसंद आ सकती है। तो वैसे मैं आपकी क्या राय इस मूवी के बारे में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आने वाले दिनों में हम आपके लिए वैसे बहुत सारी अपडेट्स लाते रहते हैं, कुछ अपकमिंग अपडेट्स के साथ मिलेंगे। फिलहाल क्या इस वीडियो में तो क्या हाल चल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइज आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गुंडे मूवी के बारे में। अगर आप भी दोस्तों गुंडे मूवी को हिंदी भाषा में देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि कैसे क्या आप इस मूवी को YouTube पर देख सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गुंडे मूवी को लेकर कि कैसे क्या आप इस मूवी को देख सकते हैं, जानेंगे कुछ रिव्यू इस मूवी को लेकर। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें गुंडे मूवी के बारे में तो साल 2014 की काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर मूवी है, जो कि दोस्तों आपके लिए देखने को मिली थी। काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी नाम किए थे इस मूवी ने, काफ़ी ठीक ठाक से चल गई थी उस टाइम पर। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो ये जो मूवी है रिलीज़ हुई थी 14 फरवरी 2000 कुछ को
एंड उसके साथ साथ इस मूवी को डायरेक्ट किया अली अब्बास जफर ने, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था एसराज फिल्म द्वारा, यानी कि इस मूवी को एसराज फिल्म द्वारा जो बैनर तले बनाया गया है। और उसके साथ साथ इस मूवी के अगर बजट के लेकर बात कर लें तो लगभग बजट 51 करोड़ के आसपास तक का था उस टाइम पे, और इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है आज के टाइम तक का जो मतलब उसी टाइम पे 130 से 31 करोड़ तक का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है हो रखा है इस मूवी का, तो काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी चल गई थी। ऐसे में रेटिंग को लेकर बात करें तो 2.7 out of 10 की IMDb को कुछ रेटिंग है इस मूवी को मिली है। रेटिंग के मामले में बहुत ही पीछे है ये मूवी। अगर बात कर लें कुछ 63% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया यानी पसंद किया है, और ऐसे में ये मूवी की कहानी है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। मूवी की कास्ट की अगर बात करें तो मैन लीड एक्टर्स में आपको रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान, सौरभ शुक्ला, दीपराज राणा, ऐसे बहुत से जो करेक्टर्स हैं देखने को मिलेंगे आपको इस मूवी के अंदर, जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। यहीं पर दोस्तों रणबीर और यहाँ पर अर्जुन कपूर ने एक साथ परफॉर्मेंस करने वाले हैं, एक दोस्त के रूप में निभाने वाले हैं इस मूवी के अंदर, वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि बात कर लें इस मूवी के बारे में तो गाइज आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कोई ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो मूवी है अनऑफिशियली कई तरीके से अवेलेबल है, बाकी ऑफिशियली तरीके से आप इसको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, तो इस टाइप से आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ताज्जुब ये होता है कि यसराज जैसे बैनर के द्वारा बनी फिल्म जो कि हमारे डायरेक्टर साहब है अली अब्बास ने काफ़ी फिल्में दी हैं, जैसे कि दोस्तों अगर वर्षों में फिल्मों का जमाया जाए तो जैसे काफ़ी चालू मसालों के परोसकर ऐसी फिल्म जो बनाई है जो कि काफ़ी शौकीनों और टाइम पास के लिए थिएटर में काफ़ी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों यसराज बैनर के सुप्रीमो आदित्य चोपड़ा ने पहली फिल्म जो कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पूरी करने के बाद शोले जैसी भव्य फिल्में बनाने की ख्वाहिश जताई थी। लंबे अरसे के बाद आदित्य बेशक शोले नहीं बना पाए, लेकिन उनके पास जब इस फिल्म के इस कहानीकार और डायरेक्टर ने दो वीरू और जय टाइप के दोस्तों से मिलती जुलती कहानी सुनाई तो आदित्य ने झट से उन्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, ग्रीन सिग्नल दिया। अब इससे जब इन्होंने गुंडे बनकर तैयार की, इस मूवी का नाम गुंडे रखा, तो इन दोनों को किरदार को चंद पहलू, ट्रेन डकैती, सिक्का उछालना आदि के अलावा इनमें एक दोस्त वाला की इमेज कहीं ना कहीं एग्री यंगमैन की इमेज में प्रभावित लगती है। वहीं दोस्तों अच्छी शुरुआत के बाद कहानी को आगे खिसकाने के लिए डायरेक्टर ने हमारे कैवे डांसर नजीता से इनकी लंबी मुलाकातें और इंटरवल के बाद काफ़ी अचानक से बरसों पहले रिलीज हुई मूवी जो कि कोयला और काला पत्थर की झलक भी नजर आती है इस मूवी के अंदर। ताज्जुब है दोस्तों वैलेंटाइंस डे के दिन बॉलीवुड की ओर से किसी लव स्टोरी ने पर्दे पर दस्तक नहीं दी, गुंडे जरूर इस दिन मूवी रिलीज हो गई थी। और कहानी के 70 के दशक में दोस्तों जब लंबे गृह युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर नए नए देश के बांग्लादेश का जन्म होने के साथ इस फिल्म की कहानी शुरू होती है। इसी दौरान यहाँ कहीं वाला जो कि हमारे अर्जुन कपूर है और यहाँ पर विक्रम जो कि रणवीर सिंह है का जन्म हुआ है। इन दोनों ने दोस्तों इस गृह युद्ध के दौरान वहाँ हुए खून खराबे और हिंसा के तांडव को बहुत नज़दीक से देखा है। 12 से 13 साल की उम्र में दोनों कोलकाता आते हैं और कोयले की चोरी के काम में जुड़ जाते हैं, ठीक है, ये मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। हालात इन दोनों के दोस्तों अनाथों की दोस्ती की ऐसी डोर बांधते हैं जहां इनकी दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि एक जान तो दो जिस्म। बाला कुछ ऐसा गुस्सेल है जो कि अक्सर छोटी सी बात पर भी अपना आपा खो बैठता है। कोलकाता में आने के बाद इन्हें एहसास होता है कि इस शहर में अपना वजूद बनाने के लिए उन्हें हर काम एकजुट होना पड़ेगा। बाला और विक्रम, विक्रम का बड़ा है, विक्रम कोई भी काम बिना सोचे समझे हाथ में नहीं लेता है। यही वजह है कि विक्रम गैर कानूनी धंधे में बारीकियों को बाखूबी जानता है। विक्रम की एक और खासियत है दोस्तों, जिस वह अपना समझता है उसके लिए कुछ भी करने का हरदम तैयार रहता है। बेशक बाला गुस्सैल है लेकिन दोस्तों बेहद वफादार है। बाला लात घूसों को मासा कुछ जानता ज़्यादा ही जानता है। कोलकाता में आए हुए इन्हें दोस्तों कई साल हो चुके हैं। इस बीच दोनों इस शहर के सबसे बड़े और नामी गुंडे बन चुके हैं। इस बीच एंट्री होती है कैमरा डांसर की और उसके बाद नाइट क्लब की ओपनिंग पर विक्रम और बाला पहली बार नंदिता को देखते हैं और उसकी खूबसूरती पर मर मिटते हैं। नंदिता की जो खूबसूरती का जादू बाला और विक्रम पर कुछ ज़्यादा ही चलता है और दोनों उसकी आंखों की ओर खींचे चले जाते हैं। नंदिता जो कि आने के बाद बाला और विक्रम की रूखी जिंदगी में रंगों की बाहर सी आ जाती है। हर काम एक साथ बांट कर करने वाले बाला और विक्रम के बाहर नंदिता एक साथ मर मिटते हैं। हालात तो उस वक्त बदलते हैं जब नंदिता 7 दिन बाद इन दोनों में से किसी एक के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करती है। इस बीच SP सत्यजीत सरकार जो कि हमारे इरफान खान की एंट्री होती है इस मूवी के अंदर, जो हर गलत को सही करना जानते हैं,
कानून तोड़ने वाले को कानून सबक सिखाना और सरकार के अच्छी तरह जानता है। बड़े से बड़े गुंडों को उससे अक्सर कानून पाठ पढ़ाया है। सरकार का दोस्तों दिमाग बहुत तेज चलता है। इन दोनों के जेल के सिकंजों के बीच पहुंचाने के लिए एक प्लान बनाता है। सरकार की शतरंजी चाल में उसके पास कई मोहरे हैं। विक्रम और बाला बेहद गरीब हैं। तो इस पूरी जानकारी के लिए आपको मूवी की तरफ जाना पड़ेगा और यही कुछ स्टोरी देखने को मिलेगी। क्या कैसे होता है, क्या कैसे दोस्ती में टकराव आता है जब यहाँ पर लव स्टोरी किसी एक की साइड हो जाती है, तो वो सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। एक्टिंग्स को लेकर बात करें तो दोस्तों विक्रम के जो किरदार में रणवीर सिंह ने काफ़ी अच्छे खासा रोल प्ले किया है। बेशक दोस्तों रणवीर का लुक और कुछ सीन्स उनकी डायलॉग्स डिलीवरी के थोड़ा बहुत पीछे कर सकते हैं, जो कि रामलीला की याद दिलाते हैं थोड़ी बहुत। बाकी दोस्तों आपको बता दूँ, हर वक्त अलग अपनी दुनिया में रहने वाले गुस्सेल जो कि बाला, जो कि हमारे अर्जुन कपूर, अपनी ओर से काफ़ी अच्छा ऐसा बेहतरीन काम करते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी थोड़ी बहुत कमज़ोर नज़र आ सकती है इस मूवी के अंदर। प्रियंका इन दोनों के सामने जब भी नजर आई तो एक स्कूल टीचर के स्टाइल में इन्हें ज्ञान देती नजर आती है। बेशक नैनीता के रोल में दोस्तों प्रियंका फिट है, लेकिन रणवीर और अर्जुन के सामने कुछ ज़्यादा सीनियर नजर आती हैं। एसपी सरकार के रोल में इरफान खान ने प्रभावित किया है, लेकिन उनका किरदार कुछ ऐसे कमजोर ढंग से लिखा गया है कि इरफान जैसा मांझा हुआ कलाकार भी तरह जान नहीं डाल पाया। सौरभ शुक्ला अपने किरदार में खूब जमे हैं, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अली अब्बास जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले ही काफ़ी अच्छा खासा काम शुरू करना चाहते थे। इंटरवल से पहले जो कहानी है थोड़ी अकड़ता है, लेकिन इंटरवल के बाद काफ़ी क्लाइमैक्स बढ़ जाता है। काफ़ी मूवी है, थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है। बाला और विक्रम की दोस्ती में दरार को अब्बास ने काफ़ी ढंग से पेश किया, काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखा है। आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए दोस्तों, आपको इसमें 70 और 80 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर बिकाऊ लगभग सभी मसाले मौजूद हैं, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सब एक मूवी की कह लें पुरानी मूवीज़ की सब कुछ मिक्सर एक टाइप से गुंडे मूवी में दिखाने की कोशिश की और काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। हालांकि अगर बात कर लें, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिशियली रूप से आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर बात करें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में, तो गाइस इसका पहले ही बहुत ज़्यादा पहले ही प्रीमियर हो चुका है, जो कि हमें मैक्स टेलीविजन पर आए दिन ये मूवी देखने को मिलती रहती है और सोनी बा वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है। तो इस टाइप से जो मूवी है काफ़ी जगह से हो जाती है, इसी टाइप की कुछ स्टोरी रहेगी इस मूवी के अंदर। आई होप आपको जानकारी मिल चुकी है क्या कैसे इस मूवी की स्टोरी रहने वाली है। तो इस टाइप से आप इस मूवी को देख सकते हैं और उस टाइप से काफ़ी बेहद आपको मूवी पसंद आने वाली है। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा क्यों एक्साइटेड हैं एंड आप किस वजह से देखना चाहते हैं, और यही कुछ स्टोरी इस मूवी की रहने वाली है जो कि आपको काफ़ी पसंद आ सकती है। तो वैसे मैं आपकी क्या राय इस मूवी के बारे में आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आने वाले दिनों में हम आपके लिए वैसे बहुत सारी अपडेट्स लाते रहते हैं, कुछ अपकमिंग अपडेट्स के साथ मिलेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में तो क्या चल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइज आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गुंडे मूवी के बारे में। अगर आप भी दोस्तों गुंडे मूवी को हिंदी भाषा में देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि कैसे क्या, आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं। सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गुंडे मूवी को लेकर कि कैसे क्या आप इस मूवी को देख सकते हैं, जानेंगे कुछ रिव्यू इस मूवी को लेकर। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें गुंडे मूवी के बारे में, तो साल 2014 की काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर मूवी है, जो कि दोस्तों आपके लिए देखने को मिली थी। काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी नाम किए थे इस मूवी ने, काफ़ी ठीक ठाक से चल गई थी उस टाइम पर। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो ये जो मूवी है रिलीज़ हुई थी 14 फरवरी 2000 को, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को डायरेक्ट किया अली अब्बास जफर ने, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था एसराज फिल्म द्वारा, यानी कि इस मूवी को एसराज फिल्म द्वारा जो बैनर तले बनाया गया है। और उसके साथ साथ इस मूवी के अगर बजट के लेकर बात कर लें, तो लगभग बजट 51 करोड़ के आसपास तक का था उस टाइम पर। और इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है आज के टाइम तक का, जो मतलब उसी टाइम पर 130 से 131 करोड़ तक का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है हो रखा है इस मूवी का, तो काफ़ी ठीक ठाक से मूवी चल गई थी। ऐसे में रेटिंग को लेकर बात करें तो 2.7 out of 10 की IMDb को कुछ रेटिंग है इस मूवी को मिली है। रेटिंग के मामले में बहुत ही पीछे है ये मूवी। अगर बात करें कुछ 63% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया यानी पसंद किया है, और ऐसे में ये मूवी की कहानी है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। मूवी की कास्ट की अगर बात करें, तो मैन लीड एक्टर्स में आपको रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान, सौरभ शुक्ला, दीपराज राणा, ऐसे बहुत से जो करेक्टर्स हैं देखने को मिलेंगे आपको इस मूवी के अंदर, जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों रणवीर और यहाँ पर अर्जुन कपूर ने एक साथ परफॉर्मेंस करने वाले हैं, एक दोस्त के रूप में निभाने वाले हैं इस मूवी के अंदर, वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं।
हालांकि बात कर ले इस मूवी के बारे में तो गाइज आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कोई ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो मूवी है अनऑफिशियली कई तरीके से अवेलेबल है, बाकी ऑफिशियली तरीके से आप इसको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ताज्जुब ये होता है कि यसराज जैसे बैनर के द्वारा बनी फिल्म जो कि हमारे डायरेक्टर साहब है अली अब्बास ने काफ़ी फिल्में दी हैं, जैसे कि दोस्तों अगर वर्षों में फिल्मों का जमाया जाए तो जैसे काफ़ी चालों मसालों के परोसकर ऐसी फिल्म जो बनाई है जो कि काफ़ी शौकीनों और टाइम पास के लिए थिएटर में काफ़ी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों यसराज बैनर के सुप्रीमो आदित्य चोपड़ा ने पहली फिल्म जो कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पूरी करने के बाद शोले जैसी भव्य फिल्में बनाने की ख्वाहिश जताई थी। लंबे अरसे के बाद आदित्य बेशक शोले नहीं बना पाए, लेकिन उनके पास जब इस फिल्म के इस कहानीकार और डायरेक्टर ने दो वीरू और जय टाइप के दोस्तों से मिलती जुलती कहानी सुनाई तो आदित्य ने झट से उन्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, ग्रीन सिग्नल दिया। अब इससे जब इन्होंने गुंडे बनकर तैयार की, इस मूवी का नाम गुंडे रखा, तो इन दोनों को किरदार को चंद पहलू, ट्रेन डकैती, सिक्का उछालना आदि के अलावा इनमें एक दोस्त वाला की इमेज कहीं ना कहीं एग्री एगमैन की इमेज में प्रभावित लगती है। वहीं दोस्तों अच्छी शुरुआत के बाद कहानी को आगे खिसकाने के लिए डायरेक्टर ने हमारे कैमरे डांसर नजिता से इनकी लंबी मुलाकातें और इंटरवल के बाद काफ़ी अचानक से बरसों पहले रिलीज हुई मूवी जो कि कोयला और काला पत्थर की झलक भी नजर आती है इस मूवी के अंदर। ताज्जुब है दोस्तों वैलेंटाइंस डे के दिन बॉलीवुड की ओर से किसी लव स्टोरी ने पर्दे पर दस्तक नहीं दी, गुंडे जरूर इस दिन मूवी रिलीज हो गई थी। और कहानी के 70 के दशक में दोस्तों जब लंबे गृह युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर नए नए देश के बांग्लादेश का जन्म होने के साथ इस फिल्म की कहानी शुरू होती है। इसी दौरान यहाँ कहीं वाला जो कि हमारे अर्जुन कपूर है और यहाँ पर विक्रम जो कि रणवीर सिंह है का जन्म हुआ है। इन दोनों ने दोस्तों इस गृह युद्ध के दौरान वहाँ हुए खून खराबे और हिंसा के तांडव को बहुत नजदीक से देखा है। 12 से 13 साल की उम्र में दोनों कोलकाता आते हैं और कोयले की चोरी के काम में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। हालात इन दोनों के दोस्तों अनाथों की दोस्ती की ऐसी डोर बांधते हैं जहां इनकी दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि एक जान तो दो जिस्म। बाला कुछ ऐसा गुस्सेल है जो कि अक्सर छोटी सी बात पर भी अपना आपा खो बैठता है। कोलकाता में आने के बाद इन्हें एहसास होता है कि इस शहर में अपना वजूद बनाने के लिए उन्हें हर काम एकजुट होना पड़ेगा। बाला और विक्रम, विक्रम का बड़ा है, विक्रम कोई भी काम बिना सोचे समझे हाथ में नहीं लेता है। यही वजह है कि विक्रम गैर कानूनी धंधे में बारीकियों को बाखूबी जानता है। विक्रम की एक और खासियत है दोस्तों, जिस वह अपना समझता है उसके लिए कुछ भी करने का हरदम तैयार रहता है। बेशक बाला गुस्सैल है लेकिन दोस्तों बेहद वफादार है। बाला लात घूसों को मासा कुछ जानता है, ज़्यादा ही जानता है। कोलकाता में आए हुए इन्हें दोस्तों कई साल हो चुके हैं। इस बीच दोनों इस शहर के सबसे बड़े और नामी गुंडे बन चुके हैं। इस बीच एंट्री होती है कैफे कैमरा डांसर की और उसके बाद नाइट क्लब की ओपनिंग पर विक्रम और बाला पहली बार नंदिता को देखते हैं और उसकी खूबसूरती पर मर मिटते हैं। नंदिता की जो खूबसूरती का जादू बाला और विक्रम पर कुछ ज़्यादा ही चलता है और दोनों उसकी आंखों की ओर खींचे चले जाते हैं। नंदिता जो कि आने के बाद बाला और विक्रम की रूखी जिंदगी में रंगों की बाहर सी आ जाती है। हर काम एक साथ बांट कर करने वाले बाला और विक्रम के बाहर नंदिता एक साथ मर मिटते हैं। हालात तो उस वक्त बदलते हैं जब नंदिता 7 दिन बाद इन दोनों में से किसी एक के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करती है। इस बीच SP सत्यजीत सरकार जो कि हमारे इरफान खान की एंट्री होती है इस मूवी के अंदर, जो हर गलत को सही करना जानते हैं, कानून तोड़ने वाले को कानून सबक सिखाना और सरकार के अच्छी तरह जानता है। बड़े से बड़े गुंडों को उससे अक्सर कानून पाठ पढ़ाया है। सरकार का दोस्तों दिमाग बहुत तेज चलता है, इन दोनों के जेल के सिकंजों के बीच पहुंचाने के लिए एक प्लान बनाता है। सरकार की शतरंजी चाल में उसके पास कई मोहरे हैं, विक्रम और बाला बेहद गरीब हैं। तो इस पूरी जानकारी के लिए आपको मूवी की तरफ जाना पड़ेगा और यही कुछ स्टोरी देखने को मिलेगी, क्या कैसे होता है, क्या कैसे दोस्ती में टकराव आता है जब यहाँ पर लव स्टोरी किसी एक की साइड हो जाती है। तो बहुत सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। एक्टिंग को लेकर बात कर लें दोस्तों, विक्रम के जो किरदार में रणवीर सिंह ने काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले किया है। बेशक दोस्तों रणवीर का लुक और कुछ सीन्स उनकी डायलॉग्स डिलीवरी के थोड़ा बहुत पीछे कर सकते हैं जो कि रामलीला की याद दिलाते हैं थोड़ी बहुत। बाकी दोस्तों आपको मैं बता दूं, हर वक्त अलग अपनी दुनिया में रहने वाले गुस्सेल जो कि बाला जो कि हमारे अर्जुन कपूर अपनी ओर से काफ़ी अच्छा खासा बेहतरीन काम करते हैं, उनकी डायलॉग डिलीवरी थोड़ी बहुत कमज़ोर नज़र आ सकती है इस मूवी के अंदर। प्रियंका इन दोनों के सामने जब भी नजर आई तो एक स्कूल टीचर के स्टाइल में इन्हें ज्ञान देती नजर आती है। बेशक नंदिता के रोल में दोस्तों प्रियंका फिट है लेकिन रणबीर और अर्जुन के सामने कुछ ज़्यादा सीनियर नजर आती हैं। SP सरकार के रोल में इरफान खान ने प्रभावित किया है लेकिन उनका किरदार कुछ ऐसे कमजोर ढंग से लिखा गया कि इरफान जैसा मांझा हुआ कलाकार भी तरह जान नहीं डाल पाया। सौरभ शुक्ला अपने किरदार में खूब जमे हैं, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अली अब्बास जो कि हमारे डायरेक्टर हैं इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले ही काफ़ी अच्छा खासा काम शुरू करना चाहते थे,
इंटरवल से पहले जो कहानी है थोड़ी अकड़ता है, लेकिन इंटरवल के बाद काफ़ी क्लाइमैक्स बढ़ जाता है, काफ़ी मूवी है थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है। बाला और विक्रम की दोस्ती में दरार को अब्बास ने काफ़ी ढंग से पेश किया, काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखा है। आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए दोस्तों? आपको इसमें 70 और 80 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर बिकाऊ लगभग सभी मसाले मौजूद हैं, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सब एक मूवी की कह लें पुरानी मूवीज़ की सब कुछ मिक्सर एक टाइप से गुंडे मूवी में दिखाने की कोशिश की और काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। हालांकि अगर बात कर लें, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिशियली रूप से आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर बात करें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में, तो गाइस इसका पहले ही बहुत ज़्यादा पहले ही प्रीमियर हो चुका है, जो कि हमें मैक्स टेलीविजन पर आए दिन ये मूवी देखने को मिलती रहती है और सोनी वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है। तो इस टाइप से जो मूवी है काफ़ी जगह से हो जाती है, इसी टाइप की कुछ स्टोरी रहेगी इस मूवी के अंदर। आई होप आपको जानकारी मिल चुकी है क्या कैसे इस मूवी की स्टोरी रहने वाली है। तो इस टाइप से आप इस मूवी को देख सकते हैं और उस टाइप से काफ़ी बेहद आपको मूवी पसंद आने वाली है। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा क्यों एक्साइटेड है एंड आप किस वजह से देखना चाहते हैं, और यही कुछ स्टोरी इस मूवी की रहने वाली है जो कि आपको काफ़ी पसंद आ सकती है। तो वैसे मैं आपकी क्या राय इस मूवी के बारे में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आने वाले दिनों में हम आपके लिए वैसे बहुत सारी अपडेट्स लाते रहते हैं, कुछ अपकमिंग अपडेट्स के साथ मिलेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में तो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? गाइज आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गुंडे मूवी के बारे में। अगर आप भी दोस्तों गुंडे मूवी को हिंदी भाषा में देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि कैसे क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गुंडे मूवी को लेकर कि कैसे क्या आप इस मूवी को देख सकते हैं, जानेंगे कुछ रिव्यू इस मूवी को लेकर। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें गुंडे मूवी के बारे में, तो साल 2014 की काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर मूवी है, जो कि दोस्तों आपके लिए देखने को मिली थी। काफ़ी अच्छे खासे रिकॉर्ड्स भी नाम किए थे इस मूवी ने, काफ़ी ठीक ठाक सी चल गई थी उस टाइम पर। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो ये जो मूवी है रिलीज़ हुई थी 14 फरवरी 2000 को, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को डायरेक्ट किया अली अब्बास जफर ने, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था एसराज फिल्म द्वारा, यानी कि इस मूवी को एसराज फिल्म द्वारा जो बैनर तले बनाया गया है। और उसके साथ साथ इस मूवी के अगर बजट के लेकर बात कर लें, तो लगभग बजट 51 करोड़ के आसपास तक का था उस टाइम पर, और इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है आज के टाइम तक का, जो मतलब उसी टाइम पर 130 से 131 करोड़ तक का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है हो रखा है इस मूवी का, तो काफ़ी ठीक ठाक से मूवी चल गई थी। ऐसे में रेटिंग को लेकर बात करें, तो 2.7 out of 10 की IMDb को कुछ रेटिंग है इस मूवी को मिली है। रेटिंग के मामले में बहुत ही पीछे है ये मूवी। अगर बात करें कुछ 63% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया, यानी पसंद किया है, और ऐसे में ये मूवी की कहानी है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं, तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। मूवी की कास्ट की अगर बात करें, तो मेन लीड एक्टर्स में आपको रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान, सौरभ शुक्ला, दीपराज राणा, ऐसे बहुत से जो करेक्टर्स हैं देखने को मिलेंगे आपको इस मूवी के अंदर, जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों रणवीर और यहां पर अर्जुन कपूर ने एक साथ परफॉर्मेंस करने वाले हैं, एक दोस्त के रूप में निभाने वाले हैं इस मूवी के अंदर, वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो गाइज आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कोई ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो मूवी है अनऑफिशियली कई तरीके से अवेलेबल है, बाकी ऑफिशियली तरीके से आप इसको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ताज्जुब ये होता है कि यसराज जैसे बैनर के द्वारा बनी फिल्म, जो कि हमारे डायरेक्टर साहब है अली अब्बास ने काफ़ी फिल्में दी हैं, जैसे कि दोस्तों अगर वर्षों में फिल्मों का जमाया जाए, तो जैसे काफ़ी चालों मसालों के परोसकर ऐसी फिल्म जो बनाई है, जो कि काफ़ी शौकीनों और टाइम पास के लिए थिएटर में काफ़ी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों यसराज बैनर के सुप्रीमो आदित्य चोपड़ा ने पहली फिल्म जो कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पूरी करने के बाद शोले जैसी भव्य फिल्में बनाने की ख्वाहिश जताई थी। लंबे अरसे के बाद आदित्य बेशक शोले नहीं बना पाए, लेकिन उनके पास जब इस फिल्म के इस कहानीकार और डायरेक्टर ने दो वीरू और जय टाइप के दोस्तों से मिलती जुलती कहानी सुनाई, तो आदित्य ने झट से उन्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, ग्रीन सिग्नल दिया। अब इससे जब इन्होंने गुंडे बनकर तैयार की, जिस मूवी का नाम गुंडे रखा, तो इन दोनों को किरदार को चंद पहलू
ट्रेन डकैती, सिक्का उछालना आदि के अलावा इनमें एक दोस्त वाला की इमेज कहीं ना कहीं एग्री एगमैन की इमेज में प्रभावित लगती है। वहीं दोस्तों अच्छी शुरुआत के बाद कहानी को आगे खिसकाने के लिए डायरेक्टर ने हमारे कैवरे डांसर नजीता से इनकी लंबी मुलाकातें और इंटरवल के बाद काफ़ी अचानक से बरसों पहले रिलीज हुई मूवी जो कि कोयला और काला पत्थर की झलक भी नजर आती है इस मूवी के अंदर। ताज्जुब है दोस्तों वैलेंटाइंस डे के दिन बॉलीवुड की ओर से किसी लव स्टोरी ने पर्दे पर दस्तक नहीं दी। गुंडे जरूर इस दिन मूवी रिलीज हो गई थी और कहानी के 70 के दशक में दोस्तों जब लंबे गृह युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर नए नए देश के बांग्लादेश का जन्म होने के साथ इस फिल्म की कहानी शुरू होती है। इसी दौरान यहाँ कहीं वाला जो कि हमारे अर्जुन कपूर है और यहाँ पर विक्रम जो कि रणवीर सिंह है का जन्म हुआ है। इन दोनों ने दोस्तों इस गृह युद्ध के दौरान वहाँ हुए खून खराबे और हिंसा के तांडव को बहुत नजदीक से देखा है। 12 से 13 साल की उम्र में दोनों कोलकाता आते हैं और कोयले की चोरी के काम में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। हालात इन दोनों के दोस्तों अनाथों की दोस्ती की ऐसी डोर बांधते हैं जहाँ इनकी दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि एक जान तो दो जिस्म। बाला कुछ ऐसा गुस्सेल है जो कि अक्सर छोटी सी बात पर भी अपना आपा खो बैठता है। कोलकाता में आने के बाद इन्हें एहसास होता है कि इस शहर में अपना वजूद बनाने के लिए उन्हें हर काम एकजुट होना पड़ेगा। बाला और विक्रम, विक्रम का बड़ा है, विक्रम कोई भी काम बिना सोचे समझे हाथ में नहीं लेता है। यही वजह है कि विक्रम गैर कानूनी धंधे में बारीकियों को बाखूबी जानता है। विक्रम की एक और खासियत है दोस्तों, जिस वह अपना समझता है उसके लिए कुछ भी करने का हरदम तैयार रहता है। बेशक बाला गुस्सैल है लेकिन दोस्तों बेहद वफादार है। बाला लात घूसों को मासा कुछ जानता है, ज़्यादा ही जानता है। कोलकाता में आए हुए इन्हें दोस्तों कई साल हो चुके हैं। इस बीच दोनों इस शहर के सबसे बड़े और नामी गुंडे बन चुके हैं। इस बीच एंट्री होती है कैमरा डांसर की और उसके बाद नाइट क्लब की ओपनिंग पर विक्रम और बाला पहली बार नंदिता को देखते हैं और उसकी खूबसूरती पर मर मिटते हैं। नंदिता की जो खूबसूरती का जादू बाला और विक्रम पर कुछ ज़्यादा ही चलता है और दोनों उसकी आंखों की ओर खींचे चले जाते हैं। नंदिता जो कि आने के बाद बाला और विक्रम की रूखी जिंदगी में रंगों की बाहर सी आ जाती है। हर काम एक साथ बांट कर करने वाले बाला और विक्रम के बाहर नंदिता एक साथ मर मिटते हैं। हालात उस वक्त बदलते हैं जब नंदिता 7 दिन बाद इन दोनों में से किसी एक के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करती है। इस बीच SP सत्यजीत सरकार जो कि हमारे इरफान खान की एंट्री होती है इस मूवी के अंदर, जो हर गलत को सही करना जानते हैं, कानून तोड़ने वाले को कानून सबक सिखाना और सरकार के अच्छी तरह जानता है। बड़े से बड़े गुंडों को उससे अक्सर कानून पाठ पढ़ाया है। सरकार का दोस्तों दिमाग बहुत तेज चलता है। इन दोनों के जेल के सिकंजों के बीच पहुंचाने के लिए एक प्लान बनाता है। सरकार की शतरंजी चाल में उसके पास कई मोहरे हैं। विक्रम और बाला बेहद गरीब हैं तो इस पूरी जानकारी के लिए आपको मूवी की तरफ जाना पड़ेगा और यही कुछ स्टोरी देखने को मिलेगी। क्या कैसे होता है, क्या कैसे दोस्ती में टकराव आता है जब यहाँ पर लव स्टोरी किसी एक की साइड हो जाती है, तो वो सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। एक्टिंग को लेकर बात करें दोस्तों, विक्रम के जो किरदार में रणवीर सिंह ने काफी अच्छे खासा रोल प्ले किया है। बेशक दोस्तों रणवीर का लुक और कुछ सीन्स उनकी डायलॉग्स डिलीवरी के थोड़ा बहुत पीछे कर सकते हैं जो कि रामलीला की याद दिलाते हैं थोड़ी बहुत। बाकी दोस्तों आपको बता दूं, हर वक्त अलग अपनी दुनिया में रहने वाले गुस्सेल जो कि बाला जो कि हमारे अर्जुन कपूर अपनी ओर से काफ़ी अच्छा ऐसा बेहतरीन काम करते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी थोड़ी बहुत कमज़ोर नज़र आ सकती है इस मूवी के अंदर। प्रियंका इन दोनों के सामने जब भी नज़र आई तो एक स्कूल टीचर के स्टाइल में इन्हें ज्ञान देती नज़र आती है। बेशक नंदिता के रोल में दोस्तों प्रियंका फिट है लेकिन रणबीर और अर्जुन के सामने कुछ ज़्यादा सीनियर नज़र आती हैं। SP सरकार के रोल में इरफान खान ने प्रभावित किया है लेकिन उनका किरदार कुछ ऐसे कमज़ोर ढंग से लिखा गया कि इरफान जैसा मांझा हुआ कलाकार भी तरह जान नहीं डाल पाया। सौरभ शुक्ला अपने किरदार में खूब जमे हैं, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अली अब्बास जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले ही काफ़ी अच्छा खासा काम शुरू करना चाहते थे। इंटरवल से पहले जो कहानी है थोड़ी अकड़ता है लेकिन इंटरवल के बाद काफ़ी क्लाइमैक्स बढ़ जाता है, काफ़ी मूवी है थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है। बाला और विक्रम की दोस्ती में दरार को अब्बास ने काफ़ी ढंग से पेश किया, काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखा है। आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए दोस्तों, आपको इसमें 70 और 80 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर बिकाऊ लगभग सभी मसाले मौजूद हैं, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सब एक मूवी की कह लें पुरानी मूवीज़ की सब कुछ मिक्सर एक टाइप से गुंडे मूवी में दिखाने की कोशिश की और काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। हालांकि अगर बात कर लें, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिशियली रूप से आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, तो Amazon प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है अवेलेबल है वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर बात करें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में तो गाइस इसका पहले ही बहुत ज़्यादा पहले ही प्रीमियर हो चुका है जो कि हमें मैक्स टेलीविजन पर आए दिन ये मूवी देखने को मिलती रहती है और सोनीमा वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है। तो इस टाइप से जो मूवी है काफ़ी जगह से हो जाती है, इसी टाइप की कुछ स्टोरी रहेगी इस मूवी के अंदर। आई होप आपको जानकारी मिल चुकी है क्या कैसे इस मूवी की स्टोरी रहने वाली है। तो इस टाइप से आप इस मूवी को देख सकते हैं और उस टाइप से काफ़ी
बेहद आपको मूवी पसंद आने वाली है। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा क्यों एक्साइटेड हैं एंड आप किस वजह से देखना चाहते हैं, और यही कुछ स्टोरी इस मूवी की रहने वाली है जो कि आपको काफ़ी पसंद आ सकती है। तो वैसे मैं आपकी क्या राय इस मूवी के बारे में आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आने वाले दिनों में हम आपके लिए वैसे बहुत सारी अपडेट्स लाते रहते हैं, कुछ अपकमिंग अपडेट्स के साथ मिलेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में तो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइज आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गुंडे मूवी के बारे में। अगर आप भी दोस्तों गुंडे मूवी को हिंदी भाषा में देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि कैसे क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गुंडे मूवी को लेकर कि कैसे क्या आप इस मूवी को देख सकते हैं, जानेंगे कुछ रिव्यू इस मूवी को लेकर। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें गुंडे मूवी के बारे में, तो साल 2014 की काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर मूवी है जो कि दोस्तों आपके लिए देखने को मिली थी। काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी नाम किए थे इस मूवी ने, काफ़ी ठीक ठाक सी चल गई थी उस टाइम पर। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो ये जो मूवी है रिलीज़ हुई थी 14 फरवरी 2000 को, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को डायरेक्ट किया अली अब्बास जफर ने, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था एसराज फिल्म द्वारा, यानी कि इस मूवी को एसराज फिल्म द्वारा जो बैनर तले बनाया गया है। और उसके साथ साथ इस मूवी के अगर बजट के लेकर बात कर लें तो लगभग बजट 51 करोड़ के आसपास तक का था उस टाइम पर, और इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है आज के टाइम तक का, जो मतलब उसी टाइम पर 130 से 131 करोड़ तक का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है हो रखा है इस मूवी का, तो काफ़ी ठीक ठाक से मूवी चल गई थी। ऐसे में रेटिंग को लेकर बात करें तो 2.7 out of 10 की IMDb को कुछ रेटिंग है इस मूवी को मिली है। रेटिंग के मामले में बहुत ही पीछे है ये मूवी। अगर बात कर लें कुछ 63% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया, यानी पसंद किया है, और ऐसे में ये मूवी की कहानी है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। मूवी की कास्ट की अगर बात करें तो मैन लीड एक्टर्स में आपको रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान, सौरभ शुक्ला, दीपराज राणा, ऐसे बहुत से जो करेक्टर्स हैं देखने को मिलेंगे आपको इस मूवी के अंदर, जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों रणवीर और यहाँ पर अर्जुन कपूर ने एक साथ परफॉर्मेंस करने वाले हैं, एक दोस्त के रूप में निभाने वाले हैं इस मूवी के अंदर, वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो गाइज आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कोई ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो मूवी है अनऑफिशियली कई तरीके से अवेलेबल है, बाकी ऑफिशियली तरीके से आप इसको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ताज्जुब ये होता है कि यशराज जैसे बैनर के द्वारा बनी फिल्म, जो कि हमारे डायरेक्टर साहब है अली अब्बास ने काफ़ी फिल्में दी हैं, जैसे कि दोस्तों अगर वर्षों में फिल्मों का जमाया जाए तो जैसे काफ़ी चालू मसालों के परोसकर ऐसी फिल्म जो बनाई है जो कि काफ़ी शौकीनों और टाइम पास के लिए थिएटर में काफ़ी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों यशराज बैनर के सुप्रीमो आदित्य चोपड़ा ने पहली फिल्म जो कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पूरी करने के बाद शोले जैसी भव्य फिल्में बनाने की ख्वाहिश जताई थी। लंबे अरसे के बाद आदित्य बेशक शोले नहीं बना पाए, लेकिन उनके पास जब इस फिल्म के इस कहानीकार और डायरेक्टर ने दो वीरू और जय टाइप के दोस्तों से मिलती जुलती कहानी सुनाई तो आदित्य ने झट से उन्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, ग्रीन सिग्नल दिया। अब इससे जब इन्होंने गुंडे बनकर तैयार की, इस मूवी का नाम गुंडे रखा, तो इन दोनों को किरदार को चंद पहलू, ट्रेन डकैती, सिक्का उछालना आदि के अलावा इनमें एक दोस्त वाला की इमेज कहीं ना कहीं एग्री एगमैन की इमेज में प्रभावित लगती है। वहीं दोस्तों अच्छी शुरुआत के बाद कहानी को आगे खिसकाने के लिए डायरेक्टर ने हमारे कैवरे डांसर नजीता से इनकी लंबी मुलाकातें और इंटरवल के बाद काफ़ी अचानक से बरसों पहले रिलीज हुई मूवी जो कि कोयला और काला पत्थर की झलक भी नजर आती है इस मूवी के अंदर। ताज्जुब है दोस्तों, वैलेंटाइंस डे के दिन बॉलीवुड की ओर से किसी लव स्टोरी ने पर्दे पर दस्तक नहीं दी, गुंडे जरूर इस दिन मूवी रिलीज हो गई थी। और कहानी के 70 के दशक में दोस्तों जब लंबे गृह युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर नए नए देश के बांग्लादेश का जन्म होने के साथ इस फिल्म की कहानी शुरू होती है। इसी दौरान यहाँ कहीं वाला जो कि हमारे अर्जुन कपूर है और यहाँ पर विक्रम जो कि रणवीर सिंह है का जन्म हुआ है। इन दोनों ने दोस्तों इस गृह युद्ध के दौरान वहाँ हुए खून खराबे और हिंसा के तांडव को बहुत नजदीक से देखा है। 12 से 13 साल की उम्र में दोनों कोलकाता आते हैं और कोयले की चोरी के काम में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। हालात इन दोनों के दोस्तों अनाथों की दोस्ती की ऐसी डोर बांधते हैं जहां इनकी दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि एक जान तो दो जिस्म। बाला कुछ ऐसा गुस्सेल है
जो कि अक्सर छोटी सी बात पर भी अपना आपा खो बैठता है। कोलकाता में आने के बाद इन्हें एहसास होता है कि इस शहर में अपना वजूद बनाने के लिए उन्हें हर काम एकजुट होना पड़ेगा। बाला और विक्रम, विक्रम का बड़ा है, विक्रम कोई भी काम बिना सोचे समझे हाथ में नहीं लेता है। यही वजह है कि विक्रम गैर कानूनी धंधे में बारीकियों को बाखूबी जानता है। विक्रम की एक और खासियत है दोस्तों, जिस वह अपना समझता है उसके लिए कुछ भी करने का हरदम तैयार रहता है। बेशक बाला गुस्सैल है लेकिन दोस्तों बेहद वफादार है। बाला लात घूसों को मासा कुछ जानता है, ज़्यादा ही जानता है। कोलकाता में आए हुए इन्हें दोस्तों कई साल हो चुके हैं। इस बीच दोनों इस शहर के सबसे बड़े और नामी गुंडे बन चुके हैं। इस बीच एंट्री होती है कैफे कैमरा डांसर की और उसके बाद नाइट क्लब की ओपनिंग पर विक्रम और बाला पहली बार नंदिता को देखते हैं और उसकी खूबसूरती पर मर मिटते हैं। नंदिता की जो खूबसूरती का जादू बाला और विक्रम पर कुछ ज़्यादा ही चलता है और दोनों उसकी आंखों की ओर खींचे चले जाते हैं। नंदिता जो कि आने के बाद बाला और विक्रम की रूखी जिंदगी में रंगों की बाहर सी आ जाती है। हर काम एक साथ बांट कर करने वाले बाला और विक्रम के बाहर नंदिता एक साथ मर मिटते हैं। हालात उस वक्त बदलते हैं जब नंदिता 7 दिन बाद इन दोनों में से किसी एक के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करती है। इस बीच SP सत्यजीत सरकार जो कि हमारे इरफान खान की एंट्री होती है इस मूवी के अंदर, जो हर गलत को सही करना जानते हैं, कानून तोड़ने वाले को कानून सबक सिखाना और सरकार के अच्छी तरह जानते हैं, बड़े से बड़े गुंडों को उससे अक्सर कानून पाठ पढ़ाया है। सरकार का दोस्तों दिमाग बहुत तेज चलता है, इन दोनों के जेल के सिकंजों के बीच पहुंचाने के लिए एक प्लान बनाता है। सरकार की शतरंजी चाल में उसके पास कई मोहरे हैं, विक्रम और बाला बेहद गरीब हैं। तो इस पूरी जानकारी के लिए आपको मूवी की तरफ जाना पड़ेगा और यही कुछ स्टोरी देखने को मिलेगी, क्या कैसे होता है, क्या कैसे दोस्ती में टकराव आता है जब यहाँ पर लव स्टोरी किसी एक की साइड हो जाती है। तो वो सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। एक्टिंग्स को लेकर बात करें तो दोस्तों विक्रम के जो किरदार में रणवीर सिंह ने काफ़ी अच्छे खासा रोल प्ले किया है। बेशक दोस्तों रणवीर का लुक और कुछ सीन्स उनकी डायलॉग्स डिलीवरी के थोड़ा बहुत पीछे कर सकते हैं, जो कि रामलीला की याद दिलाते हैं थोड़ी बहुत। बाकी दोस्तों आपको लो बता दूं, हर वक्त अलग अपनी दुनिया में रहने वाले गुस्सेल जो कि बाला, जो कि हमारे अर्जुन कपूर, अपनी ओर से काफ़ी अच्छा ऐसा बेहतरीन काम करते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी थोड़ी बहुत कमज़ोर नज़र आ सकती है इस मूवी के अंदर। प्रियंका इन दोनों के सामने जब भी नजर आई तो एक स्कूल टीचर के स्टाइल में इन्हें ज्ञान देती नजर आती है। बेशक नंदिता के रोल में दोस्तों प्रियंका फिट है लेकिन रणबीर और अर्जुन के सामने कुछ ज़्यादा सीनियर नजर आती हैं। SP सरकार के रोल में इरफान खान ने प्रभावित किया लेकिन उनका किरदार कुछ ऐसे कमजोर ढंग से लिखा गया कि इरफान जैसा मांझा हुआ कलाकार भी तरह जान नहीं डाल पाया। सौरभ शुक्ला अपने किरदार में खूब जमे हैं, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अली अब्बास जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले ही काफ़ी अच्छा खासा काम शुरू करना चाहते थे। इंटरवल से पहले जो कहानी है थोड़ी अखरता है लेकिन इंटरवल के बाद काफ़ी क्लाइमैक्स बढ़ जाता है, काफ़ी मूवी है थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है। बाला और विक्रम की दोस्ती में दरार को अब्बास ने काफ़ी ढंग से पेश किया, काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखा है। आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए दोस्तों, आपको इसमें 70 और 80 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर बिकाऊ लगभग सभी मसाले मौजूद हैं, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सब एक मूवी की कह लें पुरानी मूवीज़ की सब कुछ मिक्सर एक टाइप से गुंडे मूवी में दिखाने की कोशिश की और काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। हालाँकि अगर बात कर लें, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिशियली रूप से आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, तो Amazon प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर बात करें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में तो गाइस इसका पहले ही बहुत ज़्यादा पहले ही प्रीमियर हो चुका है, जो कि हमें मैक्स टेलीविजन पर आए दिन ये मूवी देखने को मिलती रहती है और सोनीमा वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है। तो इस टाइप से जो मूवी है काफ़ी जगह से हो जाती है, इसी टाइप की कुछ स्टोरी रहेगी इस मूवी के अंदर। आई होप आपको जानकारी मिल चुकी है क्या कैसे इस मूवी की स्टोरी रहने वाली है। तो इस टाइप से आप इस मूवी को देख सकते हैं और उस टाइप से काफ़ी बेहद आपको मूवी पसंद आने वाली है। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा क्यों एक्साइटेड हैं एंड आप किस वजह से देखना चाहते हैं, और यही कुछ स्टोरी इस मूवी की रहने वाली है जो कि आपको काफ़ी पसंद आ सकती है। तो वैसे मैं आपकी क्या राय इस मूवी के बारे में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आने वाले दिनों में हम आपके लिए वैसे बहुत सारी अपडेट्स लाते रहते हैं, कुछ अपकमिंग अपडेट्स के साथ मिलेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में तो क्या हाल चल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइज आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गुंडे मूवी के बारे में। अगर आप भी दोस्तों गुंडे मूवी को हिंदी भाषा में देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि कैसे क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गुंडे मूवी को लेकर कि कैसे क्या आप इस मूवी को देख सकते हैं, जानेंगे कुछ रिव्यू इस मूवी को लेकर। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें गुंडे मूवी के बारे में तो साल 2014 की काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर मूवी है, जो कि दोस्तों आपके लिए देखने को मिली थी। काफ़ी अच्छे खासे रिकॉर्ड्स भी नाम किए थे इस मूवी ने, काफ़ी ठीक ठाक सी चल गई थी उस टाइम पे। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो ये जो मूवी है रिलीज़ हुई थी 14 फरवरी 2000 कुछ को
एंड उसके साथ साथ इस मूवी को डायरेक्ट किया अली अब्बास जफर ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था एसराज फिल्म द्वारा, यानी कि इस मूवी को एसराज फिल्म द्वारा जो बैनर तले बनाया गया है। और उसके साथ साथ इस मूवी के अगर बजट के लेकर बात कर लें तो लगभग बजट 51 करोड़ के आसपास तक का था उस टाइम पे। और इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है आज के टाइम तक का, जो मतलब उसी टाइम पे 130 से 131 करोड़ तक का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है हो रखा है इस मूवी का, तो काफ़ी ठीक ठाक से मूवी चल गई थी। ऐसे में रेटिंग को लेकर बात करें तो 2.7 out of 10 की IMDb को कुछ रेटिंग है इस मूवी को मिली है। रेटिंग के मामले में बहुत ही पीछे है ये मूवी। अगर बात कर लें कुछ 63% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया यानी पसंद किया है। और ऐसे में ये मूवी की कहानी है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। मूवी की कास्ट की अगर बात करें तो मैन लीड एक्टर्स में आपको रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान, सौरभ शुक्ला, दीपराज राणा, ऐसे बहुत से जो करेक्टर्स हैं देखने को मिलेंगे आपको इस मूवी के अंदर, जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों रणबीर और यहाँ पर अर्जुन कपूर ने एक साथ परफॉर्मेंस करने वाले हैं, एक दोस्त के रूप में निभाने वाले हैं इस मूवी के अंदर, वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि बात कर लें इस मूवी के बारे में तो गाइज आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कोई ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो मूवी है अनऑफिशियली कई तरीके से अवेलेबल है, बाकी ऑफिशियली तरीके से आप इसको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, तो इस टाइप से आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ताज्जुब ये होता है कि यसराज जैसे बैनर के द्वारा बनी फिल्म, जो कि हमारे डायरेक्टर साहब है अली अब्बास ने काफ़ी फिल्में दी हैं, जैसे कि दोस्तों अगर वर्षों में फिल्मों का जमाया जाए तो जैसे काफ़ी चालू मसालों के परोसकर ऐसी फिल्म जो बनाई है जो कि काफ़ी शौकीनों और टाइम पास के लिए थिएटर में काफ़ी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों यसराज बैनर के सुप्रीमो आदित्य चोपड़ा ने पहली फिल्म जो कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पूरी करने के बाद शोले जैसी भव्य फिल्में बनाने की ख्वाहिश जताई थी। लंबे अरसे के बाद आदित्य बेशक शोले नहीं बना पाए, लेकिन उनके पास जब इस फिल्म के इस कहानीकार और डायरेक्टर ने दो वीरू और जय टाइप के दोस्तों से मिलती जुलती कहानी सुनाई तो आदित्य ने झट से उन्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, ग्रीन सिग्नल दिया। अब इससे जब इन्होंने गुंडे बनकर तैयार की, इस मूवी का नाम गुंडे रखा, तो इन दोनों को किरदार को चंद पहलू, ट्रेन डकैती, सिक्का उछालना आदि के अलावा इनमें एक दोस्त वाला की इमेज कहीं ना कहीं एग्री एगमैन की इमेज में प्रभावित लगती है। वहीं दोस्तों अच्छी शुरुआत के बाद कहानी को आगे खिसकाने के लिए डायरेक्टर ने हमारे कैवे डांसर नजीता से इनकी लंबी मुलाकातें और इंटरवल के बाद काफ़ी अचानक से बरसों पहले रिलीज हुई मूवी जो कि कोयला और काला पत्थर की झलक भी नजर आती है इस मूवी के अंदर। ताज्जुब है दोस्तों वैलेंटाइंस डे के दिन बॉलीवुड की ओर से किसी लव स्टोरी ने पर्दे पर दस्तक नहीं दी, गुंडे जरूर इस दिन मूवी रिलीज हो गई थी। और कहानी के 70 के दशक में दोस्तों जब लंबे गृह युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर नए नए देश के बांग्लादेश का जन्म होने के साथ इस फिल्म की कहानी शुरू होती है। इसी दौरान यहाँ कहीं वाला जो कि हमारे अर्जुन कपूर है और यहाँ पर विक्रम जो कि रणवीर सिंह है का जन्म हुआ है। इन दोनों ने दोस्तों इस गृह युद्ध के दौरान वहाँ हुए खून खराबे और हिंसा के तांडव को बहुत नज़दीक से देखा है। 12 से 13 साल की उम्र में दोनों कोलकाता आते हैं और कोयले की चोरी के काम में जुड़ जाते हैं, ठीक है, ये मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। हालात इन दोनों के दोस्तों अनाथों की दोस्ती की ऐसी डोर बांधते हैं जहां इनकी दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि एक जान तो दो जिस्म। बाला कुछ ऐसा गुस्सेल है जो कि अक्सर छोटी सी बात पर भी अपना आपा खो बैठता है। कोलकाता में आने के बाद इन्हें एहसास होता है कि इस शहर में अपना वजूद बनाने के लिए उन्हें हर काम एकजुट होना पड़ेगा। बाला और विक्रम, विक्रम का बड़ा है, विक्रम कोई भी काम बिना सोचे समझे हाथ में नहीं लेता है। यही वजह है कि विक्रम गैर कानूनी धंधे में बारीकियों को बाखूबी जानता है। विक्रम की एक और खासियत है दोस्तों, जिस वह अपना समझता है उसके लिए कुछ भी करने का हरदम तैयार रहता है। बेशक बाला गुस्सैल है लेकिन दोस्तों बेहद वफादार है। बाला लात घूसों को मासा कुछ जानता है, ज़्यादा ही जानता है। कोलकाता में आए हुए इन्हें दोस्तों कई साल हो चुके हैं। इस बीच दोनों इस शहर के सबसे बड़े और नामी गुंडे बन चुके हैं। इस बीच एंट्री होती है कैफे कैमरा डांसर की और उसके बाद नाइट क्लब की ओपनिंग पर विक्रम और बाला पहली बार नंदिता को देखते हैं और उसकी खूबसूरती पर मर मिटते हैं। नंदिता की जो खूबसूरती का जादू बाला और विक्रम पर कुछ ज़्यादा ही चलता है और दोनों उसकी आंखों की ओर खींचे चले जाते हैं। नंदिता जो कि आने के बाद बाला और विक्रम की रूखी जिंदगी में रंगों की बाहर सी आ जाती है। हर काम एक साथ बांटकर करने वाले बाला और विक्रम के बाहर नंदिता एक साथ मर मिटते हैं। हालात उस वक्त बदलते हैं जब नंदिता 7 दिन बाद इन दोनों में से किसी एक के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करती है। इस बीच SP सत्यजीत सरकार जो कि हमारे इरफान खान की एंट्री होती है इस मूवी के अंदर, जो हर गलत को सही करना जानते हैं,
कानून तोड़ने वाले को कानून सबक सिखाना और सरकार के अच्छी तरह जानता है। बड़े से बड़े गुंडों को उससे अक्सर कानून पाठ पढ़ाया है। सरकार का दोस्तों दिमाग बहुत तेज चलता है। इन दोनों के जेल के सिकंजों के बीच पहुंचाने के लिए एक प्लान बनाता है। सरकार की शतरंजी चाल में उसके पास कई मोहरे हैं। विक्रम और बाला बेहद गरीब हैं। तो इस पूरी जानकारी के लिए आपको मूवी की तरफ जाना पड़ेगा और यही कुछ स्टोरी देखने को मिलेगी। क्या कैसे होता है, क्या कैसे दोस्ती में टकराव आता है जब यहाँ पर लव स्टोरी किसी एक की साइड हो जाती है, तो वो सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। एक्टिंग्स को लेकर बात करें तो दोस्तों विक्रम के जो किरदार में रणवीर सिंह ने काफ़ी अच्छे खासा रोल प्ले किया है। बेशक दोस्तों रणवीर का लुक और कुछ सीन्स उनकी डायलॉग्स डिलीवरी के थोड़ा बहुत पीछे कर सकते हैं, जो कि रामलीला की याद दिलाते हैं थोड़ी बहुत। बाकी दोस्तों आपको बता दूं, हर वक्त अलग अपनी दुनिया में रहने वाले गुस्सेल जो कि बाला, जो कि हमारे अर्जुन कपूर, अपनी ओर से काफ़ी अच्छा ऐसा बेहतरीन काम करते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी थोड़ी बहुत कमज़ोर नज़र आ सकती है इस मूवी के अंदर। प्रियंका इन दोनों के सामने जब भी नजर आई तो एक स्कूल टीचर के स्टाइल में इन्हें ज्ञान देती नज़र आती है। बेशक नैनीता के रोल में दोस्तों प्रियंका फिट है, लेकिन रणवीर और अर्जुन के सामने कुछ ज़्यादा सीनियर नज़र आती हैं। एसपी सरकार के रोल में इरफान खान ने प्रभावित किया है, लेकिन उनका किरदार कुछ ऐसे कमज़ोर ढंग से लिखा गया है कि इरफान जैसा मांझा हुआ कलाकार भी तरह जान नहीं डाल पाया। सौरभ शुक्ला अपने किरदार में खूब जमे हैं, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अली अब्बास जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले ही काफ़ी अच्छा खासा काम शुरू करना चाहते थे। इंटरवल से पहले जो कहानी है थोड़ी अकड़ता है, लेकिन इंटरवल के बाद काफ़ी क्लाइमैक्स बढ़ जाता है। काफ़ी मूवी है, थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है। बाला और विक्रम की दोस्ती में दरार को अब्बास ने काफ़ी ढंग से पेश किया, काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखा है। आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए दोस्तों, आपको इसमें 70 और 80 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर बिकाऊ लगभग सभी मसाले मौजूद हैं, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सब एक मूवी की कह लें, पुरानी मूवीज़ की सब कुछ मिक्सर एक टाइप से गुंडे मूवी में दिखाने की कोशिश की और काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। हालांकि अगर बात कर लें, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिशियली रूप से आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर बात करें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में, तो गाइस इसका पहले ही बहुत ज़्यादा पहले ही प्रीमियर हो चुका है, जो कि हमें मैक्स टेलीविजन पर आए दिन ये मूवी देखने को मिलती रहती है और सोनी बाबा वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है। तो इस टाइप से जो मूवी है काफ़ी जगह से हो जाती है, इसी टाइप की कुछ स्टोरी रहेगी इस मूवी के अंदर। आई होप आपको जानकारी मिल चुकी है क्या कैसे इस मूवी की स्टोरी रहने वाली है। तो इस टाइप से आप इस मूवी को देख सकते हैं और इस टाइप से काफ़ी बेहद आपको मूवी पसंद आने वाली है। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा क्यों एक्साइटेड हैं एंड आप किस वजह से देखना चाहते हैं, और यही कुछ स्टोरी इस मूवी की रहने वाली है जो कि आपको काफ़ी पसंद आ सकती है। तो वैसे मैं आपकी क्या राय इस मूवी के बारे में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आने वाले दिनों में हम आपके लिए वैसे बहुत सारी अपडेट्स लाते रहते हैं, कुछ अपकमिंग अपडेट्स के साथ मिलेंगे। फिलहाल क्या इस वीडियो में तो क्या हाल चल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइज आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गुंडे मूवी के बारे में। अगर आप भी दोस्तों गुंडे मूवी को हिंदी भाषा में देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि कैसे क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गुंडे मूवी को लेकर कि कैसे क्या आप इस मूवी को देख सकते हैं, जानेंगे कुछ रिव्यू इस मूवी को लेकर। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें गुंडे मूवी के बारे में, तो साल 2014 की काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर मूवी है, जो कि दोस्तों आपके लिए देखने को मिली थी। काफ़ी अच्छे खासे रिकॉर्ड्स भी नाम किए थे इस मूवी ने, काफ़ी ठीक ठाक से चल गई थी उस टाइम पर। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो ये जो मूवी है रिलीज़ हुई थी 14 फरवरी 2000 को, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को डायरेक्ट किया अली अब्बास जफर ने, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था एसराज फिल्म द्वारा, यानी कि इस मूवी को एसराज फिल्म द्वारा जो बैनर तले बनाया गया है। और उसके साथ साथ इस मूवी के अगर बजट के लेकर बात कर लें, तो लगभग बजट 51 करोड़ के आसपास तक का था उस टाइम पर। और इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है आज के टाइम तक का, जो मतलब उसी टाइम पर 130 से 131 करोड़ तक का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है हो रखा है इस मूवी का, तो काफ़ी ठीक ठाक से मूवी चल गई थी। ऐसे में रेटिंग को लेकर बात करें तो 2.7 out of 10 की IMDb को कुछ रेटिंग है इस मूवी को मिली है। रेटिंग के मामले में बहुत ही पीछे है ये मूवी। अगर बात कर लें कुछ 63% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया यानी पसंद किया है, और ऐसे में ये मूवी की कहानी है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। मूवी की कास्ट की अगर बात करें, तो मैन लीड एक्टर्स में आपको रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान, सौरभ शुक्ला, दीपराज राणा, ऐसे बहुत से जो करेक्टर्स हैं देखने को मिलेंगे आपको इस मूवी के अंदर, जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। यहीं पर दोस्तों रणवीर और यहाँ पर अर्जुन कपूर ने एक साथ परफॉर्मेंस करने वाले हैं, एक दोस्त के रूप में निभाने वाले हैं इस मूवी के अंदर, वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं।
हालांकि बात कर ले इस मूवी के बारे में तो गाइज आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कोई ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो मूवी है अनऑफिशियली कई तरीके से अवेलेबल है, बाकी ऑफिशियली तरीके से आप इसको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ताज्जुब यह होता है कि यशराज जैसे बैनर के द्वारा बनी फिल्म, जो कि हमारे डायरेक्टर साहब है अली अब्बास ने काफ़ी फिल्में दी हैं, जैसे कि दोस्तों अगर वर्षों में फिल्मों का जमाया जाए तो जैसे काफ़ी चालू मसालों के परोसकर ऐसी फिल्म जो बनाई है जो कि काफ़ी शौकीनों और टाइम पास के लिए थिएटर में काफ़ी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों यशराज बैनर के सुप्रीमो आदित्य चोपड़ा ने पहली फिल्म जो कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पूरी करने के बाद शोले जैसी भव्य फिल्में बनाने की ख्वाहिश जताई थी। लंबे अरसे के बाद आदित्य बेशक शोले नहीं बना पाए, लेकिन उनके पास जब इस फिल्म के इस कहानीकार और डायरेक्टर ने दो वीरू और जय टाइप के दोस्तों से मिलती जुलती कहानी सुनाई तो आदित्य ने झट से उन्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, ग्रीन सिग्नल दिया। अब इससे जब इन्होंने गुंडे बनकर तैयार की, इस मूवी का नाम गुंडे रखा, तो इन दोनों को किरदार को चंद पहलू, ट्रेन डकैती, सिक्का उछालना आदि के अलावा इनमें एक दोस्त वाला की इमेज कहीं ना कहीं एग्री यंगमैन की इमेज में प्रभावित लगती है। वहीं दोस्तों अच्छी शुरुआत के बाद कहानी को आगे खिसकाने के लिए डायरेक्टर ने हमारे कैवे डांसर नजीता से इनकी लंबी मुलाकातें और इंटरवल के बाद काफ़ी अचानक से बरसों पहले रिलीज हुई मूवी जो कि कोयला और काला पत्थर की झलक भी नजर आती है इस मूवी के अंदर। ताज्जुब है दोस्तों वैलेंटाइंस डे के दिन बॉलीवुड की ओर से किसी लव स्टोरी ने पर्दे पर दस्तक नहीं दी, गुंडे जरूर इस दिन मूवी रिलीज हो गई थी। और कहानी के 70 के दशक में दोस्तों जब लंबे गृह युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर नए नए देश के बांग्लादेश का जन्म होने के साथ इस फिल्म की कहानी शुरू होती है। इसी दौरान यहाँ कहीं वाला जो कि हमारे अर्जुन कपूर है और यहाँ पर विक्रम जो कि रणवीर सिंह है का जन्म हुआ है। इन दोनों ने दोस्तों इस गृह युद्ध के दौरान वहाँ हुए खून खराबे और हिंसा के तांडव को बहुत नजदीक से देखा है। 12 से 13 साल की उम्र में दोनों कोलकाता आते हैं और कोयले की चोरी के काम में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। हालात इन दोनों के दोस्तों अनाथों की दोस्ती की ऐसी डोर बांधते हैं जहां इनकी दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि एक जान तो दो जिस्म। बाला कुछ ऐसा गुस्सेल है जो कि अक्सर छोटी सी बात पर भी अपना आपा खो बैठता है। कोलकाता में आने के बाद इन्हें एहसास होता है कि इस शहर में अपना वजूद बनाने के लिए उन्हें हर काम एकजुट होना पड़ेगा। बाला और विक्रम, विक्रम का बड़ा है, विक्रम कोई भी काम बिना सोचे समझे हाथ में नहीं लेता है। यही वजह है कि विक्रम गैर कानूनी धंधे में बारीकियों को बाखूबी जानता है। विक्रम की एक और खासियत है दोस्तों, जिस वह अपना समझता है उसके लिए कुछ भी करने का हरदम तैयार रहता है। बेशक बाला गुस्सैल है लेकिन दोस्तों बेहद वफादार है। बाला लात घूसों को मासा कुछ जानता ज़्यादा ही जानता है। कोलकाता में आए हुए इन्हें दोस्तों कई साल हो चुके हैं। इस बीच दोनों इस शहर के सबसे बड़े और नामी गुंडे बन चुके हैं। इस बीच एंट्री होती है कैमरा डांसर की और उसके बाद नाइट क्लब की ओपनिंग पर विक्रम और बाला पहली बार नंदिता को देखते हैं और उसकी खूबसूरती पर मर मिटते हैं। नंदिता की जो खूबसूरती का जादू बाला और विक्रम पर कुछ ज़्यादा ही चलता है और दोनों उसकी आंखों की ओर खींचे चले जाते हैं। नंदिता जो कि आने के बाद बाला और विक्रम की रूखी जिंदगी में रंगों की बाहर सी आ जाती है। हर काम एक साथ बांट कर करने वाले बाला और विक्रम के बाहर नंदिता एक साथ मर मिटते हैं। हालात तो उस वक्त बदलते हैं जब नंदिता 7 दिन बाद इन दोनों में से किसी एक के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करती है। इस बीच SP सत्यजीत सरकार जो कि हमारे इरफान खान की एंट्री होती है इस मूवी के अंदर, जो हर गलत को सही करना जानते हैं, कानून तोड़ने वाले को कानून सबक सिखाना और सरकार के अच्छी तरह जानता है, बड़े से बड़े गुंडों को उससे अक्सर कानून पाठ पढ़ाया है। सरकार का दोस्तों दिमाग बहुत तेज चलता है, इन दोनों के जेल के सिकंजों के बीच पहुंचाने के लिए एक प्लान बनाता है। सरकार की शतरंजी चाल में उसके पास कई मोहरे हैं, विक्रम और बाला बेहद गरीब हैं। तो इस पूरी जानकारी के लिए आपको मूवी की तरफ जाना पड़ेगा और यही कुछ स्टोरी देखने को मिलेगी, क्या कैसे होता है, क्या कैसे दोस्ती में टकराव आता है जब यहाँ पर लव स्टोरी किसी एक की साइड हो जाती है। तो वो सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। एक्टिंग्स को लेकर बात करें तो दोस्तों विक्रम के जो किरदार में रणवीर सिंह ने काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले किया है। बेशक दोस्तों रणवीर का लुक और कुछ सीन्स उनकी डायलॉग्स डिलीवरी के थोड़ा बहुत पीछे कर सकते हैं जो कि रामलीला की याद दिलाते हैं थोड़ी बहुत। बाकी दोस्तों आपको बता दूँ हर वक्त अलग अपनी दुनिया में रहने वाले गुस्सेल जो कि बाला जो कि हमारे अर्जुन कपूर अपनी ओर से काफ़ी अच्छा खासा बेहतरीन काम करते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी थोड़ी बहुत कमज़ोर नज़र आ सकती है इस मूवी के अंदर। प्रियंका इन दोनों के सामने जब भी नजर आई तो एक स्कूल टीचर के स्टाइल में इन्हें ज्ञान देती नजर आती है। बेशक नंदिता के रोल में दोस्तों प्रियंका फिट है लेकिन रणवीर और अर्जुन के सामने कुछ ज़्यादा सीनियर नजर आती हैं। SP सरकार के रोल में इरफान खान ने प्रभावित किया है लेकिन उनका किरदार कुछ ऐसे कमजोर ढंग से लिखा गया है कि इरफान जैसा मांझा हुआ कलाकार भी तरह जान नहीं डाल पाया। सौरभ शुक्ला अपने किरदार में खूब जमे हैं, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अली अब्बास जो कि हमारे डायरेक्टर हैं इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले ही काफ़ी अच्छा खासा काम शुरू करना चाहते थे,
इंटरवल से पहले जो कहानी है थोड़ी अकड़ता है, लेकिन इंटरवल के बाद काफ़ी क्लाइमैक्स बढ़ जाता है, काफ़ी मूवी है थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है। बाला और विक्रम की दोस्ती में दरार को अब्बास ने काफ़ी ढंग से पेश किया, काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखा है। आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए दोस्तों, आपको इसमें 70 और 80 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर बिकाऊ लगभग सभी मसाले मौजूद हैं, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सब एक मूवी की कह लें पुरानी मूवीज़ की सब कुछ मिक्सर एक टाइप से गुंडे मूवी में दिखाने की कोशिश की और काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। हालांकि अगर बात कर लें, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिशियली रूप से आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर बात करें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में, तो गाइस इसका पहले ही बहुत ज़्यादा पहले ही प्रीमियर हो चुका है, जो कि हमें मैक्स टेलीविजन पर आए दिन ये मूवी देखने को मिलती रहती है और सोनीमा वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है। तो इस टाइप से जो मूवी है काफ़ी जगह से हो जाती है, इसी टाइप की कुछ स्टोरी रहेगी इस मूवी के अंदर। आई होप आपको जानकारी मिल चुकी है क्या कैसे इस मूवी की स्टोरी रहने वाली है। तो इस टाइप से आप इस मूवी को देख सकते हैं और इस टाइप से काफ़ी बेहद आपको मूवी पसंद आने वाली है। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा क्यों एक्साइटेड हैं एंड आप किस वजह से देखना चाहते हैं, और यही कुछ स्टोरी इस मूवी की रहने वाली है जो कि आपको काफ़ी पसंद आ सकती है। तो वैसे मैं आपकी क्या राय इस मूवी के बारे में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आने वाले दिनों में हम आपके लिए वैसे बहुत सारी अपडेट्स लाते रहते हैं, कुछ अपकमिंग अपडेट्स के साथ मिलेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में तो क्या चल दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। गाइज आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गुंडे मूवी के बारे में। अगर आप भी दोस्तों गुंडे मूवी को हिंदी भाषा में देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि कैसे क्या, आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं। सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गुंडे मूवी को लेकर कि कैसे क्या आप इस मूवी को देख सकते हैं, जानेंगे कुछ रिव्यू इस मूवी को लेकर। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें गुंडे मूवी के बारे में, तो साल 2014 की काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर मूवी है, जो कि दोस्तों आपके लिए देखने को मिली थी। काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी नाम किए थे इस मूवी ने, काफ़ी ठीक ठाक सी चल गई थी उस टाइम पर। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो ये जो मूवी है रिलीज़ हुई थी 14 फरवरी 2000 को, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को डायरेक्ट किया अली अब्बास जफर ने, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था एसराज फिल्म द्वारा, यानी कि इस मूवी को एसराज फिल्म द्वारा जो बैनर तले बनाया गया है। और उसके साथ साथ इस मूवी के अगर बजट के लेकर बात कर लें, तो लगभग बजट 51 करोड़ के आसपास तक का था उस टाइम पर, और इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है आज के टाइम तक का, जो मतलब उसी टाइम पर 130 से 131 करोड़ तक का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है हो रखा है इस मूवी का, तो काफ़ी ठीक ठाक से मूवी चल गई थी। ऐसे में रेटिंग को लेकर बात करें, तो 2.7 out of 10 की IMDb को कुछ रेटिंग है इस मूवी को मिली है। रेटिंग के मामले में बहुत ही पीछे है ये मूवी। अगर बात करें कुछ 63% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया यानी पसंद किया है, और ऐसे में ये मूवी की कहानी है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं, तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। मूवी की कास्ट की अगर बात करें, तो मैन लीड एक्टर्स में आपको रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान, सौरभ शुक्ला, दीपराज राणा, ऐसे बहुत से जो करेक्टर्स हैं देखने को मिलेंगे आपको इस मूवी के अंदर, जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों रणवीर और यहाँ पर अर्जुन कपूर ने एक साथ परफॉर्मेंस करने वाले हैं, एक दोस्त के रूप में निभाने वाले हैं इस मूवी के अंदर, वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो गाइज आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कोई ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो मूवी है अनऑफिशियली कई तरीके से अवेलेबल है, बाकी ऑफिशियली तरीके से आप इसको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ताज्जुब ये होता है कि यसराज जैसे बैनर के द्वारा बनी फिल्म, जो कि हमारे डायरेक्टर साहब है अली अब्बास ने काफ़ी फिल्में दी हैं, जैसे कि दोस्तों अगर वर्षों में फिल्मों का जमाया जाए, तो जैसे काफ़ी चालों मसालों के परोसकर ऐसी फिल्म जो बनाई है, जो कि काफ़ी शौकीनों और टाइम पास के लिए थिएटर में काफ़ी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों यसराज बैनर के सुप्रीमो आदित्य चोपड़ा ने पहली फिल्म जो कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पूरी करने के बाद शोले जैसी भव्य फिल्में बनाने की ख्वाहिश जताई थी। लंबे अरसे के बाद आदित्य बेशक शोले नहीं बना पाए, लेकिन उनके पास जब इस फिल्म के इस कहानीकार और डायरेक्टर ने दो वीरू और जय टाइप के दोस्तों से मिलती जुलती कहानी सुनाई, तो आदित्य ने झट से उन्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, ग्रीन सिग्नल दिया। अब इससे जब इन्होंने गुंडे बनकर तैयार की, जिस मूवी का नाम गुंडे रखा, तो इन दोनों को किरदार को चंद पहलू
ट्रेन डकैती, सिक्का उछालना आदि के अलावा इनमें एक दोस्त वाला की इमेज कहीं ना कहीं एग्री यंगमैन की इमेज में प्रभावित लगती है। वहीं दोस्तों अच्छी शुरुआत के बाद कहानी को आगे खिसकाने के लिए डायरेक्टर ने हमारे कैबरे डांसर नजिता से इनकी लंबी मुलाकात और इंटरवल के बाद काफ़ी अचानक से बरसों पहले रिलीज हुई मूवी जो कि कोयला और काला पत्थर की झलक भी नजर आती है इस मूवी के अंदर। ताज्जुब है दोस्तों वैलेंटाइंस डे के दिन बॉलीवुड की ओर से किसी लव स्टोरी ने पर्दे पर दस्तक नहीं दी। गुंडे जरूर इस दिन मूवी रिलीज हो गई थी और कहानी के 70 के दशक में दोस्तों जब लंबे गृह युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर नए नए देश के बांग्लादेश का जन्म होने के साथ इस फिल्म की कहानी शुरू होती है। इसी दौरान यहाँ कहीं बाला जो कि हमारे अर्जुन कपूर है और यहाँ पर विक्रम जो कि रणवीर सिंह है का जन्म हुआ है। इन दोनों ने दोस्तों इस गृह युद्ध के दौरान वहाँ हुए खून खराबे और हिंसा के तांडव को बहुत नजदीक से देखा है। 12 से 13 साल की उम्र में दोनों कोलकाता आते हैं और कोयले की चोरी के काम में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। हालात इन दोनों के दोस्तों अनाथों की दोस्ती की ऐसी डोर बांधते हैं जहाँ इनकी दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि एक जान तो दो जिस्म। बाला कुछ ऐसा गुस्सेल है जो कि अक्सर छोटी सी बात पर भी अपना आपा खो बैठता है। कोलकाता में आने के बाद इन्हें एहसास होता है कि इस शहर में अपना वजूद बनाने के लिए उन्हें हर काम एकजुट होना पड़ेगा। बाला और विक्रम, विक्रम का बड़ा है, विक्रम कोई भी काम बिना सोचे समझे हाथ में नहीं लेता है। यही वजह है कि विक्रम गैर कानूनी धंधे में बारीकियों को बाखूबी जानता है। विक्रम की एक और खासियत है दोस्तों, जिस वह अपना समझता है उसके लिए कुछ भी करने का हरदम तैयार रहता है। बेशक बाला गुस्सैल है लेकिन दोस्तों बेहद वफादार है। बाला लात घूसों को मासा कुछ जानता है, ज़्यादा ही जानता है। कोलकाता में आए हुए इन्हें दोस्तों कई साल हो चुके हैं। इस बीच दोनों इस शहर के सबसे बड़े और नामी गुंडे बन चुके हैं। इस बीच एंट्री होती है कैमरा डांसर की और उसके बाद नाइट क्लब की ओपनिंग पर विक्रम और बाला पहली बार नंदिता को देखते हैं और उसकी खूबसूरती पर मर मिटते हैं। नंदिता की जो खूबसूरती का जादू बाला और विक्रम पर कुछ ज़्यादा ही चलता है और दोनों उसकी आंखों की ओर खींचे चले जाते हैं। नंदिता जो कि आने के बाद बाला और विक्रम की रूखी जिंदगी में रंगों की बाहर सी आ जाती है। हर काम एक साथ बांट कर करने वाले बाला और विक्रम के बाहर नंदिता एक साथ मर मिटते हैं। हालात तो उस वक्त बदलते हैं जब नंदिता 7 दिन बाद इन दोनों में से किसी एक के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करती है। इस बीच SP सत्यजीत सरकार जो कि हमारे इरफान खान की एंट्री होती है इस मूवी के अंदर, जो हर गलत को सही करना जानते हैं, कानून तोड़ने वाले को कानून सबक सिखाना और सरकार के अच्छी तरह जानता है। बड़े से बड़े गुंडों को उससे अक्सर कानून पाठ पढ़ाया है। सरकार का दोस्तों दिमाग बहुत तेज चलता है। इन दिनों के जेल के सिकंजों के बीच पहुंचाने के लिए एक प्लान बनाता है। सरकार की शतरंजी चाल में उसके पास कई मोहरे हैं। विक्रम और बाला बेहद गरीब हैं। तो इस पूरी जानकारी के लिए आपको मूवी की तरफ जाना पड़ेगा और यही कुछ स्टोरी देखने को मिलेगी, क्या कैसे होता है, क्या कैसे दोस्ती में टकराव आता है जब यहाँ पर लव स्टोरी किसी एक की साइड हो जाती है। तो वो सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। एक्टिंग को लेकर बात करें दोस्तों, विक्रम के जो किरदार में रणवीर सिंह ने काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले किया है। बेशक दोस्तों रणवीर का लुक और कुछ सीन्स उनकी डायलॉग्स डिलीवरी के थोड़ा बहुत पीछे कर सकते हैं जो कि रामलीला की याद दिलाते हैं थोड़ी बहुत। बाकी दोस्तों आपको मैं बता दूं, हर वक्त अलग अपनी दुनिया में रहने वाले गुस्सेल जो कि बाला जो कि हमारे अर्जुन कपूर अपनी ओर से काफ़ी अच्छा खासा बेहतरीन काम करते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी थोड़ी बहुत कमज़ोर नज़र आ सकती है इस मूवी के अंदर। प्रियंका इन दोनों के सामने जब भी नजर आई तो एक स्कूल टीचर के स्टाइल में इन्हें ज्ञान देती नजर आती है। बेशक नंदिता के रोल में दोस्तों प्रियंका फिट है लेकिन रणबीर और अर्जुन के सामने कुछ ज़्यादा सीनियर नजर आती हैं। SP सरकार के रोल में इरफान खान ने प्रभावित किया है लेकिन उनका किरदार कुछ ऐसे कमजोर ढंग से लिखा गया है कि इरफान जैसा मांझा हुआ कलाकार भी तरह जान नहीं डाल पाया। सौरभ शुक्ला अपने किरदार में खूब जमे हैं, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अली अब्बास जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले ही काफ़ी अच्छा खासा काम शुरू करना चाहते थे। इंटरवल से पहले जो कहानी है थोड़ी अकड़ता है लेकिन इंटरवल के बाद काफ़ी क्लाइमैक्स बढ़ जाता है, काफ़ी मूवी है थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है। बाला और विक्रम की दोस्ती में दरार को अब्बास ने काफ़ी ढंग से पेश किया, काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखा है। आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए दोस्तों, आपको इसमें 70 और 80 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर बिकाऊ लगभग सभी मसाले मौजूद हैं, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सब एक मूवी की कह लें पुरानी मूवीज़ की सब कुछ मिक्सर एक टाइप से गुंडे मूवी में दिखाने की कोशिश की और काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। हालाँकि अगर बात कर लें, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिशियली रूप से आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, तो Amazon प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है अवेलेबल है वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर बात करें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में तो गाइस इसका पहले ही बहुत ज़्यादा पहले ही प्रीमियर हो चुका है जो कि हमें मैक्स टेलीविजन पर आए दिन ये मूवी देखने को मिलती रहती है और सोनीमा वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है। तो इस टाइप से जो मूवी है काफ़ी जगह से हो जाती है, इसी टाइप की कुछ स्टोरी रहेगी इस मूवी के अंदर। आई होप आपको जानकारी मिल चुकी है क्या कैसे इस मूवी की स्टोरी रहने वाली है। तो इस टाइप से आप इस मूवी को देख सकते हैं और उस टाइप से काफ़ी
काफ़ी बेहद आपको मूवी पसंद आने वाली है। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा क्यों एक्साइटेड हैं एंड आप किस वजह से देखना चाहते हैं, और यही कुछ स्टोरी इस मूवी की रहने वाली है जो कि आपको काफ़ी पसंद आ सकती है। तो वैसे मैं आपकी क्या राय इस मूवी के बारे में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आने वाले दिनों में हम आपके लिए वैसे बहुत सारी अपडेट्स लाते रहते हैं, कुछ अपकमिंग अपडेट्स के साथ मिलेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में तो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइज आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गुंडे मूवी के बारे में। अगर आप भी दोस्तों गुंडे मूवी को हिंदी भाषा में देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि कैसे क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गुंडे मूवी को लेकर कि कैसे क्या आप इस मूवी को देख सकते हैं, जानेंगे कुछ रिव्यू इस मूवी को लेकर। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें गुंडे मूवी के बारे में, तो साल 2014 की काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर मूवी है जो कि दोस्तों आपके लिए देखने को मिली थी। काफ़ी अच्छी खासी रिकॉर्ड्स भी नाम किए थे इस मूवी ने, काफ़ी ठीक ठाक सी चल गई थी उस टाइम पर। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो ये जो मूवी है रिलीज़ हुई थी 14 फरवरी 2000 को, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को डायरेक्ट किया अली अब्बास जफर ने, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था एसराज फिल्म द्वारा, यानी कि इस मूवी को एसराज फिल्म द्वारा जो बैनर तले बनाया गया है। और उसके साथ साथ इस मूवी के अगर बजट के लेकर बात कर लें तो लगभग बजट 51 करोड़ के आसपास तक का था उस टाइम पर, और इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है आज के टाइम तक का, जो मतलब उसी टाइम पर 130 से 131 करोड़ तक का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है हो रखा है इस मूवी का, तो काफ़ी ठीक ठाक से मूवी चल गई थी। ऐसे में रेटिंग को लेकर बात करें तो 2.7 out of 10 की IMDb को कुछ रेटिंग है इस मूवी को मिली है। रेटिंग के मामले में बहुत ही पीछे है ये मूवी। अगर बात कर लें कुछ 63% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया यानी पसंद किया है, और ऐसे में ये मूवी की कहानी है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। मूवी की कास्ट की अगर बात करें तो मैन लीड एक्टर्स में आपको रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान, सौरभ शुक्ला, दीपराज राणा, ऐसे बहुत से जो करेक्टर्स हैं देखने को मिलेंगे आपको इस मूवी के अंदर, जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों रणवीर और यहां पर अर्जुन कपूर ने एक साथ परफॉर्मेंस करने वाले हैं, एक दोस्त के रूप में निभाने वाले हैं इस मूवी के अंदर, वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो गाइज आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कोई ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो मूवी है अनऑफिशियली कई तरीके से अवेलेबल है, बाकी ऑफिशियली तरीके से आप इसको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ताज्जुब ये होता है कि यसराज जैसे बैनर के द्वारा बनी फिल्म, जो कि हमारे डायरेक्टर साहब है अली अब्बास ने काफ़ी फिल्में दी हैं, जैसे कि दोस्तों अगर वर्षों में फिल्मों का जमाया जाए तो जैसे काफ़ी चालों मसालों के परोसकर ऐसी फिल्म जो बनाई है जो कि काफ़ी शौकीनों और टाइम पास के लिए थिएटर में काफ़ी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों यसराज बैनर के सुप्रीमो आदित्य चोपड़ा ने पहली फिल्म जो कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पूरी करने के बाद शोले जैसी भव्य फिल्में बनाने की ख्वाहिश जताई थी। लंबे अरसे के बाद आदित्य बेशक शोले नहीं बना पाए, लेकिन उनके पास जब इस फिल्म के इस कहानीकार और डायरेक्टर ने दो वीरू और जय टाइप के दोस्तों से मिलती जुलती कहानी सुनाई तो आदित्य ने झट से उन्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, ग्रीन सिग्नल दिया। अब इससे जब इन्होंने गुंडे बनकर तैयार की, इस मूवी का नाम गुंडे रखा, तो इन दोनों को किरदार को चंद पहलू, ट्रेन डकैती, सिक्का उछालना आदि के अलावा इनमें एक दोस्त वाला की इमेज कहीं ना कहीं एग्री एगमैन की इमेज में प्रभावित लगती है। वहीं दोस्तों अच्छी शुरुआत के बाद कहानी को आगे खिसकाने के लिए डायरेक्टर ने हमारे कैबरे डांसर नजीता से इनकी लंबी मुलाकातें और इंटरवल के बाद काफ़ी अचानक से बरसों पहले रिलीज हुई मूवी जो कि कोयला और काला पत्थर की झलक भी नजर आती है इस मूवी के अंदर। ताज्जुब है दोस्तों, वैलेंटाइंस डे के दिन बॉलीवुड की ओर से किसी लव स्टोरी ने पर्दे पर दस्तक नहीं दी, गुंडे जरूर इस दिन मूवी रिलीज हो गई थी। और कहानी के 70 के दशक में दोस्तों जब लंबे गृह युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर नए नए देश के बांग्लादेश का जन्म होने के साथ इस फिल्म की कहानी शुरू होती है। इसी दौरान यहाँ कहीं वाला जो कि हमारे अर्जुन कपूर है और यहाँ पर विक्रम जो कि रणवीर सिंह है का जन्म हुआ है। इन दोनों ने दोस्तों इस गृह युद्ध के दौरान वहाँ हुए खून खराबे और हिंसा के तांडव को बहुत नज़दीक से देखा है। 12 से 13 साल की उम्र में दोनों कोलकाता आते हैं और कोयले की चोरी के काम में जुड़ जाते हैं, ठीक है, ये मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। हालात इन दोनों के दोस्तों अनाथों की दोस्ती की ऐसी डोर बांधते हैं जहां इनकी दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि एक जान तो दो जिस्म। बाला कुछ ऐसा गुस्सेल है
जो कि अक्सर छोटी सी बात पर भी अपना आपा खो बैठता है। कोलकाता में आने के बाद इन्हें एहसास होता है कि इस शहर में अपना वजूद बनाने के लिए उन्हें हर काम एकजुट होना पड़ेगा। बाला और विक्रम, विक्रम का बड़ा है, विक्रम कोई भी काम बिना सोचे समझे हाथ में नहीं लेता है। यही वजह है कि विक्रम गैर कानूनी धंधे में बारीकियों को बाखूबी जानता है। विक्रम की एक और खासियत है दोस्तों, जिस वह अपना समझता है उसके लिए कुछ भी करने का हरदम तैयार रहता है। बेशक बाला गुस्सैल है लेकिन दोस्तों बेहद वफादार है। बाला लात घूसों को मासा कुछ जानता है, ज़्यादा ही जानता है। कोलकाता में आए हुए इन्हें दोस्तों कई साल हो चुके हैं। इस बीच दोनों इस शहर के सबसे बड़े और नामी गुंडे बन चुके हैं। इस बीच एंट्री होती है कैफे कैमरा डांसर की और उसके बाद नाइट क्लब की ओपनिंग पर विक्रम और बाला पहली बार नंदिता को देखते हैं और उसकी खूबसूरती पर मर मिटते हैं। नंदिता की जो खूबसूरती का जादू बाला और विक्रम पर कुछ ज़्यादा ही चलता है और दोनों उसकी आंखों की ओर खींचे चले जाते हैं। नंदिता जो कि आने के बाद बाला और विक्रम की रूखी जिंदगी में रंगों की बाहर सी आ जाती है। हर काम एक साथ बांट कर करने वाले बाला और विक्रम के बाहर नंदिता एक साथ मर मिटते हैं। हालात उस वक्त बदलते हैं जब नंदिता 7 दिन बाद इन दोनों में से किसी एक के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करती है। इस बीच SP सत्यजीत सरकार जो कि हमारे इरफान खान की एंट्री होती है इस मूवी के अंदर, जो हर गलत को सही करना जानते हैं, कानून तोड़ने वाले को कानून सबक सिखाना और सरकार के अच्छी तरह जानता है, बड़े से बड़े गुंडों को उससे अक्सर कानून पाठ पढ़ाया है। सरकार का दोस्तों दिमाग बहुत तेज चलता है, इन दोनों के जेल के सिकंजों के बीच पहुंचाने के लिए एक प्लान बनाता है। सरकार की शतरंजी चाल में उसके पास कई मोहरे हैं। विक्रम और बाला बेहद गरीब हैं। तो इस पूरी जानकारी के लिए आपको मूवी की तरफ जाना पड़ेगा और यही कुछ स्टोरी देखने को मिलेगी, क्या कैसे होता है, क्या कैसे दोस्ती में टकराव आता है जब यहाँ पर लव स्टोरी किसी एक की साइड हो जाती है। तो वो सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। एक्टिंग को लेकर बात करें दोस्तों, विक्रम के जो किरदार में रणवीर सिंह ने काफी अच्छे खासा रोल प्ले किया है। बेशक दोस्तों रणवीर का लुक और कुछ सीन्स उनकी डायलॉग्स डिलीवरी के थोड़ा बहुत पीछे कर सकते हैं, जो कि रामलीला की याद दिलाते हैं थोड़ी बहुत। बाकी दोस्तों आपको मैं बता दूं, हर वक्त अलग अपनी दुनिया में रहने वाले गुस्सैल जो कि बाला, जो कि हमारे अर्जुन कपूर, अपनी ओर से काफ़ी अच्छा ऐसा बेहतरीन काम करते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी थोड़ी बहुत कमज़ोर नज़र आ सकती है इस मूवी के अंदर। प्रियंका इन दोनों के सामने जब भी नज़र आई तो एक स्कूल टीचर के स्टाइल में इन्हें ज्ञान देती नज़र आती है। बेशक नंदिता के रोल में दोस्तों प्रियंका फिट है लेकिन रणबीर और अर्जुन के सामने कुछ ज़्यादा सीनियर नज़र आती हैं। SP सरकार के रोल में इरफान खान ने प्रभावित किया है लेकिन उनका किरदार कुछ ऐसे कमज़ोर ढंग से लिखा गया है कि इरफान जैसा मांझा हुआ कलाकार भी तरह जान नहीं डाल पाया। सौरभ शुक्ला अपने किरदार में खूब जमे हैं, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अली अब्बास जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले ही काफ़ी अच्छा खासा काम शुरू करना चाहते थे। इंटरवल से पहले जो कहानी है थोड़ी अकड़ता है लेकिन इंटरवल के बाद काफ़ी क्लाइमैक्स बढ़ जाता है, काफ़ी मूवी है थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है। बाला और विक्रम की दोस्ती में दरार को अब्बास ने काफ़ी ढंग से पेश किया, काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखा है। आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए दोस्तों, आपको इसमें 70 और 80 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर बिकाऊ लगभग सभी मसाले मौजूद हैं, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सब एक मूवी की कह लें पुरानी मूवीज़ की सब कुछ मिक्सर एक टाइप से गुंडे मूवी में दिखाने की कोशिश की और काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। हालाँकि अगर बात कर लें, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिशियली रूप से आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, तो Amazon प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है अवेलेबल है वहां पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर बात करें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में तो गाइस इसका पहले ही बहुत ज्यादा पहले ही प्रीमियर हो चुका है, जो कि हमें मैक्स टेलीविजन पर आए दिन ये मूवी देखने को मिलती रहती है और सोनीमा वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है। तो इस टाइप से जो मूवी है काफी जगह से हो जाती है, इसी टाइप की कुछ स्टोरी रहेगी इस मूवी के अंदर। आई होप आपको जानकारी मिल चुकी है क्या कैसे इस मूवी की स्टोरी रहने वाली है। तो इस टाइप से आप इस मूवी को देख सकते हैं और उस टाइप से काफी बेहद आपको मूवी पसंद आने वाली है। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज्यादा क्यों एक्साइटेड हैं एंड आप किस वजह से देखना चाहते हैं, और यही कुछ स्टोरी इस मूवी की रहने वाली है जो कि आपको काफी पसंद आ सकती है। तो वैसे मैं आपकी क्या राय इस मूवी के बारे में आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आने वाले दिनों में हम आपके लिए वैसे बहुत सारी अपडेट्स लाते रहते हैं, कुछ अपकमिंग अपडेट्स के साथ मिलेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में तो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। गाइज आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गुंडे मूवी के बारे में। अगर आप भी दोस्तों गुंडे मूवी को हिंदी भाषा में देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि कैसे क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गुंडे मूवी को लेकर कि कैसे क्या आप इस मूवी को देख सकते हैं, जानेंगे कुछ रिव्यू इस मूवी को लेकर। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें गुंडे मूवी के बारे में तो साल 2014 की काफ़ी अच्छी खासी एक्शन थ्रिलर मूवी है, जो कि दोस्तों आपके लिए देखने को मिली थी। काफ़ी अच्छे खासे रिकॉर्ड्स भी नाम किए थे इस मूवी ने, काफ़ी ठीक ठाक सी चल गई थी उस टाइम पर। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो ये जो मूवी है रिलीज़ हुई थी 14 फरवरी 2000 कुछ को
एंड उसके साथ साथ इस मूवी को डायरेक्ट किया अली अब्बास जफर ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था एसराज फिल्म द्वारा, यानी कि इस मूवी को एसराज फिल्म द्वारा जो बैनर तले बनाया गया है। और उसके साथ साथ इस मूवी के अगर बजट के लेकर बात कर लें तो लगभग बजट 51 करोड़ के आसपास तक का था उस टाइम पे। और इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है आज के टाइम तक का, जो मतलब उसी टाइम पे 130 से 31 करोड़ तक का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है हो रखा है इस मूवी का, तो काफ़ी ठीक ठाक से मूवी चल गई थी। ऐसे में रेटिंग को लेकर बात करें तो 2.7 out of 10 की IMDb को कुछ रेटिंग है इस मूवी को मिली है। रेटिंग के मामले में बहुत ही पीछे है ये मूवी। अगर बात कर लें कुछ 63% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया यानी पसंद किया है। और ऐसे में ये मूवी की कहानी है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। मूवी की कास्ट की अगर बात करें तो मैन लीड एक्टर्स में आपको रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान, सौरभ शुक्ला, दीपराज राणा, ऐसे बहुत से जो करेक्टर्स हैं देखने को मिलेंगे आपको इस मूवी के अंदर, जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों रणबीर और यहां पर अर्जुन कपूर ने एक साथ परफॉर्मेंस करने वाले हैं, एक दोस्त के रूप में निभाने वाले हैं इस मूवी के अंदर, वो यहां पर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि बात कर लें इस मूवी के बारे में तो गाइज आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कोई ऑफिशियली रूप से देखना चाहते हैं तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो मूवी है अनऑफिशियली कई तरीके से अवेलेबल है, बाकी ऑफिशियली तरीके से आप इसको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ताज्जुब ये होता है कि यसराज जैसे बैनर के द्वारा बनी फिल्म, जो कि हमारे डायरेक्टर साहब हैं अली अब्बास ने काफ़ी फिल्में दी हैं, जैसे कि दोस्तों अगर वर्षों में फिल्मों का जमाया जाए तो जैसे काफ़ी चालू मसालों के परोसकर ऐसी फिल्म जो बनाई है जो कि काफ़ी शौकीनों और टाइम पास के लिए थिएटर में काफ़ी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों यसराज बैनर के सुप्रीमो आदित्य चोपड़ा ने पहली फिल्म जो कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पूरी करने के बाद शोले जैसी भव्य फिल्में बनाने की ख्वाहिश जताई थी। लंबे अरसे के बाद आदित्य बेशक शोले नहीं बना पाए, लेकिन उनके पास जब इस फिल्म के इस कहानीकार और डायरेक्टर ने दो वीरू और जय टाइप के दोस्तों से मिलती जुलती कहानी सुनाई तो आदित्य ने झट से उन्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, ग्रीन सिग्नल दिया। अब इससे जब इन्होंने गुंडे बनकर तैयार की, इस मूवी का नाम गुंडे रखा, तो इन दोनों को किरदार को चंद पहलू, ट्रेन डकैती, सिक्का उछालना आदि के अलावा इनमें एक दोस्त वाला की इमेज कहीं ना कहीं एग्री यंगमैन की इमेज में प्रभावित लगती है। वहीं दोस्तों अच्छी शुरुआत के बाद कहानी को आगे खिसकाने के लिए डायरेक्टर ने हमारे कैबरे डांसर नजीता सेन की लंबी मुलाकातें और इंटरवल के बाद काफ़ी अचानक से बरसों पहले रिलीज हुई मूवी जो कि कोयला और काला पत्थर की झलक भी नजर आती है इस मूवी के अंदर। ताज्जुब है दोस्तों वैलेंटाइंस डे के दिन बॉलीवुड की ओर से किसी लव स्टोरी ने पर्दे पर दस्तक नहीं दी, गुंडे जरूर इस दिन मूवी रिलीज हो गई थी। और कहानी के 70 के दशक में दोस्तों जब लंबे गृह युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर नए नए देश के बांग्लादेश का जन्म होने के साथ इस फिल्म की कहानी शुरू होती है। इसी दौरान यहाँ कहीं वाला जो कि हमारे अर्जुन कपूर है और यहाँ पर विक्रम जो कि रणवीर सिंह है का जन्म हुआ है। इन दोनों ने दोस्तों इस गृह युद्ध के दौरान वहाँ हुए खून खराबे और हिंसा के तांडव को बहुत नज़दीक से देखा है। 12 से 13 साल की उम्र में दोनों कोलकाता आते हैं और कोयले की चोरी के काम में जुड़ जाते हैं, ठीक है, ये मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। हालात इन दोनों के दोस्तों अनाथों की दोस्ती की ऐसी डोर बांधते हैं जहां इनकी दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि एक जान तो दो जिस्म। बाला कुछ ऐसा गुस्सेल है जो कि अक्सर छोटी सी बात पर भी अपना आपा खो बैठता है। कोलकाता में आने के बाद इन्हें एहसास होता है कि इस शहर में अपना वजूद बनाने के लिए उन्हें हर काम एकजुट होना पड़ेगा। बाला और विक्रम, विक्रम का बड़ा है, विक्रम कोई भी काम बिना सोचे समझे हाथ में नहीं लेता है। यही वजह है कि विक्रम गैर कानूनी धंधे में बारीकियों को बाखूबी जानता है। विक्रम की एक और खासियत है दोस्तों, जिस वह अपना समझता है उसके लिए कुछ भी करने का हरदम तैयार रहता है। बेशक बाला गुस्सैल है लेकिन दोस्तों बेहद वफादार है। बाला लात घूसों को मासा कुछ जानता है, ज़्यादा ही जानता है। कोलकाता में आए हुए इन्हें दोस्तों कई साल हो चुके हैं। इस बीच दोनों इस शहर के सबसे बड़े और नामी गुंडे बन चुके हैं। इस बीच एंट्री होती है कैमरा डांसर की और उसके बाद नाइट क्लब की ओपनिंग पर विक्रम और बाला पहली बार नंदिता को देखते हैं और उसकी खूबसूरती पर मर मिटते हैं। नंदिता की जो खूबसूरती का जादू बाला और विक्रम पर कुछ ज़्यादा ही चलता है और दोनों उसकी आंखों की ओर खींचे चले जाते हैं। नंदिता जो कि आने के बाद बाला और विक्रम की रूखी जिंदगी में रंगों की बाहर सी आ जाती है। हर काम एक साथ बांटकर करने वाले बाला और विक्रम के बाहर नंदिता एक साथ मर मिटते हैं। हालात उस वक्त बदलते हैं जब नंदिता 7 दिन बाद इन दोनों में से किसी एक के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करती है। इस बीच SP सत्यजीत सरकार जो कि हमारे इरफान खान की एंट्री होती है इस मूवी के अंदर, जो हर गलत को सही करना जानते हैं,
कानून तोड़ने वालों को कानून सबक सिखाना और सरकार के अच्छे तरह जानता है। बड़े से बड़े गुंडों को उससे अक्सर कानून पाठ पढ़ाया है। सरकार का दोस्तों दिमाग बहुत तेज चलता है। इन दोनों के जेल के सिकंजों के बीच पहुंचाने के लिए एक प्लान बनाता है। सरकार की शतरंजी चाल में उसके पास कई मोहरे हैं। विक्रम और बाला बेहद गरीब हैं। तो इस पूरी जानकारी के लिए आपको मूवी की तरफ जाना पड़ेगा और यही कुछ स्टोरी देखने को मिलेगी। क्या कैसे होता है, क्या कैसे दोस्ती में टकराव आता है जब यहाँ पर लव स्टोरी किसी एक की साइड हो जाती है, तो वो सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। एक्टिंग्स को लेकर बात करें तो दोस्तों विक्रम के जो किरदार में रणवीर सिंह ने काफ़ी अच्छे खासा रोल प्ले किया है। बेशक दोस्तों रणवीर का लुक और कुछ सीन्स उनकी डायलॉग्स डिलीवरी के थोड़ा बहुत पीछे कर सकते हैं, जो कि रामलीला की याद दिलाते हैं थोड़ी बहुत। बाकी दोस्तों आपको लो बता दूँ, हर वक्त अलग अपनी दुनिया में रहने वाले गुस्सेल जो कि बाला, जो कि हमारे अर्जुन कपूर, अपनी ओर से काफ़ी अच्छा ऐसा बेहतरीन काम करते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी थोड़ी बहुत कमज़ोर नज़र आ सकती है इस मूवी के अंदर। प्रियंका इन दोनों के सामने जब भी नजर आई तो एक स्कूल टीचर के स्टाइल में इन्हें ज्ञान देती नजर आती है। बेशक नैनीता के रोल में दोस्तों प्रियंका फिट है, लेकिन रणबीर और अर्जुन के सामने कुछ ज़्यादा सीनियर नजर आती हैं। एसपी सरकार के रोल में इरफान खान ने प्रभावित किया, लेकिन उनका किरदार कुछ ऐसे कमजोर ढंग से लिखा गया कि इरफान जैसा मांझा हुआ कलाकार भी तरह जान नहीं डाल पाया। सौरभ शुक्ला अपने किरदार में खूब जमे हैं, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अली अब्बास जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले ही काफ़ी अच्छा खासा काम शुरू करना चाहते थे। इंटरवल से पहले जो कहानी है थोड़ी अकड़ता है, लेकिन इंटरवल के बाद काफ़ी क्लाइमैक्स बढ़ जाता है, काफ़ी मूवी है थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है। बाला और विक्रम की दोस्ती में दरार को अब्बास ने काफ़ी ढंग से पेश किया, काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखा है। आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए दोस्तों, आपको इसमें 70 और 80 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर बिकाऊ लगभग सभी मसाले मौजूद हैं, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सब एक मूवी की कह लें पुरानी मूवीज़ की सब कुछ मिक्सर एक टाइप से गुंडे मूवी में दिखाने की कोशिश की और काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। हालाँकि अगर बात कर लें, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिशियली रूप से आप इस मूवी को कैसे देख सकते हैं, तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये जो मूवी है अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर बात करें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में, तो गाइस इसका पहले ही बहुत ज़्यादा पहले ही प्रीमियर हो चुका है, जो कि हमें मैक्स टेलीविजन पर आए दिन ये मूवी देखने को मिलती रहती है और सोनीमा वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है। तो इस टाइप से जो मूवी है काफ़ी जगह से हो जाती है, इसी टाइप की कुछ स्टोरी रहेगी इस मूवी के अंदर। आई होप आपको जानकारी मिल चुकी है क्या कैसे इस मूवी की स्टोरी रहने वाली है। तो इस टाइप से आप इस मूवी को देख सकते हैं और इस टाइप से काफ़ी बेहद आपको मूवी पसंद आने वाली है। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा क्यों एक्साइटेड है एंड आप किस वजह से देखना चाहते हैं, और यही कुछ स्टोरी इस मूवी की रहने वाली है जो कि आपको काफ़ी पसंद आ सकती है। तो वैसे मैं आपकी क्या राय इस मूवी के बारे में आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आने वाले दिनों में हम आपके लिए वैसे बहुत सारी अपडेट्स लाते रहते हैं, कुछ अपकमिंग अपडेट्स के साथ मिलेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में